है उनके अचीवमेंट्स को क्या कर सकते हैं, बताइए जल्दी बताइए। हम लोग अच्छे अच्छे लोगों के अचीवमेंट्स को क्या कर सकते हैं, जल्दी बताओ। अच्छे अच्छे लोगों के अचीवमेंट्स को क्या कर सकते हैं, वेरी गुड, हम इंक्लूड करेंगे, हम उनके अचीवमेंट्स को इंक्लूड करेंगे, हम उनको शामिल करेंगे। वी मे अचीव इंक्लूड द अचीवमेंट्स ऑफ साइंटिस्ट एंड सोशल रिफॉर्मर्स, जो सामाजिक रिफॉर्मर्स है, है ना, जो परिवर्तन से राजा राम मोहन रॉय, सती प्रथा हटाया, रिफॉर्मर थे, बहुत बड़े रिफॉर्मर थे। साइंटिस्ट बहुत बड़े डिस्कवरीज इन्वेंशंस करते हैं, है ना, स्कॉलर्स यानी पढ़े लिखे जो ज्ञानी होते हैं, स्टेट्समैन बड़े बड़े नेता टाइप जो लोग होते हैं, जो बहुत बड़ा हमारे देश को आगे बढ़ाने में हेल्प किया, राइट। वर्कर्स इन फील्ड एंड फैक्ट्री एंड ऑल हु डैश टू द डैश ऑफ ह्यूमन रेस एंड ऑल हु डैश टू द डैश ऑफ द ह्यूमन रेस एंड ऑल हु डैश टू द डैश ऑफ द ह्यूमन रेस ऑल हु डैश टू, अब कौन सा लगाए, इंक्लूड एंड कंक्लूड। बेटा कंक्लूड तो होता है कोई चीज का कंक्लूजन करना, यानी कि समाप्ति करना, जब ऐसे लिखते हो तो लास्ट में लगाते हो ना, जल्दी जल्दी करो, कॉन्ट्रीब्यूट, वेरी गुड, हु कॉन्ट्रीब्यूट टू, बेटा इस टू के चक्कर में नहीं समझ में आ रहा है कि सर्व नहीं आएगा, हु कॉन्ट्रीब्यूट टू द, सर्व के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं आता, ऑल दोस हु सर्व द डैश ऑफ द ह्यूमन रेस होता है, इस टू के कारण हमें कॉन्ट्रीब्यूट लगाना पड़ा, जो जो अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं ह्यूमन रेस के डैश के लिए, ह्यूमन रेस के डैश के लिए, ह्यूमन रेस के डैश के लिए, स्कॉलर्स वगैरह ह्यूमन रेस के डैश के लिए अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं, क्या करते हैं, ह्यूमन रेस का क्या करते हैं, ऐसे अच्छे अच्छे लोग ह्यूमन रेस का क्या करेंगे, बताओ ह्यूमन रेस के का क्या करेंगे, जल्दी बताओ। बताओ जल्दी, प्रोग्रेस ऑफ द ह्यूमन रेस, वेरी गुड, क्योंकि ये लोग ह्यूमन रेस का प्रोग्रेस करेंगे, डिक्लाइन या फॉल नहीं करेंगे, स्टैग्नेट होता है जैसे कोई चीज ठहर गया सड़ रहा है ना, वो नहीं करेंगे। टू द प्रोग्रेस ऑफ द ह्यूमन रेस द विक्ट्रीज ऑफ पीस, जो शांति की जीत है, आर मोर डैश एंड यूजफुल टू द ह्यूमैनिटी, आर मोर डैश, एक बार एक डैम बन गया है ना, कम से कम 100 साल तो रहेगा ही रहेगा वो, तो आर मोर डैश एंड यूजफुल टू द ह्यूमैनिटी, आर मोर डैश। बेटा एट्रीब्यूट यहां इसलिए नहीं आएगा क्योंकि एट्रीब्यूट का मीनिंग कुछ और निकलता है, अगर आप एट्रीब्यूट का मीनिंग देखोगे तो उसका मीनिंग होता है जैसे टू बिलीव कि कोई चीज किसी और चीज को के कारण बना है ना, जैसे कारण ठहराने के लिए एट्रीब्यूट का इस्तेमाल होता है। Everlasting इशिता, बेटा 10th हम एडजेक्टिव में यही पढ़ाते हैं, Everlasting का मतलब होता है जो हमेशा के लिए टिक जाए, बेटा Everlasting और more मिलके superfluous होगा, more मतलब ज्यादा, Everlasting होता है जो हमेशा के लिए टिक जाए, संदीप बिल्कुल सही लिखा है, और more lasting ये ज्यादा टिकाऊ होते हैं, ये ज्यादा हमेशा के लिए टिकाऊ थोड़ी होते हैं बेटा, हमेशा के लिए जो टिकाऊ है उसके साथ मोर थोड़ी आएगा, तो ये भी तो ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन कौन से ऐसे एडजेक्टिव है जिनके साथ मोर और मोस्ट नहीं आता है ना, अगर हम कहें ट्राइंगुलर यानी तीन कोण वाला तो मोर ट्राइंगुलर कोई वर्ड हो सकता है, नहीं ना, पैरेलल मतलब एक समानांतर जा रहा है तो मोर पैरेलल कुछ हो सकता है, समझ में आया, देखो क्लोज टेस्ट ये टू था, ठीक है, इसका भी सारा आंसर्स आपका दिया हुआ है। अब आओ थर्ड, अगेन मैं आपको बोलूंगी पहले एक बार रीड करो उसके बाद पढ़ाएंगे। सिर्फ रीड करो, कुछ भी आंसर मत दो, सिर्फ रीड करो,
हो गया, चलो देखो। अकॉर्डिंग टू सोशियोलॉजिस्ट, जो सोशियोलॉजिस्ट है, समाजशास्त्री है, डैश गेन्स इन मेनी वेज व्हेन द गवर्नमेंट डैश स्पोर्ट्स एंड गेन्स डैश। सोशियोलॉजिस्ट के अनुसार डैश बहुत तरीके से गेन करता है, कुछ प्राप्त करता है जब गवर्नमेंट डैश स्पोर्ट्स और गेम्स को डैश करता है, डैश प्रोवाइड करता है, उपलब्ध कराता है प्लेग्राउंड्स, जितने भी खेल कूद की चीजें हैं नेसेसरी इक्विपमेंट उपलब्ध कराता है। मैंने नेसेसरी इक्विपमेंट में खेल कूद के इक्विपमेंट क्यों कहे, क्योंकि यहां स्पोर्ट्स एंड गेम्स दिख रहा है, एंड अदर फैसिलिटीज और बाकी सुविधाएं उपलब्ध कराता है। रिवॉर्ड करता है यानी कि इनाम देता है आउटस्टैंडिंग डैश को, आउटस्टैंडिंग जो सबसे ज्यादा अलग हटके जो डैश है उनको, सो एज टू एनकरेज, ताकि एनकरेज कर सके, प्रोत्साहित कर सके बाकियों को भी, ऑल्सो टू डैश गेम्स और गेम्स डैश गेम्स को भी। द क्राइम डैश डिप्स, जो क्राइम का डैश है वो डिप कर जाता है, नीचे चला जाता है, विच मीन्स, जिसका मतलब है दैट द डैश ऑफ जनरल क्राइम्स डिक्रीजेस, कि जनरली जो जनरल अपराध है उसका डैश कम हो गया है। डैश द राइट स्पिरिट एंड द राइट अप्रोच टू थिंग्स इज डेवलप्ड, जब आपका राइट थॉट राइट अप्रोच डेवलप होता है ना, तो उस देश का क्राइम नीचे जाएगा। जैसे आजकल बहुत चोरी चकारी हो रही है, बहुत चोरियां मुखर्जी नगर में तो जम के चोरियां हो रही है, क्यों? उसका रीजन है कि लोग बेरोजगार हो गए, है ना, और लोगों के पास खाने को नहीं है। तो वही कहा कि अगर राइट स्पिरिट राइट अप्रोच अगर डेवलप होगा तो क्राइम डिक्रीज करेगा, क्या डिक्रीज करेगा वो तो पता नहीं, डैश लगाए। स्पोर्ट्स, इट हैज बीन सेड, ऐसा कहा जाता है, स्पोर्ट्स इज नॉट ओनली अ मैनिफेस्टेशन ऑफ एनिमल एनर्जी, जो एनिमल के अंदर जो एनर्जी होता है उसका एक मैनिफेस्टेशन यानी बाहरी दिखावा ही सिर्फ नहीं होता। जैसे देखोगे शेर के बच्चे आपस में जब खेलेंगे तो पंजा मारेंगे, है ना, वो क्या है, मैनिफेस्टेशन है। सांप को देखना, पैदा होते ही उसके फन ऐसे निकलना शुरू हो जाते हैं, वो क्या है, उनका एनिमल जो इंस्टिंक्ट है अंदर उसका मैनिफेस्टेशन है, ठीक है। ऑफ सरप्लस स्ट्रेंथ टू डेवलप मोर स्ट्रेंथ, वो इस तरह से पंजा इसलिए मारते हैं ताकि उनका और स्ट्रेंथ डेवलप हो। आप जितना स्ट्रेंथ डेवलप करना चाहते हैं आपको फिजिकली उतना एक्टिव रहना पड़ता है ना। अब अगर हमें कहोगे दौड़ो तो हम तो थोड़ी देर में हाफ जाएंगे, क्योंकि फिजिकल स्ट्रेंथ तो हम डेवलप ही नहीं कर रहे, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको फिजिकल स्ट्रेंथ डेवलप करने के लिए स्पोर्ट्स चाहिए, यही तो मैनिफेस्टेशन ऑफ एनर्जी है। इट इज इन एडिशन अ डैश एंड होलसम आउटलेट फॉर द एग्रेसिव स्पिरिट इन ह्यूमन बींग्स। कहते हैं स्पोर्ट्स एक होलसम का मतलब होता है हेल्दी आउटलेट होता है, आउटलेट का मतलब जिससे बाहर निकले कोई चीज, क्या चीज बाहर निकले, एग्रेसिव यानी गुस्सा का जो स्पिरिट है। बेटा अगर पाकिस्तान इंडिया के बीच में क्रिकेट मैच जारी रहे ना तो बहुत अच्छी बात है, क्यों, वहीं पर जब मैच में पाकिस्तान को आप हराते हो या पाकिस्तान इंडिया को हराता है तो वो जो खुशी होती है ना अंदर से, वो हमारे एग्रेसिव जो फीलिंग है अंदर उसका एक सेफ आउटलेट है। खुद सोचो ना, ये एग्रेसिव फीलिंग सेफ आउटलेट के द्वारा आपका निकल गया वहीं पर फील्ड में या ज्यादा से ज्यादा टेलीविजन में, वो ज्यादा अच्छा है ना, रादर दैन युद्ध के मैदान में निकले और घर में लाशें आए, है ना। जब भी कोई सोल्जर का लाश आता है, चाहे वो इंडिया हो या पाकिस्तान हो, कोई भी माँ कोई भी बेटी या कोई भी वाइफ उतना ही रोती है जितना कोई भी देश में इंसान रोएगा, है ना। तो कहते हैं ये सेफ आउटलेट है, आप अपनी भड़ास सारा खेल के मैदान में निकाल दीजिए, वो एनिमल का एनर्जी का मैनिफेस्टेशन तो है लेकिन साथ साथ एक होलसम हेल्दी आउटलेट है आपके अंदर जो एग्रेसिव फीलिंग्स होते हैं वो बाहर निकालने का। बेटा इतना ध्यान से सोच के समझ के अगर आप करोगे तभी ना। स्नेहा आप मुझे व्हाट्सएप कर दो बेटा, ठीक है, क्योंकि अगर सबका आता ना तो बहुत ज्यादा हमारे पास मेल और व्हाट्सएप आ जाते हैं। दो ऑप्शन अगर एक जैसा लगे धीरज तो आप प्रॉब्लम फेस करोगे, ठीक है, कभी कभी आपसे गलत भी हो जाता है, वो कोई बात नहीं। सुनो अब एक बात बताओ बेटा, आप लोग कंट्री 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 कर रहे हो, जब आप सोशियोलॉजिस्ट की बात कर रहे हो तो बेटा सोसाइटी लिखो ना, समझ में आ रहा है भाई, ये खाली आपका कंट्री की बात नहीं कर रहा, ये एज ए होल समाज की बात कर रहा है। खुद नीचे मैंने जो समझाया है ये समाज की तो बात कर रही हूं ना मैं, है ना। सोसाइटी गेन्स इन मेनी वेज, सोसाइटी समाज बहुत तरीके से गेन करता है व्हेन द गवर्नमेंट डैश स्पोर्ट्स एंड गेम्स। गवर्नमेंट क्या करेगा स्पोर्ट्स एंड गेम्स, सोसाइटी बहुत तरीके से गेन करता है जब गवर्नमेंट डैश करता है स्पोर्ट्स एंड गेम्स। गवर्नमेंट क्या करता है क्या करता है स्पोर्ट्स एंड गेम्स, बताओ बोलो बोलो जल्दी। डैश स्पोर्ट्स एंड गेम्स व्हेन द गवर्नमेंट, स्टेट नहीं होगा बेटा, मैं पूरे वर्ल्ड की बात कर रही हूं, तुम स्टेट और कंट्री में फंसे हो। एनकरेजेस, वेरी गुड मोहम्मद, गवर्नमेंट एनकरेजेस स्पोर्ट्स एंड गेम्स, जब गवर्नमेंट स्पोर्ट्स एंड गेम्स को एनकरेज करता है, डैश डैश कहां डैश डैश क्या है, व्हेन द गवर्नमेंट एनकरेजेस स्पोर्ट्स एंड गेम्स डैश डैश, बताओ डैश में क्या आएगा
जल्दी बताओ डैश। यस कंडक्ट नहीं बेटा, गवर्नमेंट कंडक्ट नहीं करा सकती है, ठीक है ना। अब अगर कहोगे इंडिया पाकिस्तान के बीच का मैच तो गवर्नमेंट थोड़ी कंडक्ट कराएगी, गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया, अगर बैन उठा देगा तो बीसीसीआई कंडक्ट कराएगी। एवरीवेयर अभिषेक, वेरी गुड। हर जगह, सिर्फ स्टेडियम में नहीं, सिर्फ विलेज में नहीं, सिर्फ शहर में नहीं, बल्कि हर जगह प्रोवाइड क्या करे, प्लेग्राउंड्स, नेसेसरी इक्विपमेंट, फैसिलिटीज, रिवॉर्ड, आउटस्टैंडिंग क्या, एकदम आउटस्टैंडिंग क्या रिवॉर्ड करे, आउटस्टैंडिंग क्या, आउटस्टैंडिंग सोच के बताओ क्या, आउटस्टैंडिंग डैश, जल्दी बोलो, आउटस्टैंडिंग डैश, आउटस्टैंडिंग डैश। मैं ना मुझे डेटर मिलना चाहिए तो अभी खत्म कर देंगे, तब स्टार्टिंग जी के बड़ा करो। ये नाम थोड़ा ठीक करो, नहीं दिख रहा है, रेड में वाइट कर दो या ग्रीन में वाइट कर दो, बोलो। स्पोर्ट्समैन बेटा, लीडर्स, क्या बात करते हो यार, हाँ रेसलिंग में ले जाके हम केजरीवाल को रिवॉर्ड कर दें, भाई कौन हुआ था, सुशील कुमार हुआ था, यानी स्पोर्ट्समैन को रिवॉर्ड किया जाता है यार, रिवॉर्ड्स आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन सो एज टू एनकरेज अदर्स ऑल्सो टू डैश गेम्स, बाकी लोग भी प्रोत्साहित हो क्या करने के लिए, बाकी लोग भी प्रोत्साहित हो, पानी दे दो मुझे क्या करने के प्रोत्साहित हो, जल्दी बाकी लोग भी प्रोत्साहित हो क्या करने के लिए, देखो तो जल्दी बताओ, फिफ्थ का आंसर स्पोर्ट्समैन, वेरी गुड संदीप, गीता स्पोर्ट्समैन लिखना, ओंकार स्पोर्ट्समैन लिखो, गीता बिल्कुल सही है। फाइव का आंसर बताओ, प्ले, वेरी गुड निखिल, वेरी गुड, क्यों, क्योंकि ताकि बाकी लोग भी गेम्स खेले। देखे जब रेसलर्स जाके जीत के आए ओलंपिक, पूरा का पूरा हरियाणा के जितने लड़के थे सबको मन कर गया कि हम भी अखाड़ा ज्वाइन करें, हम भी अपना रेसलिंग करें और देश का नाम रोशन करें, यानी पूरा पूरा वहां पे प्रमोशन हो गया भाई गेम्स का, है ना, रेसलिंग का एकदम प्रमोशन हो गया था। सो एज टू एनकरेज अदर्स ऑल्सो टू प्ले गेम्स, द क्राइम डैश डिप्स, द क्राइम डैश डिप्स, द क्राइम डैश डिप्स, देखो तो क्या होता है, क्राइम का क्या नीचे जाता है, क्राइम का क्या नीचे जाएगा, जरा बताइए तो, क्राइम डैश डिप्स, देखो ना एक मिनट बुझाओ, द क्राइम डैश डिप्स, वेरी गुड, क्राइम का ग्राफ डिप करता है। आप जाओ पुलिस स्टेशन, बोलो मुझे एफआईआर लिखवानी है, वो पूरी कोशिश करेगा एफआईआर नहीं लिखवाने का, समझौता कराने की कोशिश करेगा, दोनों पार्टी को धमकाएगा, क्यों, क्योंकि उनको पता है जैसे हमने एफआईआर किया ये हमारा ग्राफ ऐसे जाएगा, और हर पुलिस स्टेशन चाहता है कि हमारे एरिया में कम हो जो भी अपराध होता है, कम हो ताकि हमारा ग्राफ नीचे जाए। इसीलिए जब स्पोर्ट्स एनकरेज होता है ना, देखो कि जो वर्ल्ड कप होता है फुटबॉल का, उस समय पता है क्राइम ग्राफ आप यूरोपियन कंट्रीज का देखो नीचे चला जाता है, सब लोग फुटबॉल के पीछे पागल हो जाते हैं, है ना, सॉकर के पीछे पागल हो जाते हैं। द क्राइम ग्राफ डिप्स विच मीन्स दैट द डैश ऑफ जनरल क्राइम्स डिक्रीजेस, इसका अर्थ है दैट द डैश ऑफ जनरल क्राइम्स डिक्रीजेस, कि जनरल क्राइम का डैश डिक्रीज कर गया है, बताओ क्या होगा, इधर आओ एक मिनट रुकना बेटा, इधर आओ, ये भाई सबसे ऊपर होगा ना, हाँ ये सबसे ऊपर जाएगा और उसके बाद ये स्टार की तरह सबसे नीचे आएगा। बेटा इंसिडेंट्स, घटनाएं, अगर क्राइम ग्राफ नीचे जाता है इसका मतलब है जो अपराध की घटनाएं हैं, घटनाएं वो कम हो रही है, अपराध की घटना कम होगी तभी ना क्राइम ग्राफ नीचे जाएगा। क्यों, द क्राइम ग्राफ डिप्स which means that the incidence of general crimes decreases, dash the right spirit and the right approach to things is developed on the dash, dash the right spirit, kyun, dekho to kya bolna cha raha hai, aage jodne ke liye aapko lagana hai, kaun sa lagaoge, yahan pe kaun sa lagaoge, socho to, बोलो
बिकॉज द राइट स्पिरिट होगा यार. समझ नहीं रहे हो? सुनो, क्राइम ग्राफ नीचे जाता है. क्यों? क्योंकि अपराध की घटनाएं कम हो रही है. क्योंकि कैसे कम हो रही है? क्योंकि जो राइट स्पिरिट है लोगों में, राइट अप्रोच, नजरिया, जो आपका एक तरीका होता है, वो डेवलप हो रहा है. आपका सही नजरिया, सही तरीका डेवलप होता है बिकॉज, क्योंकि क्राइम ग्राफ डिक्रीज कर रहा है. क्योंकि अनलेस, नहीं बेटा, क्राइम के इंसिडेंट्स इसलिए कम हो रहे हैं क्योंकि लोगों का नजरिया पॉजिटिव हो रहा है, लोगों का अप्रोच पॉजिटिव हो रहा है, लोगों का सोचने का तरीका पॉजिटिव हो रहा है ना. बिकॉज होगा, बिकॉज द राइट स्पिरिट एंड द राइट अप्रोच टू थिंग्स इज डेवलप्ड ऑन द कहां, डेवलप्ड ऑन द, डेवलप्ड कहां पे, आपका राइट अप्रोच डेवलप हो रहा है कहां. फिर से लगाएंगे, देखो रुको भी. बिकॉज दो बार नहीं हुए बेटा, एक ही बार है. अरे ओमकार, तुम स्पोर्ट्स को वॉर फील्ड में खेलोगे? येट का मतलब तो, येट अगर होता तो यहां पे येट कैसे आता बेटा? चुकी हो गया फिर तो. मैंने ग्रीन में व्हाइट कहा था और थोड़ा सा नाम बड़ा करो. फी फी बाई डाउन ही करो. देखो टिल 17th जून. यस, वेरी गुड. क्योंकि भाई जो प्ले ग्राउंड में लोग खेल रहे हैं ना, वहीं पर अपना सारा एग्रेसिव गुस्सा, सारा सब कुछ निकाल के राइट अप्रोच वहां पे प्राप्त कर रहे हैं. इसीलिए इतनी थक जाते हैं, इतना जिंदगी में राइट अप्रोच की तरफ जा रहे हैं. सारा अपना फ्रस्ट्रेशन, सारा एग्रेसिव फीलिंग सब वहीं प्ले ग्राउंड पे निकाल दे रहे हैं. तो भाई क्यों जाके क्राइम करेंगे, है ना. इसलिए क्राइम ग्राफ देखो, देखो फिर से समझो. क्राइम का ग्राफ डिप करता है. इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि जो क्राइम की घटनाएं हैं वो कम हो रही है. क्यों कम हो रही है? क्योंकि जो सही स्पिरिट है, क्योंकि जो सही स्पिरिट है, क्योंकि मतलब बिकॉज हुआ, जो राइट अप्रोच है सभी चीजों के प्रति, वो प्ले ग्राउंड में डेवलप हो रहा है. ठीक है. स्पोर्ट्स, इट हैज बीन सेड, इज नॉट ओनली अ मैनिफेस्टेशन ऑफ एनिमल एनर्जी ऑफ सरप्लस स्ट्रेंथ टू डेवलप मोर स्ट्रेंथ, इट इज एन एडिशन, अ डैश एंड होलसम आउटलेट, अ डैश एंड होलसम आउटलेट. एंड लगा है तो हम कुछ ऐसा रखेंगे जो होलसम के बराबर हो, क्योंकि कंजंक्शन एंड है, याद है ना, क्रिएटिव एंड कंस्ट्रक्टिव. देखो तो नहीं बेटा, तुम लोग बार बार एक ही चीज गलत कर रहे हो. सपोज द टॉपिक इज, उसके बाद इस, ये इसके जैसा हो गया. इसको यहाँ थोड़ा सा सरकाऊंगा. एक मिनट रुकना बेटा. हाँ, एक बार बाबुल को दिखा देना. चलो, वेरी गुड, बहुत अच्छा बेटा. मैंने क्या कहा था, ये हेल्दी वे है. एक ये हेल्दी वे है. एक बात बताओ, क्या कहते हैं? स्टे सेफ एंड हेल्दी. घर पे रहो, सेफ रहो, हेल्दी रहो. तो सेफ होना चाहिए बेटा. क्लेवर तो चालाक होता है भाई. इसमें चालाकी क्या है? स्पोर्ट्स खेलोगे तो बॉडी अच्छा होगा ना. ये सेफ है और होलसम तरीका है अपनी भड़ास निकालने का. नहीं तो वॉर के मैदान में निकालोगे ना, वॉर फील्ड में, तो मरोगे या मारोगे, है ना. तो वही कहा, ये सेफ तरीका है अपनी भड़ास निकालने का. हो गया, चलो नेक्स्ट आओ, इसको करो. और ये आज हमारा लास्ट क्लोज टेस्ट होगा. एक बार रीड करो तो. महबूब, मोहम्मद महबूब, बिल्कुल सही बेटा. नौ, बहुत अच्छा. निशांत, सेफ, वेरी गुड. अमित, बहुत अच्छा. 9 out of 10, बहुत अच्छा है अभी. चलो, मैंने कहा आपको सिर्फ और सिर्फ पहले तो रीड करो, बोलना क्या चाह रहा है वो देखो.
सूरज मेरे दवा का डब्बा ले आना। मोस्ट ऑफ अस डैश, मोस्ट ऑफ अस डैश, हम में से अधिकतर लोग डैश करते हैं। दैट कॉकरोचेस आर डैश क्रिएचर्स, कि जो दिलचट्टे होते हैं कॉकरोच वो डैश क्रिएचर्स है। डैश जीव है, बहुत कमजोर एंड डैश, बहुत ही कमजोर और डैश। दैट कैन बी डिस्ट्रॉयड विथ वन डैश, जिसको एक डैश से डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। यस यू कैन किल अ कॉकरोच इजली, हाँ आप कॉकरोच को इजली किल कर सकते हैं। डैश इन रियालिटी इट इज एन डैश टफ क्रिएचर, डैश इन रियालिटी ये डैश टफ क्रिएचर होता है, बहुत मजबूत जीव होता है। कॉकरोचेस आर इनक्रेडिबली, इनक्रेडिबली का मतलब होता है अविश्वसनीय, स्ट्रांग, अविश्वसनीय तरीके से मजबूत होता है। दे कैन डैश एनी वेयर एंड ऑन एनी थिंग, वो कहीं भी डैश कर सकते हैं, किसी भी चीज पर डैश कर सकते हैं। अ कॉकरोच कैन ईट एनी थिंग, इट डैश अवर फूड, कुछ भी खा सकता है, ये डैश हमारा खाना कर जाता है। बट इट कैन ऑल्सो ईट डैश थिंग्स, ऐसे डैश थिंग्स को भी खा सकता है, जैसे कि कैंडल का वैक्स, साबुन, पेपर। सो द नेक्स्ट टाइम, अगली बार यू किल अ कॉकरोच, जब आप किसी कॉकरोच को मारो, फील डैश, फील डैश, डैश फील करो, बिकॉज यू आर किलिंग एन एक्सट्रीमली टफ क्रिएचर, क्योंकि आप एक्सट्रीमली टफ क्रिएचर को मार रहे हो। फर्स्ट आंसर आप सबने दे दिया है, मोस्ट ऑफ अस थिंक, हम में से अधिकतर लोग ये सोचते हैं कि थिंक, यानी हम में से अधिकतर लोग ये सोचते हैं दैट कॉकरोचेस आर डैश क्रिएचर्स, वेरी वीक एंड डैश, कॉकरोचेस आर डैश क्रिएचर्स, वेरी वीक एंड डैश। देखो डैश क्रिएचर्स वेरी वीक एंड डैश, हम में से अधिकतर लोग ये सोचते हैं कॉकरोचेस डैश क्रिएचर्स है, बहुत कमजोर एंड डैश। बताओ आगे की लाइन को भी ध्यान में रख के आंसर देना, वेरी गुड अभिषेक, निशांत, निखिल, इशिता, नंदिनी, बहुत अच्छा। कि कॉकरोचेस भाई छोटे से तो चीज है, कमजोर सा एंड डैश, बेटा कमजोर एंड, तो कुछ मुझे ऐसा आंसर देना पड़ेगा जो कमजोर के जैसा ही मीनिंग दे, ठीक है। वेरी वीक एंड डैश, वेरी वीक एंड डैश, वेरी वीक एंड डैश, बताओ क्या होगा। वेरी वीक एंड डैश, वेरी गुड ओमकार, वेरी गुड। नहीं सविता रॉन्ग कर दिया, सुनो हम में से अधिकतर लोग सोचते हैं कि कॉकरोचेस आर डैश क्रिएचर्स। सविता आपने इरिटेटिंग इसलिए बोला क्योंकि आपको कॉकरोच से घिन आती होगी, बेटा पैराग्राफ के अकॉर्डिंग चलेंगे, आपके मर्जी के अकॉर्डिंग नहीं। डैश क्रिएचर्स वेरी वीक एंड डैश, बेटा वीक बताया है तो यहां पर भी कुछ वीक से जैसा ही कुछ आना चाहिए और यहां पर भी वीक के जैसा ही कुछ आना चाहिए। इसका मतलब कॉकरोचेस यार इतना सा तो होता है ना, कमजोर सा और वल्नरेबल। वल्नरेबल का मतलब होता है जिसको नुकसान पहुंचाना आसान हो, जो कमजोर होते हैं ना, जैसे कहते हैं विमेन एंड चिल्ड्रेन फिजिकली वीक एंड वल्नरेबल होते हैं। आप फिजिकली अगर वीक होते हो तो आपको आसानी से नुकसान पहुंचाया जा सकता है, तो वीक एंड वल्नरेबल कहते हैं। वल्नरेबल का मतलब होता है दैट कैन बी हार्म्ड इजली। कैसे, एक पटका मारो ना बस मर जाएगा, आप देखो वही तो लिखा है। वीक एंड वल्नरेबल दैट कैन बी डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड मतलब जिसका नाश कर सकते हो आप विथ वन डैश, है ना, एक बार चट से मारा खत्म, है ना। वल्नरेबल वही तो है, दैट कैन बी हार्म्ड इजली, ठीक है। विथ वन क्या, विथ वन क्या सोचो। हाँ अमित, वॉल्यूम वन में वल्नरेबल का मीनिंग दिया है, विथ वन डैश। बोलो तो एग्जामिन का मतलब बेटा, उसको बैठ के अच्छे से उसको खोल के देख रहे हो। वन हिट नहीं बेटा, जब आप किसी चीज को हिट करते हो ना, जो फटक्का पड़ता है उसको, उसको ब्लो कहते हैं, समझे। आपने एक चाटा मारा, यू हिट हिम, लेकिन गाल में जो पड़ा ना उसको ब्लो कहते हैं, याद रखना। ब्लो का मतलब होता है जो, मैंने क्या कहा, चाटा पड़ा है ना, विथ वन हिट व्हेन यू हिट हिम दैट कम्स ऑन हिज चीक इज द ब्लो। इसीलिए जो उसको फटक्का पड़ता है आप हिट करते हो, लेकिन जैसे मान लो कोई पेपर को मोड़ के हिट किया, जो हिट किया बेटा उसको ब्लो कहते हैं, याद रखना। बहुत कम लोग इसको सही कर पाते हैं, इसमें सबको प्रॉब्लम हो रहा था। दैट कैन बी डिस्ट्रॉयड विथ वन ब्लो, यस यू कैन किल अ कॉकरोच इजली, आप आसानी से कॉकरोच को मार सकते हैं। डैश इन रियलिटी आप आसानी से उसको मार सकते हैं, डैश इन रियलिटी इट इज टफ क्रिएचर, डैश इन रियलिटी आप आसानी से मार सकते हैं, डैश इन रियलिटी।
डैश इन रियलिटी, बताओ डैश इन रियलिटी क्या होगा, बोलो डैश इन रियलिटी, बोलो बट इन रियलिटी। यस ठीक है, तुम उसे एक फटके से मार सकते हो, एक ब्लो से, और ये आराम से मार सकते हो, लेकिन वास्तव में ये टफ क्रिएचर है। लेकिन लेकिन का इंग्लिश बट, इन रियलिटी इज इट इज एन डैश टफ क्रिएचर, एन डैश टफ क्रिएचर। बेटा टफ से रिलेटेड ही कोई ऐसा एडजेक्टिव होना चाहिए जो इस क्रिएचर की विशेषता बता रहा हूं। अब बताओ डैश टफ क्रिएचर, इट इज डैश टफ क्रिएचर, लेकिन हकीकत में ये डैश टफ क्रिएचर, हकीकत में डैश टफ क्रिएचर, बोलो बताओ, एक्सट्रीमली वेरी गुड, इट इज एन एक्सट्रीमली टफ क्रिएचर, ये बहुत ज्यादा टफ क्रिएचर है। कॉकरोचेस आर इनक्रेडिबली इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग, जो कॉकरोच होते हैं ना वो बहुत इनक्रेडिबली का मतलब होता है अविश्वसनीय रूप से मजबूत होते हैं। दे कैन डैश एनी वेयर, दे कैन डैश एनी वेयर, दे कैन सॉरी दे कैन डैश एनी वेयर, कहां गया सेवन का, कहां गया सेवन का, बनाया ही नहीं है सेवन का गायब बेटा। चलो आप लिख लो इसका आंसर, मैं अभी आपको सही करवा के दे दूंगी। ए इसका सेवन का तो ब्लैंक ही बनाया नहीं है, लास्ट वाले का क्लोज टेस्ट फोर का सेवन का ब्लैंक ही नहीं बनवाया, इसको सही करूंगी तो मैं डालूं कैसे उसमें, बनाया नहीं, जल्दी बनाओ, सिक्स के बाद सीधा एट कर दिया है। दे कैन सर्वाइव एनीवेयर, वो कहीं भी सर्वाइव कर सकते हैं और किसी चीज पर भी। और कॉकरोच कैन ईट एनीथिंग, इट डैश अवर फूड, इट डैश अवर फूड, क्या होगा देखो तो, इट डैश अवर फूड, बताओ तुम। हाँ लिव भी चलता, लेकिन वहां पे ऑप्शन में सर्वाइव होना चाहिए था कि किसी भी चीज पर वो सर्वाइव कर जाते हैं। इट डैश अवर फूड, बताओ क्या होता है, बोलो इट डैश अवर, ना बेटा चीव तो चबाना होता है बेटा, खाना, वो हमारा खाना खा जाते हैं। कॉकरोच कैन ईट एनीथिंग, हमारा खाना खा जाते हैं, हमारा खाना खा जाते हैं, बट इट कैन ऑल्सो ईट डैश थिंग्स, कैसे थिंग्स, कैंडल वैक्स जैसा डैश थिंग्स, सोप के जैसा डैश थिंग, पेपर के जैसा डैश थिंग, है ना। लो एट पहले डाल दिया, सेवन बाद में डाला, सर्वाइव था यहां पे देखो। इट कैन डैश, इट कैन ईट, ये खा सकते हैं कौन सी कैसी चीज, देखो तो सुनो, सेवन पहले लगा दिया, नहीं सेवन बाद में लगाया, एट पहले लगाया। ईट डैश थिंग्स, कैसी चीजें खा सकता है बताओ तो, इट कैन ईट डैश थिंग्स, बताओ डैश थिंग्स, डैश थिंग्स, जल्दी बताओ, पेपर के जैसा, सोप के जैसा, कैंडल वैक्स के जैसा, डैश थिंग्स। ऋतिक क्या लिख रहे हो, अनइमेजिनेबल, यस ओमकार, भाई कोई कैंडल वैक्स खाएगा यार, सोप खा सकता है, हम जो सोच भी नहीं सकते कि ऐसी चीजें भी कोई खा सकता है, सोप, पेपर, कैंडल का वैक्स, क्या ऐसी भी चीजें हैं जो खा सकता है कोई, अनइमेजिनेबल, जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। इसीलिए नेक्स्ट बार आप कभी कॉकरोच को मारो तो फील डैश, क्योंकि आप बहुत टफ क्रिएचर को मार रहे हो, फील डैश, फील क्या, फील डैश, ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा करना चाहिए था, टिल को बड़ा करना, टिल नहीं, टिल को तो यहीं घुसा दो, लेकिन दाम थोड़ा बड़ा लिखते हैं ना, ठीक है। जो दूसरी बात, ये जगह क्यों बर्बाद की हो, ये जो दाम है इसको यहाँ लिख दो, इतना बड़ा हो जाएगा जगह तुम्हारे लिए, स्टैटिक को भी। तुम इतने स्ट्रॉन्ग व्यक्ति हो, एक इतना टफ क्रिएचर को मार रहे हो, खुश हो जाओ, है ना, खुश हो जाओ, फील हैप्पी कि भाई तुम इतने भयंकर टफ क्रिएचर को मार रहे हो जो कुछ भी खा के कहीं भी जिंदा रह सकता है, यानी तुम कितने ताकतवर हो, सोचो, ठीक है, फील क्या, हैप्पी, समझ में आया। हम लोगों ने आज चार किए बेटा, और चारों कोई बहुत आसान लेवल का भी नहीं था, लेकिन मैंने आपको समझा के करवाया। चलो अब नेक्स्ट क्लास में कुछ नया चैप्टर करेंगे और बीच में फिर से एक क्लोज टेस्ट लेंगे, ठीक है, चलो इतना ही रहने दे आज। कल आपका क्लास होगा 3:30 बजे, कल क्लास आ जाना 3:30 बजे, मोस्ट प्रोबेबली कल मैं डिटरमिनर खत्म भी कर दूंगी, शुरू करके खत्म भी कर दूंगी, क्योंकि बहुत छोटा चैप्टर है डिटरमिनर्स, ठीक है, उसको शुरू करके खत्म। इवनिंग एवरीवन, हम लोग लास्ट क्लास में 4 क्लोज टेस्ट कर चुके थे, आज फिर हम लोग थोड़ा क्लोज टेस्ट कर लेते हैं, और एक बार क्लोज टेस्ट थोड़ा आपके पल्ले पड़ जाए तो उस बेटा क्लोज टेस्ट बुक्स में, बुक में वॉल्यूम 2 में है बेटा,
वॉल्यूम 2 में है, द विंग्स ऑफ सम बर्ड्स आर सो स्मॉल, विंग्स जो होते हैं बर्ड्स के वो कुछ बर्ड्स के इतने छोटे होते हैं दैट दे आर डैश फॉर फ्लाइंग, बिकॉज इतने छोटे छोटे पंख हो, इतना बड़ा पंछी हो, इतने छोटे छोटे पंख हो और वो फ्लैप भी करे तो क्या उड़ पाएगा? नहीं. यानी इतने छोटे होते हैं दैट दे आर यूजलेस, वो पंख यूजलेस होते हैं फॉर फ्लाइंग, है ना? आप जवाब तो दे ही चुके थे इसका, अब बताओ सेकेंड का आंसर क्या होगा, सेकेंड का आंसर क्या होगा बताओ बेटा. हमारा क्लास नोट्स में सिर्फ ग्रामर है. नेक्स्ट का आंसर बताओ, पहला आप बता चुके, नेक्स्ट. जल्दी बताओ बेटा, कल तो यहां पे आज चेंज करवाए हैं, कल हमारा माइक खराब था, कल 5:30 का क्लास 10:30 किया है मैंने, तब भी क्लास आधा क्लास आधा पौना घंटा क्लास करा के छोड़ना पड़ा, तो कल का क्लास तो बहुत ही खराब हो गया. गुड, वेरी गुड. पहले ऐसे पंछी उड़ सकते थे, पहले ऐसे पंछी उड़ सकते थे बेटा, सकते थे, पास्ट एबिलिटी के लिए हम कुड लगाते हैं, ठीक है? अब उसके पंख उस लाइक नहीं रहे, लेकिन पहले ऐसे पंछी उड़ सकते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ, बट आफ्टर लिविंग फॉर थाउजेंड्स ऑफ डैश इन प्लेसेस वेयर दे हैड नो डैश देयर वाज नो नीड फॉर देम टू फ्लाई. लेकिन हजारों थाउजेंड्स ऑफ डैश उन लोग ऐसे जगह पे रहे, ऐसे जगह पे जिए वेयर दे हैड नो डैश, जहां उनके कोई भी डैश नहीं थे, देयर वाज नो नीड फॉर देम टू फ्लाई, तो उन्हें उड़ने की जरूरत नहीं पड़ी. आगे बताओ, जल्दी करो, माइट नहीं होगा बेटा, उड़ सकते थे, माइट फ्लाई का मतलब शायद उड़े थे. यस संदीप, यस इशिता, निखिल, रविशा, अशोक, अभिनव, वेरी गुड. इसका मतलब कि आफ्टर लिविंग फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, कहां पे हजारों साल जिए वो लोग, ऐसे जगह पे जहां पे दे हैड नो डैश, दे हैड नो डैश, बताओ क्या होगा, दे हैड नो डैश क्या होगा, दे हैड नो डैश, दे हैड नो डैश. वेरी गुड स्नेहा. एनिमीज बेटा, जब कोई पंछी को, कबूतर वगैरह को देखना, अगर वो आपको देखता है नजदीक आते हुए तो उड़ जाता है, यानी पंछी तब उड़ते हैं तब देखते हैं कोई खतरा हो नजदीक, वरना वो आराम से चुगते रहते हैं दाना, है ना? तो हजारों हजार साल ऐसे जगह पे ये लोग रह गए जहां पे उनके कोई एनिमीज नहीं थे, जब कोई एनिमीज नहीं थे तो उनको उड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, है ना? दे हैड नो एनिमीज, देयर वॉज नो नीड फॉर देम टू फ्लाई, एंड दे डैश ऑन द ग्राउंड, एंड दे डैश ऑन द ग्राउंड, दे हैड नो एनिमीज बेटा, ठीक है ना? आदमी भी, हम लोग भी जब भागते हैं, कब भागते हैं? जब कोई दुश्मन को देखते हैं, फ्रेंड को देख के थोड़ी भागते हो. वैसे पंछी भी फट से उड़ते हैं, क्यों? उनको लगता है कोई खतरा है नजदीक में, तब. एंड दे डैश ऑन द ग्राउंड, जल्दी बताओ, एंड दे डैश ऑन द ग्राउंड, क्या किया वो लोग? दे डैश ऑन द ग्राउंड, स्टेड, स्नेहा, वेरी गुड, दे स्टेड ऑन द ग्राउंड. और फिर वो क्रीप का मतलब बेटा रेंगना होता है, क्रीप का सेकंड फॉर्म क्रिप्ट है भाई, सांप वगैरह रेंगता है, रेंगना, क्रीप, क्रॉल भी होता है रेंगना, क्रीप एंड क्रॉल दोनों होता है रेंगना. स्टेप का मतलब होता है कदम रखना, यानी वो जमीन पे रह गए, दे स्टेड ऑन द ग्राउंड. आफ्टर अ वाइल, कुछ समय बाद, देयर डैश वंस कुड नो लॉन्गर राइज इनटू द एयर, देयर डैश वंस कुड नो लॉन्गर राइज इनटू द एयर. वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड रहमान, निकिता, अभिषेक, मनीष, सब बहुत अच्छा कर रहे हो. देयर डैश वंस नो लॉन्गर राइज कुड राइज इनटू द एयर, यंग वंस, वेरी गुड स्नेहा, वेरी गुड. उनके जो बच्चे थे वो फिर एयर में नहीं उठ पाए. चलो अब यहां से यहां तक फिर से समझो, कुछ पंछियों के विंग्स इतने छोटे होते हैं कि उड़ने के लिए बिल्कुल यूजलेस होते हैं. पहले ऐसे पंछी उड़ सकते थे, कुड फ्लाई, लेकिन थाउजेंड्स ऑफ इयर्स वो ऐसे जगह पे रह गए जहां पे उनके कोई दुश्मन ही नहीं थे, इसीलिए देयर वाज नो नीड फॉर देम टू फ्लाई, उड़ने की जरूरत नहीं पड़ी. एंड दे स्टेड ऑन द ग्राउंड, और जमीन पे ही रह गए. अब बेटा वो जमीन पे रह गए तो उड़ना भूल गए, अब उड़ना भूल गए तो अपने यंग वंस को कैसे सिखाएंगे उड़ना. एंड आफ्टर अ वाइल देयर यंग वंस कुड नो लॉन्गर राइज इनटू द एयर, उनके यंग वंस ऊपर उठ ही नहीं पाए. ठीक है, आगे आओ. द ऑस्ट्रिच, या एम्यू एंड कैसोवेरी डैश फ्लाई, बताओ. सेवेंथ, जल्दी सेवेंथ का आंसर बताओ. कृष्णा, रॉन्ग आंसर. इशिता, वेरी गुड. सचिन, वेरी गुड, बहुत अच्छा. अभिनव, स्पेलिंग का तो पूरा का पूरा आपका यूट्यूब में भी पढ़ाया हुआ है. ठीक है, कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, ये लोग उड़ना बंद कर दिए, उनके बच्चे उड़ना भूल गए, नहीं जानते थे, सीखे ही नहीं.
ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच जैसे देखा बेटा, बाकी सारे पंछियों के नाम है और कहेंगे क्या कि ये उड़ नहीं सकते हैं भाई। ऐसे जान, ऐसे पंछी उड़ते हैं क्या? ऑस्ट्रिच को उड़ते देखे हो? ऑस्ट्रिच को उड़ते देखे हो? अभी नहीं उड़ सकते, और तेज दौड़ेगा लेकिन उड़ नहीं पाएगा। कैन नॉट फ्लाई बट दे कैन रन फास्ट ऑन द लॉन्ग स्ट्रॉन्ग लेग्स, अपने स्ट्रॉन्ग लेग्स से वो बहुत तेज दौड़ सकते हैं। ऑस्ट्रिचेस डैश इन अफ्रीका एंड आर फाउंड ऑन द ग्रासी प्लेसेस। ऑस्ट्रिचेस डैश इन अफ्रीका, बताओ, ऑस्ट्रिचेस डैश इन अफ्रीका कैन नॉट फ्लाई। बेटा ऑस्ट्रिच जिंदा है, कूट लगा रहे हो, क्या बात कर रहे हो? वो उड़ सकते हैं क्या? उड़ नहीं सकते, ये बोलना चाह रहे हैं वे उड़ नहीं सकते हैं। वेरी गुड अभिषेक, वेरी गुड, लिफ्ट लगा रहे हो यार, क्या कर रहे हो? सचिन रविकर तुम कर क्या रहे हो जरा बताओ तुम? देखो अंकित क्या कर रहे हो? एक बात बताओ, ऑस्ट्रिच मर के खत्म हो गया, विलुप्त प्रजाति है क्या? इसका मतलब है कि आप लोग के पास जनरल नॉलेज भी नहीं है, इतना भी नहीं पता कि ऑस्ट्रिच आज भी है, ऑस्ट्रिच खत्म नहीं हो गया, ऑस्ट्रिच अभी भी है। और अगर जनरल नॉलेज नहीं है तो भी यार कम से कम यहां तो देख लो, आर फाउंड यानी पाए जाते हैं, पाए जाते हैं मतलब अभी भी है वो। ऑस्ट्रिचेस लिव इन अफ्रीका, बाकी सब तो पास्ट टेंस है। यूज्ड टू लिव मतलब रहा करते थे, हैड लिव्ड मतलब रहा, पास्ट टेंस और पास्ट टेंस, लिव्ड मतलब बीत हुआ, अब नहीं है जिंदा। ऑस्ट्रिचेस लिव इन अफ्रीका एंड आर फाउंड ऑन द ग्रासी प्लेसेस, डैश दे लिव अलोंग विद बिग ग्रुप्स ऑफ ज़ेब्रास। कहां पाए जाते हैं? ग्रासी प्लेसेस में। डैश दे लिव अलोंग विद बिग ग्रुप्स ऑफ ज़ेब्रास। नाइन्थ में क्या होगा जल्दी बताओ, नाइन्थ में? रवि कुमार बिल्कुल गलत, स्नेहा वेरी गुड, वेर दे लिव अलोंग विद बिग ग्रुप्स ऑफ ज़ेब्रास, जहां वो ज़ेब्रा के बड़े बड़े ग्रुप के साथ रहते हैं। वेर दे लिव, क्या कहा है मैंने? ऑस्ट्रिचेस अफ्रीका में रहते हैं और वो पाए जाते हैं ग्रासी प्लेसेस में, जहां वे रहते हैं ज़ेब्रास के बिग ग्रुप्स के साथ, ठीक है। द रिया लुक्स लाइक द ऑस्ट्रिच, दो रिया होते हैं वो ऑस्ट्रिच की तरह ही दिखते हैं। डैश इट इज स्मॉलर एंड हैज थ्री टोज, डैश इट इज स्मॉलर एंड हैव थ्री टोज। सत्या, सो दैट का मतलब क्या हुआ यार यहां पे? जहां वे रहते हैं ज़ेब्रास के ग्रुप्स के साथ, वेरी गुड, बट सब लोग सही क्यों चाहिए, बट इट इज स्मॉलर, लेकिन वो छोटे होते हैं, एंड हैव थ्री टोज, उनके सिर्फ तीन टोज होते हैं, ऐसे तीन टोज रहते हैं पैर में, है ना। वाइल द ऑस्ट्रिच हैज ओनली टू, ऑस्ट्रिच के पैर देखोगे उसके दो टोज होते हैं, यानी टो मतलब पैरों की उंगलियां। देखो ध्यान से मैंने क्या कहा, यहां से यहां तक सुनो। कुछ समय बाद उनके जो बच्चे थे, यंग वंस मतलब बच्चे, वो ऊपर उठ ही नहीं पाए एयर में, है ना। ऑस्ट्रिच रिया एम्यू एंड कैसोवेरी ये फ्लाई नहीं कर सकते, कैन नॉट फ्लाई। अब हमें कैसे पता मैम, हम तो साइंस नहीं पढ़े, कोई बात नहीं, बट दे कैन रन। देखो प्रेजेंट टेंस की बात हो रही, तो इसका मतलब है कैन नॉट फ्लाई ही होगा, लेकिन वो दौड़ सकते हैं। कैन का मतलब दौड़ सकते हैं, ऑन द लॉन्ग स्ट्रॉन्ग लेग्स, लॉन्ग और स्ट्रॉन्ग लेग्स पे दौड़ सकते हैं, ठीक है। ऑस्ट्रिचेस डैश इन अफ्रीका, ऑस्ट्रिच अफ्रीका में रहते हैं, एंड दे आर फाउंड ऑन द ग्रासी प्लेसेस, ग्रासी प्लेसेस में जहां बड़े बड़े घास के प्लेसेस वहां मिलते हैं, वेर जहां वे रहते हैं ज़ेब्रास के ग्रुप्स के साथ। रिया जो है वो ऑस्ट्रिच की तरह दिखता है, लेकिन बट उसके तीन टोस होते हैं और उसके साइज में स्मॉल होते हैं। बेटा चैप्टर वाइज पूछ रहे हो तो आपको डिटेक्टिंग एरर और सेंटेंस इंप्रूवमेंट चैप्टर वाइज मैंने सारे बैचेस में लोड कर दिया है, शायद कुछ एक आध न्यू बैच होगा उसमें नहीं है, है ना, बाकी सारे बैचेस में लोडेड है। सेंटेंस फिलिंग द ब्लैंक्स, फिलिंग द ब्लैंक्स बस अब तैयार होकर मेरे पास प्रूफ रीडिंग के लिए आ गया है, अब मुझे 10 से 15 दिन लगेगा प्रूफ रीडिंग करने में, फिर वो भी लोड कर दूंगी, ठीक है बेटा। ये क्लोज टेस्ट वो क्लोज टेस्ट नहीं होता बेटा, इसका नाम होता है CLOZE, और ये कहता है कि पैसेज समझ में आता है आपको, आप कहोगे हाँ रीडिंग से मुझे ठीक ठाक समझ में आ जाता है। ये कहेगा अगर मैं 10 वर्ड हटा दूं तो क्या आप समझ पाओगे कि वो पैसेज मीनिंग क्या दे रहा है, और 10 में से जो वर्ड्स है उसमें हर ऑप्शन में मैं 4 या 5 ऑप्शन दे दूं तो क्या सटीक ऑप्शन चुन के लगा पाओगे कि उस पैसेज का वही मीनिंग निकले जो वो मीनिंग निकलना चाहिए। तभी तो मैं कहती हूं इस ब्लैंक के साथ ही इसको पढ़ लो, ब्लैंक के साथ पढ़ोगे तो आपको रफ आइडिया लग जाएगा, आपको एक रफ आइडिया लग जाएगा, ठीक है। हेलो एवरीवन,
बेटा थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच आ गया था इसलिए लेट हो गया. आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट. लेकिन वी डिडंट एक्सपेक्ट दिस. हमें पता नहीं था ऐसा कुछ हो जाएगा अचानक क्लास के समय में ही. चलो एनी वन जिसने मिस कर दिया अपने फ्रेंड को बताने के लिए तो जल्दी से अपने फ्रेंड को बता दीजिए और जल्दी से सबको ज्वाइन करवाओ. बहुत इंटरेस्ट. बहुत मजेदार सेशन है और ये हमारा बेटा हमने ऑलरेडी आपके YouTube में 3 वोकैब करा दिया है और वो भी GIF वोकैब. कैसे है GIF वोकैब बेटा? ये विजुअल इफेक्ट से होता है और हम इसमें आपको एक कोई बहुत बढ़िया सा कोई फोटो लगा देते हैं जो GIF में चलता रहता है और आपको लगेगा देख के कि यार ये तो सही में बहुत बढ़िया तरीका है दिमाग में बिठाने का, क्योंकि पिक्चर आपके दिमाग पे बहुत जल्दी असर करता है. एक कहावत है, अ पिक्चर इज वर्थ मोर देन 1000 वर्ड्स, यानी 1000 शब्द बोलने से अच्छा एक पिक्चर दिखा दो, दिमाग में जल्दी फिट होगा. देखो जरा ध्यान से, मैं सामने से हट जा रही हूं. जरा देखो इस टॉम को, ये टॉम क्या कर रहा है? ऐसे जीभ चढ़ा रहा है, जीभ निकाल रहा है और मुंह चढ़ा रहा है, राइट? इसका मतलब ये कर क्या रहा है? ही इज जस्ट बैंटरिंग. बेटा ऐसा नहीं है कि वो किसी को तकलीफ पहुंचा रहा है, परेशान कर रहा है, उसको रैगिंग कर रहा है, बल्कि वो कर क्या रहा है? वो गुड नेचर्ड टीसिंग है, टीज कर रहा है एंड जोकिंग है, मजाक कर रहा है, बस और कुछ नहीं. सो बैंटर इज बस ऐसे मजाक करना जिसमें आप भी हंसो, अगला भी हंसेगा और दोनों को हंसी आएगी. सो दिस इज बैंटरिंग. देखो एग्जाम्पल किस तरह से मैंने यूज किया है. नाउन और वर्ब दोनों है बैंटर. ध्यान दो, बैंटर दोनों है, नाउन और वर्ब दोनों है. और देखो जरा क्या है, शी लाफ्ड एंड बैंटर्ड द गेस्ट्स बट आई डिडंट लाइक दैट. कभी कभी होता है आपके घर में गेस्ट आए हैं, आप उनके साथ हंसते हो और उन पर भी हंसते हो और मजाक करते हो, तो कहा क्या मैंने? मैंने कहा शी लाफ्ड, वो हंसी, हंस रही थी. एंड बैंटर्ड इसका मतलब मजाक उड़ा रही थी या मजाक कर रही थी गेस्ट से, लेकिन मुझे ये पसंद नहीं आया. देखो यहां बैंटर वर्ब की तरह इस्तेमाल हो रहा है, लाफ्ड एंड बैंटर्ड. देख रहे हो, आई लव लिसनिंग टू हिज लाइवली बैंटर. लाइवली मतलब होता है जो बहुत, मतलब एक तरह से लाइव की तरह है ना, बहुत ज्यादा जोश से भरा हुआ जो बैंटर है उसके, वो मैं पसंद करता हूं. तो ये ध्यान रखो, बैंटर का मतलब परिहास भी है और परिहास करना भी है. देखो इसको दिमाग में फिट करो बेटा, इसको अपने दिमाग में फिट करो. सबसे पहले मैं इसलिए बोल रही हूं दिमाग में फिट करने के लिए क्योंकि आप इसको देखो और बैंटर बैंटर द टॉम दिस क्या टॉम इज बैंटरिंग, टॉम इज बैंटरिंग, टॉम इज बैंटरिंग, ऐसे करके याद कर लो. ठीक है, नेक्स्ट आओ. देखो जरा ध्यान से, मैं सामने से इसलिए हट जाती हूँ कि आप जरा इसको ध्यान से देखो कर क्या रहा है. ये शिनचान है ना, इसकी माँ दोनों कान पकड़ के इसको अच्छे से उमेट रही है. देखो जरा ध्यान से, ऐसे तुम लोगों को पता है ना घर में, बेटा रूट से मैं हमेशा कराती हूँ. बड़ी मुश्किल से GIF वोकैब तैयार करके लाती हूँ मैं. GIF वोकैब तैयार करने बेटा टाइम लगता है एंड बहुत मुश्किल होता है. जरा देखो एक एक वर्ड सोच के उसका GIF वोकैब तैयार करना इतना आसान नहीं होता बेटा. जरा ध्यान से देखो, कान पकड़ के दोनों कान में अच्छे से चाबी लगा दिया जा रहा है. ऐसे कान पकड़ के आपकी चाबी लगती है ना स्कूल में बेटा, उसको कहते हैं कॉर्पोरल पनिशमेंट. कॉर्पोरल पनिशमेंट का मतलब होता है पनिशमेंट जो शरीर को दी जाती है. वो पनिशमेंट जो हमारे शरीर को दी जाती है उसको कॉर्पोरल पनिशमेंट कहते हैं, जिसको हम हिंदी में शारीरिक दंड कहते हैं. ध्यान से देखो, कॉर्पोरल पनिशमेंट हैज बीन बैन्ड इन स्कूल्स. बेटा ध्यान रखना, आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है कि कॉर्पोरल पनिशमेंट अब स्कूल्स में परमिटेड नहीं है. लेकिन तुम्हारे लिए अच्छी खबर क्या होगी, तुम्हें तो सब स्कूल पास कर देना जो स्कूल में है उनके लिए बहुत अच्छी खबर है, वरना हमारे समय में तो कुटाई होती थी है ना. याद रखना कॉर्पोरल पनिशमेंट अब स्कूल्स में अलाउड नहीं है. एंड कॉर्पोरल पनिशमेंट लीव्स अ परमानेंट डेंट ऑन स्टूडेंट्स कॉन्फिडेंस. क्यों बंद कर दिया गया? क्योंकि कहा गया, अच्छा डेंट समझते हो क्या होता है? आपकी गाड़ी में जब डेंट लग जाता है तो बड़ा दर्द होता है ना यार, गाड़ी में पीछे से एक ऐसे अंदर हो गया है थोड़ा सा, इसका तो डेंट लगना. तो वैसा ही डेंट स्टूडेंट्स के कॉन्फिडेंस में, आत्मविश्वास में लग जाता है अगर उनको कॉर्पोरल पनिशमेंट दिया जाता है. इसीलिए ये माना गया कि कॉर्पोरल पनिशमेंट जो है ये परमानेंट डेंट आपके स्टूडेंट्स के कॉन्फिडेंस में लगा देता है, इसीलिए कॉर्पोरल पनिशमेंट हैज बीन बैन इन स्कूल्स. और देखो कॉर्पोरल पनिशमेंट का फोटो आप समझ सकते हो ना क्या है. देखो Shinchan is being given corporal punishment. Anna, his mother is giving him corporal punishment. Right? समझ में आ रहा है? बोलो. Next आओ. देखो ध्यान से. एक मेरा spoken का batch आ रहा है बेटा. ये आपके GD में बहुत interesting और बहुत ही important भाग निभाएगा. आपको English बोलना सिखा देगा. और मेरा spoken का जो batch है वो 16 तारीख को आ रहा है. आप पहले ही करवा लेना. इसमें जो fee है बेटा 2499 है. और याद रखना ये fee में आप around 1-1 mentorship, मतलब कि students के साथ एक teacher रहेंगी, 15-20 का ग्रुप बनेगा जूम क्लासेस में भी. आफ्टर थ्री मंथ्स में आपको बिल्कुल परफेक्ट बनाऊंगी, पहले तो सेंटेंस फॉर्मेशन से और ग्रामर से, और उसके बाद फिर आप स्पोकन करोगे जब छोटे छोटे ग्रुप बनाकर आपको स्पोकन कराया जाएगा. ठीक है, समझ में आया? देखो बेटा नेक्स्ट आओ. ये देखो किस तरह से ये टकलू बात कर रहा है. जरा देखो ध्यान से, देखो जरा ध्यान से. यस अनिमेश 1 million हो गया बेटा. देखो जरा ये कैसे बात कर रहा है और बोल भी रहा है कि देखो मैं चुपचाप से धीरे से ऐसे करके बात कर रहा हूँ, है ना. जब आप कोई प्लानिंग बनाते हो अपने दोस्तों के साथ, ऐसे धीरे धीरे प्लानिंग बनाते हो. नहीं, देखो ध्यान से, जिसको कहते हैं क्लैंडेस्टीन. क्लैंडेस्टीन का मतलब होता है डन सीक्रेटली. अगर आपकी क्लैंडेस्टीन मीटिंग हो रही किसी से, यानी किसी से मत बताना,
है ना, किसी को पता ना चले हमारे क्लैंडेस्टीन मीटिंग के बारे में. आई टुक अ क्लैंडेस्टीन पीक एट द प्राइस टैग. गया मैं खरीदने के लिए, अगर मैं कहीं खरीदने गई हूँ कोई कपड़ा कोई सूट खरीदने गई हूँ, बहुत सुंदर लग रहा है लेकिन दुकान देखे तो लग रहा है कीमत बहुत होगी, तो मैं धीरे से ऐसे करके देखूंगी कितना दाम है. क्लैंडेस्टीन का मतलब सीक्रेट, क्योंकि जब सबके सामने देखते कहेगा अच्छा अच्छा इसके पॉकेट में पैसा नहीं है ना, तभी ऐसे देख रहा है प्राइस टैग को, है ना. तो इसीलिए धीरे से ऐसे क्लैंडेस्टीन देखते हो, है ना बेटा. जो हमारा वॉल्यूम वन है उसकी क्लास रात को 9 बजे चलती है. बुक खरीद लेना और मेरे से उसमें भी पढ़ लेना, ठीक है. और अच्छे लेवल तक पढ़ना है तो याद रखना आपको मेरा स्पेशल बैच लेना होगा. क्या बोल रहे हो, एनडीए 2 का नोटिफिकेशन आ गया, प्लीज इंग्लिश के तैयारी के लिए करवा दीजिए. बेटा हम लोग एनडीए का ही तो मैं आज को करवा रही हूँ बेटा, उसमें 10 सिनोनिम 10 एंटोनिम आता है. लेकिन आप मीनिंग समझोगे तब ना एंटोनिम करोगे, मीनिंग समझोगे तब ना सिनोनिम करोगे. तभी तो मैं कह रही हूँ आप सारे स्टूडेंट्स सारे आप बिल्कुल दो चीजें कर लो. एक तो केडी लाइव में जितने भी क्लासेस डल रहे हैं रिलेटेड डिफेंस वो देखो, और कहोगे मैम इसमें बहुत सारे क्लासेस होते हैं कहां खोजू, तो एक काम करना बेटा आप लोग केडी डिफेंस ब्रिगेड ज्वाइन कर लो. केडी डिफेंस ब्रिगेड एक चैनल अलग से बना दिया है, उसको ज्वाइन कर लो, तो फिर आपको सिर्फ और सिर्फ डिफेंस के ही क्लासेस दिखेंगे, ठीक है. सुनो बेटा, क्लैंडेस्टीन मैंने क्या कहा, पीक मतलब होता है बेटा झांकना, यानी सीक्रेटली मैं झांक के देख लिया मैंने यार प्राइस कितना है कीमत कितनी इसकी. द न्यूज ऑफ क्लैंडेस्टीन मीटिंग वाज लीक्ड बाय समवन. भाई अमित शाह और कांग्रेस पार्टी के नेता के बीच में एक क्लैंडेस्टीन मीटिंग होने वाली थी, पता नहीं किसने बार बातें फैला दी, है ना. क्लैंडेस्टीन का मतलब होता है सीक्रेट मीटिंग. आया समझ में, बोलो कोई प्रॉब्लम, किसी तरह का कोई बैच हो, बैच की वैलिडिटी बेटा ओके, बैच की वैलिडिटी बेटा मेरे हर बैच की वैलिडिटी 1 ईयर होती है. और क्या पूछ रहे हो बेटा, एनडीए क्या सारे डिफेंस की रेगुलर क्लास हो रही है, सब टीचर्स रेगुलर क्लास ले रहे हैं, ठीक है. मैं भी वीक में 2 से 3 क्लासेस ले रही हूँ आप लोगों का, जरा देखो तो ध्यान से यार, आदमी सब बह जा रहे हैं, बताओ देख रहे हो क्या हालत होती है जब बाढ़ आता है, तो देखो तो सब लोग बह जा रहे हैं, गाड़ियां बह रही है, गाड़ी तो छोड़ो ना खड़ी है, आदमी देखो किस तरह से पकड़ के बह जा रहे हैं. ये क्या है, ये बाढ़ है, ये प्रलय टाइप का बाढ़ है. प्रलय टाइप का बाढ़ को हम डिल्यूज कहेंगे, कहते हैं पानी जब दहलीज के पार कर जाए तो वो डिल्यूज आता है, तभी तो दहलीज के पार कर जाती है पानी, है ना, ऐसे याद कर सकते हो. एंड ओवरफ्लोइंग ऑफ द लैंड बाय वाटर, वाटर बिल्कुल ऊपर से बह के निकल रहा है लैंड से, ये डिल्यूज है. देखो ध्यान से, Soon the stream, second वाला पहले देखो, turned into a deluge due to heavy rain. जल्द ही जो पतली सी नदी की धारा थी वो प्रलय का रूप ले लिया, यानी बाढ़ का रूप ले लिया, क्योंकि बारिश इतनी तेज हुई थी, ठीक है ना. Heavy rain के कारण जो पतली सी नदी होती है ना वो भी बाढ़ का रूप ले लिया. The police received a deluge of complaints. लेकिन बेटा deluge का मतलब कहीं और भी तो यूज कर सकते हैं यार, क्या है, है ना, शिकायत की बाढ़ सी आ गई है यहाँ तो, राइट. कई बार कहते हैं ना कि भाई शिकायत की बाढ़ सी आ गई है, क्या हुआ है. कई बार हमारा ऐप में थोड़ा सा भी टेक्निकल ग्लिच होता है, शिकायत की बाढ़ आ जाती है, फिर हम लोग जल्दी जल्दी काम करते हैं, क्यों, क्योंकि भाई इतने कंप्लेंट्स कौन संभाले, है ना. इसीलिए देखो, पुलिस रिसीव्ड अ डेल्यूज ऑफ कंप्लेंट्स, एकदम शिकायत की बाढ़ सी आ गई पुलिस के पास, ठीक है. ये डिजास्टर का मतलब बेटा आपदा होता है. कौशल आपदा में से देखो, आपदा में बाढ़ भी हो सकता है, प्रलय भी हो सकता है, सब सूखा होता है, आग भी हो सकता है ना, अर्थक्वेक भी हो सकता है. मैं इसमें स्पेशली बाढ़ की बात कर रही हूँ बेटा. बैंक पीओ का अलग से बैच आ रहा है, जो अभी लेटेस्ट वैकेंसी आया है उसके लिए आप हमारा सबसे पहले बेटा, आपको सारे बैचेस की जानकारी बड़े आराम से मिल जाएगी. केडी लाइव ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करो. एक बार एक बच्चा ने पूछा मैम कैसे डाउनलोड करते, मैंने कहा जैसे टिकटॉक किए थे, कहता अच्छा अच्छा वैसे. तो प्ले स्टोर जाओ, वहां से केडी लाइव को डाउनलोड करो. डाउनलोड करके आप माई बैच फीचर्ड बैचेस में जाओ, फीचर्ड बैचेस में जाओगे वहां पे आपको सब मिल जाएगा जो जो लेटेस्ट बैच है आपके लिए. तो मुझे लगता है स्पोकन बहुत जरूरी है बेटा. एक बात याद रखना, एनडीए हो या आपके एयरफोर्स हो, नेवी हो, सब में इतना एक्सपेक्टेड रहता है कि आपको स्पोकन आती होगी, बट बेसिक इंग्लिश तो आता होगा बेटा. स्पोकन का बैच तो जरूर ज्वाइन कर लेना, बाकी तो हम करा ही रहे हैं, बाकी तो बहुत जल्दी बैच लाएंगे, बहुत कम रेट में बैच लाएंगे, याद रखना, ठीक है. सीजीएल के लिए तो बेटा मैं बता दूं फ्रेंकली, अभी आपको ये पढ़ाने के बाद ही मेरे जितने सीजीएल के और जितने भी स्पेशल बैचेस है सब में चला जाएगा. इसीलिए मैं आपको समझा रही हूं कि ये मैं इसलिए लेके आई हूं, क्योंकि मैं चाह रही थी ऐसे ही अट्रैक्टिव तरीके से आपको एनडीए वालों को बता दूं बेटा. मेरा स्पोकन इंग्लिश के साथ कंपल्सरी इंग्लिश का भी बैच आता है. कंपल्सरी इंग्लिश के बैच वो लेते हैं जो एसएससी की टियर 3 दे रहे हो, आईएएस के एग्जाम में कंपोस्ट इंग्लिश की तैयारी कर रहे हो, या असिस्टेंट कमांडेंट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वो लोग लेते हैं, क्योंकि उनको हाई लेवल एसे प्रेसी ये सब लिखना होता है, ठीक है, उनके लिए, जिसमें मैं आपको एडिटोरियल पढ़ना सिखाऊंगी, ऐसे लेटर प्रेसी कराऊंगी. अब जरा देखो नेक्स्ट आओ, और जरा देखो आपको पिक्चर देखो और वर्ड को, पिक्चर और वर्ड दोनों को दिमाग में बिठाओ बोले, ये पिक्चर और वर्ड दोनों को दिमाग में बिठाओ. जरा देखो किस तरह से कुत्ता इस बिल्ली को चेज कर रहा है ना, उसके पीछे भाग रहा है. आप कह रहे हो क्या, ये कुत्ता बिल्ली को चेज कर रहा है मैम, वर्ड ऐसे भी याद रख सकते हो यार, है ना. द डॉग इज चेजिंग द कैट, देखो द डॉग इज चेजिंग द कैट. टू रन आफ्टर समवन और समथिंग, पीछा करना. द पुलिस कॉट हिम आफ्टर अ हाई स्पीड चेज, यहाँ पे चेज नाउन हो गया, एक बहुत हाई स्पीड पीछा के बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया. द लायन चेज द डियर, जो लायन था है ना, वो जो शेर था वो डियर को हिरन का पीछा किया. जरा देखो, अगर पसंद आ रहा है बेटा तो बिल्कुल जल्दी से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, क्लियर. यस बेटा, 5 वीडियो डाउनलोड होंगे आपके, अब 10 नंबर बैच के बाद हम तो ऑफलाइन डाउनलोडिंग का भी ऑप्शन दे दिए, लेकिन 5 के बाद जब आप देख चुके हो तो एक दो को डिलीट करके फिर और डाउनलोड कर लो, ठीक है. बिल्कुल बेटा मैं बेसिक से ही कराती हूँ,
मेरे सारे स्पेशल बैच में मैं बेसिक से ही कराती हूँ। अगर मेरा स्पेशल बैच लेना है तो 15 जून से इंग्लिश स्पेशल का बैच नंबर 18 आ रहा है, जिसका फी 3499 है। और बेटा इस बैच को करने के बाद भारत में ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जो आप क्वालिफाई नहीं कर सकते। आपको मैं फ्रेंकली बताती हूँ, मेरे बैचेस का सब्सक्रिप्शन ऑस्ट्रेलिया से और पाकिस्तान से भी लोग लेते हैं। हालांकि पाकिस्तान से बेचारे परेशान हो जाते, नहीं ले पाते हैं, क्योंकि वहां पर हमारा ऐप को हम लोग यहाँ इंडिया से ऐप को खोला ही नहीं गया है पाकिस्तान के लिए। तो थोड़ा सबका पेपर्स होगा, अलग चीजें नहीं होती है, इसीलिए निश्चिंत रहो, यू विल रियली लव। एंड बाद में आप कहोगे कि मैम जितना आपने दिया फीस बहुत कम था, क्योंकि कहीं और फीस कम के चक्कर में आप जाओगे बेटा, बाद में आपको वहां के 1200 के लिए नहीं रोके, आप जो समय बर्बाद करोगे उसके लिए रोगे कि हमारा समय बर्बाद हो गया। समय का कोई मूल नहीं होता, समझे? इसीलिए आप इसके मुंह पे मत पड़ो। देखो जरा एम्बेलिश एडोन, इसका मतलब देखो जरा कितना अच्छा से सजा रहा है ना वो क्रिसमस ट्री को, है ना, ये क्रिसमस ट्री को सजा रहा है। तो मैं क्या कहूँ, ही एम्बेलिश्ड द क्रिसमस ट्री, वो क्रिसमस ट्री को उसने सजाया। अभी कर रहा है क्या, ही इज एम्बेलिशिंग, है ना, एम्बेलिश द आर्टिकल विद कलरफुल इलस्ट्रेशन। लेकिन क्या एम्बेलिश का मतलब ऐसे सजाना होता है क्या? मान लो मैं अपनी किताब लिख रही हूँ तो मैं क्या करूंगी, सुंदर से कुछ फिगर बना दिया। जैसे देखो मैंने अपना वोकैबुलरी का जो सेशन है मैंने भी तो सजा दिया, जैसे सजाया कलरफुल बनाया, सुंदर सुंदर उसमें जीआईएफ लगा दिया, तो मैंने भी तो अपना वोकैबुलरी सेशन को एम्बेलिश किया। जैसे कि इस बंदे ने जो आर्टिकल लेख लिखा था उसको कलरफुल एग्जाम्पल्स के साथ इलस्ट्रेट किया, यानी पेश किया, तो एम्बेलिश ही तो किया है। यानी कोई भी चीज सजाना, चाहे एग्जाम्पल से सजा रहे हो या तो फिर कुछ डेकोरेशन वाली चीजों से सजा रहे हो, एम्बेलिश करना ही तो होता है। देखो एम्बेलिश का मतलब सजाना। यस पूजा, टीजीटी इंग्लिश का बेटा अलग से लिटरेचर का बैच तो हम नहीं चलाते बेटा, लिटरेचर का बैच नहीं चलता। चलो नेक्स्ट आए, ये देखो आप कहोगे ना ये क्या जीआईएफ है, जरा देखो कितना वाहियात टॉम है, जरा देखो, है ना, कितना वाहियात है। देखो स्पोकन बैच कल्पना अगर ले लोगी तो बहुत अच्छा होगा। जितना इंग्लिश आपको जरूरी है ना, मतलब छोटे एग्जाम्स के लिए, जैसे कि एयरफोर्स हो गया, एनडीए का तो पूरा नहीं, लेकिन एयरफोर्स वगैरह के एग्जाम के लिए, प्लस स्पोकन सिखा देगा बेटा आपको। देख रहे हो किस तरह की हरकतें कर रहा है ये, देखो ये कैसा आदमी है भाई, ये रेप्रोबेट है, ये लिबर्टीन है, ये लोकेरियो है ना, गंदा इंसान है, व्यभिचारी कुलदीप हंस रहा है, देखो गंदा इंसान है ये। क्यों? क्योंकि देखो इसकी हरकतें देखो, ही इज अ लिथेरियो, ही इज अ लिबर्टीन, ही इज अ रेप्रोबेट। रेप्रोबेट बेटा एडजेक्टिव भी है, कैसे? देखो आई डू नॉट लाइक हिम, मुझे वो लड़का पसंद नहीं, बिकॉज ही इज अ रेप्रोबेट, He is a libertine, he is a lithario, है ना, बहुत गंदा इंसान है। So, जो गंदा इंसान होता है वो lithario, libertine और reprobate होता है। Many actors turn libertine, बहुत सारे actors, बहुत सारे film star जो होते हैं, film actors और actress होती हैं, वो libertine हो जाती है when they become successful। जैसे वो successful होती है और होते हैं वो व्यभिचारी हो जाते हैं, है ना, वो क्या करने लगते हैं, वो drugs लेने लगते हैं, वो गलत relations में पड़ जाते हैं, कुछ का तो डॉन लो के साथ संबंध हो जाता है, है ना, कहते हैं कि भाई इसका तो दुबई में सीधा कनेक्शन है। यानी वो व्यभिचारी, दे टर्न लिथेरियो, दे टर्न लिबर्टीन एंड दे टर्न रेप्रोबेट। बताओ ध्यान से देखो, ठीक है, ये तीनों वर्ड याद रखना बेटा, एक गंदा इंसान के लिए आप ये सब वर्ड्स यूज करोगे, ठीक है। सीजीएल के लिए बेटा आप नया बैच इंग्लिश 18 आया है उसको लेना, वो मेरा कॉम्बो 16 के साथ आया हुआ है। मेरा शुरू हो रहा है 15 को और फुल कोर्स 14 जून को शुरू हो रहा है। इस बैच में मोहित सर रीजन देंगे, पुष्पंदर सर मैथ्स लेंगे, बढ़िया बैच है, और जीएस पूरा फ्री हो जाएगा अगर आप फुल कोर्स ले लोगे तो, जब 5499 का पड़ेगा, वरना अगर इन चारों की फीस ऐड करोगे तो 6700 पड़ेगा, अगर पूरा ले लोगे तो 1200 का डिस्काउंट सीधा हो जाएगा, ठीक है। और हमें देख रहा है कि इसका पीछा टॉम कर रहा है, देखो बिल्ली कर रही है, ऐसा ही तो डर महसूस होता है ना। देखो जरा ध्यान से, एक बार इसको ध्यान से देखो और इसको मैं आपको समझाऊंगी इसका मीनिंग क्या है। सुनो, नाइटमेयर, कुछ लोग कहते हैं मैम मुझे एक बहुत बैड ड्रीम आया था, बेटा बैड ड्रीम जैसा कोई वर्ड ही नहीं होता है, बैड ड्रीम जैसा कोई वर्ड नहीं है इस दुनिया में। अगर लगा दिया कहीं लगा हो तो बेटा वही मिस्टेक है, वो एरर है। आई हैड अ बैड ड्रीम लास्ट नाइट, बिल्कुल गलत है, आई हैड अ नाइटमेयर लास्ट नाइट होगा, I had a nightmare last night होगा। Nightmare का मतलब होता है बुरा सपना बेटा। कोई भी बैच का वैलिडिटी राघव 1 year का होता है, हम लोग 2-3 महीने बढ़ा दिए हैं, 5 को बढ़ाया है, 6 को बढ़ाया है, 4 तो मुझे लगता है खत्म होने वाला होगा, ठीक है बेटा। रोज क्लास नहीं होती हरिओम मेरी, लेकिन आपका सेशन जो होगा वो 2 days a week जरूर होगा। रात को 9 बजे मैं volume 1 पढ़ाती हूँ, स्पोकन के बैचेस कई बार लेके आती हूँ, मैं हमेशा यूट्यूब में आती रहती हूँ, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब करो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। नेक्स्ट आओ, देखो क्या मीनिंग का एग्जांपल है। अब जर्नी टर्न्ड इनटू अ नाइटमेयर, भाई हमारी जो जर्नी थी क्या हुआ, एक बुरा सपना में परिवर्तित हो गई। मतलब जर्नी में हो सकता है कुछ डकैती हुआ हो, या जर्नी में यह भी हो सकता है ट्रेन डिले होती गई 10 घंटा तक, यानी कि वो एक दुःस्वप्न में बदल गया। बेटा दुःस्वप्न तो ऐसे भी यूज करते हैं ना कि भाई जिंदगी दुःस्वप्न हो गई है इस लॉकडाउन में, है ना। द नाइटमेयर अवेकेंड मी अराउंड मिडनाइट, बीच रात मेरी नींद खुल गई, क्या से? बुरा सपना से। देखो उसने मेरी नींद खोल दी, ठीक है, क्लियर, बोलो कोई प्रॉब्लम। आज बेटा 9 बजे बैच है मेरा, volume 1 पढ़ाती हूँ मैं रात को। चलो नेक्स्ट देखो, रेवरी, रेवरी क्या है, देखो तो ध्यान से बेटा, डे ड्रीम,
द कंडीशन ऑफ बीइंग प्रेजेंटली लॉस्ट इन थॉट. जरा देखो क्या सपना देख रहा है, सोच रहा है बड़े आराम से कि पैसे और लड़की भी बैठी हुई है आराम से. जरा देखो कितना मजा आ रहा है उसको, जरा देखो उसके स्माइल देखो, और सपने में जो आ रहा है कि कितना आराम से उसकी सेवा भी की जा रही है, आराम से बैठा हुआ है किसी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ. जरा देखो है ना, ये क्या है? बोलोगे भैया रेवरी से उठ जाओ. रेवरी का मतलब होता है दिवा स्वप्न, जिसको दिन में सपने देखना होता है ना, वो उसको कहते हैं रेवरी. ठीक है, देखो हर रेवरी पास क्विकली. भाई बहुत सपने देख लिए तुमने, अब यथार्थ में आ जाओ. जैसे पता चला कि लाइफ इतनी मुश्किल है, मैं तो सपने में खोई हुई थी, तो कहोगे अच्छा उनकी रेवरी तो जल्दी ही दफा हो गई. बेटा वो क्या आपका बुक करीबन एक महीना लग जाएगा, एक महीने के बाद वो छपने चला जाएगा. क्योंकि मैं कोई भी किताब लिखती हूँ बेटा, बहुत मन से लिखती हूँ, बहुत अच्छी किताब लिखती हूँ. चलो, आई वॉज लॉस्ट इन रेवरी एंड मिस्ड द बस. एक बार ऐसे हुआ था, मैं गई थी, फ्लाइट मेरा था टू पटना. अब जब मैं पहुंची तो जल्दी था, तो मैं आराम से बैठ के इधर उधर देखने लगी, फिर कुछ मिल गया वो भी खाने लगी, उसके बाद फिर अपना फोन में बिजी हो गई और मेरा नाम बुलाया जाने लगा. अच्छा मैंने नीतू सिंह, काहे को बोल रहा नीतू सिंह. अचानक उठ के मैं भागी हूँ, आई वॉज लॉस्ट इन माई रेवरी. पता नहीं कहाँ कहाँ किस सपने में थी, कौन कौन सा प्लान बना रही थी फोन में, और अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी. सो रेवरी का मतलब क्या होता है? दिवा स्वप्न है ना. एंड आई वॉज अबाउट टू मिस द फ्लाइट. ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है मैंने, मैं रेवरी में खोई हुई थी और मिस कर गई बस को. सो सी द एग्जाम्पल, कितना अच्छे से मुस्कुरा रहा है. क्यों? क्योंकि वो दिन में सपने देख रहा है यार, उसको बहुत बढ़िया ड्रीम आ रहा है. ठीक है, नेक्स्ट आओ बेटा. आप लोग स्पोकन इंग्लिश भी ले लोगे तो भी मोर देन सफिशियंट होगा. आप बोलना तो कम से कम सीख जाओगे, आप बेसिक ग्रामर के सारे स्ट्रक्चर सीख जाओगे, और टेंस खाली ऐसे नहीं पढ़ोगे. टेंस, हर टेंस पे मैं 20-20 सेंटेंसेस और एक एक बड़ा बड़ा पैराग्राफ देती हूँ, ये बताने के लिए कि देखो टेंस में कैसे कैसे सेंटेंसेस आ सकते. ठीक है, देखो बॉडी लैंग्वेज, एक्सेंट इंप्रूवमेंट, इंटरव्यू प्रिपरेशन, ये सब कुछ आपको हम लोग कराएंगे. ठीक है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट सब कराते हैं स्पोकन में. अब आओ नेक्स्ट, जरा देखो इस बेचारे को क्या हुआ. ये मिस्टर बीन है, जानते हो ना, बहुत फेमस है ये, है ना. ये बिना कुछ बोले बहुत कुछ बोल देता है. देखो थैंक यू सो मच एटू. देखो जरा ध्यान से, जब आपके फिजिकल होता है ना, जब फिजिकल टेस्ट होता है उस समय आप ऐसे ही है ना बिल्कुल बेहोश हो जाते हैं. इसको कहते हैं पास आउट कर जाना, टू फेंट, बेहोश हो जाना. भाई इतनी गर्मी थी, आई जस्ट पास्ड आउट, है ना. ही पास्ड आउट ड्यू टू हीट, गर्मी की वजह से वो बेहोश हो गया. ही पास्ड आउट ड्यू टू हीट. क्लियर, समझ में आया? बिल्कुल कराएंगे बेटा, जब मैं क्लासेस लूंगी आपको जरूर कराऊंगी. ठीक है, अभी मैंने आपको इसलिए ये करवा रही हूँ क्योंकि आपके 20 वोकैबुलरी आते हैं एनडीए में, और एयरफोर्स में बेटा क्या बोलूं, एक वोकैब, एक सिनोनिम, एक एंटोनिम, ऐसे ही तो आता है सारा का सारा, तो आप किसी को नहीं छोड़ सकते हो. लेकिन एनडीए में तो 50 क्वेश्चन आते हैं, है ना. और देख लो नेक्स्ट, एयरफोर्स में आपके 20 क्वेश्चन आते हैं. जरा देखो ध्यान से, ये बेचारा हाथ पैर सारा टूटा पड़ा हुआ है और उसके बगल में मिस्टर बीन बैठ के दिखा रहा है कि देखो मैं अपना पैर कितना अच्छा से चला सकता हूँ, मैं अपने गर्दन भी हिला सकता हूँ, मैं अपनी अंगुली भी हिला सकता हूँ, और ये तो चुड़ा नहीं रहा. देखो तो कहोगे यार कितना ये मिस्टर बीन हार्टलेस है, कितना अनसिंपथेटिक है. कोई बेचारा मरीज बैठा है जो अपने हाथ पैर एक अंगुली तक नहीं हिला पा रहा है, उसके बगल में बैठ के इतनी गंदी हरकतें, ये तो बहुत ही हार्टलेस आदमी है. बेटा पहले इसको एंजॉय करो, अभी बाकी जितने सवाल है आप एक काम करो, मेरा नंबर लिख लो 8860330303. ठीक है, क्लियर, समझ में आया? आपको जितने क्वेश्चन है मुझे व्हाट्सएप कर देना. ठीक है, चलो देखो ध्यान से क्या बोलोगे. ही वॉज सो हार्टलेस दैट ही मेड फन ऑफ द पेशेंट. मैं यहाँ पे द पुअर लिख रही हूँ कि गरीबों का मजाक उड़ा रहा था. कितना निर्मम, कितना निर्दय है ये, जिसके दिल में दिल ही नहीं है. हार्टलेस मतलब हुआ बेटा उसका दिल ही नहीं है, है ना. तो मैं कहूंगी ही सो हार्टलेस, ही इज मेकिंग फन ऑफ दिस पेशेंट. देखो कितना गंदा है, राइट. नेक्स्ट आओ, द गवर्नमेंट टर्न्ड अनसिंपथेटिक टू पब्लिक ओपिनियन. जो गवर्नमेंट थी उसको बिल्कुल कोई संवेदना ही नहीं है, जो लोगों का मत है, लोगों का ओपिनियन है, उसके प्रति कोई फीलिंग ही नहीं है, तो टर्न्ड अनसिंपथेटिक हो गया. देखो बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा. अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लो चैनल को. ठीक है, केडी लाइव देखो बार बार लिख रहा है यही चीज. चलो मैं बहुत, ये बहुत अच्छा सेशन है बेटा, इसको देख के ना आप ऐसे कहो कि मिस्टर बीन इज सो हार्टलेस, मिस्टर बीन इज सो हार्टलेस, ही इज सो अनसिंपथेटिक. अगर ऐसे भी याद करोगे तो आपको वो क्या याद हो जाएगा. ठीक है, मैंने कहा बेटा कंपल्सरी इंग्लिश तब लेना आप जब आपको हाई लेवल एसे, प्रेसी, लेटर राइटिंग ये सब करना हो, है ना, एडिटोरियल पढ़ना हो न्यूज़पेपर का, तब, अदरवाइज नहीं. नेक्स्ट आओ, जरा देखो इस तरह से, जरा देखो चेहरे पे क्या क्या लगाया हुआ है. जोकर नहीं है, देखो तो ये है ना जोकर, देखो तो चला जोकर है ना, जोकर दिख रहा है. क्या है ये जेस्टर है, ये जोकेस्टर है. जोक से जोकेस्टर बना, है ना, जोक से जेस्टर बनेगा, मतलब जोकर. ठीक है, द जेस्टर मेड अस लाफ हार्टली, पूरे दिल खोल के हमें हंसा दिया. हम जो जोकेस्टर था, द जेस्टर जो था, उसने हमें दिल खोल पर खोलकर हंसने पर बिल्कुल मजबूर कर दिया, है ना. मेड अस लाफ हार्टली, यू आर सच अ जोकेस्टर. तुम तो रियली में जोकर हो, यू आर सच अ जोकेस्टर. देखो ध्यान से बोलो कोई प्रॉब्लम.
बेटा एयरफोर्स का वो कैब हो, एनडीए का वो कैब हो, वही सब तो मैं करवा रही हूँ, लेकिन बेटा कभी भी वो कैब को किसी दायरे में बांध के नहीं रख सकते हो। रिमेंबर ये सारे वो कैब एसएससी के भी किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। जरा देखो इसको, आप ऐसा जानवर देखे हो? बोलो कि मैम फोटो में देखा है, ऐसे तो ओरिजिनल तो कभी नहीं देखा है। हाथी देखा है, लेकिन ये तो हाथी से भी अजीब सा लग रहा है। इसके देखिए ना, दांत अजीब सा है, इसका टस्क तो बहुत अजीब सा है। बेटा ये हाथी से भी बड़ा जानवर था और ये जानवर विलुप्त हो गया। कैसे पता चला? तो भाई इनके जो कार्कस है, यानी कि इनका जो मृत शरीर है, वो कहीं ना कहीं दबा हुआ मिला है ना, और कहीं ठंडे जगह पे तो बिल्कुल का बिल्कुल एकदम बर्फ में जमा हुआ मिल गया। तो पता चला यार ये तो हाथी के जैसा था, लेकिन उससे भी बड़ा था। अब मैमथ किसको बोलोगे? बेटा मैमथ को मैं कहीं किसको बोलूं यार, कोई जानवर ही नहीं है। ठीक है एलिफेंट है तो मैं कहूंगा चाहिए एलिफेंट, ये लायन है, टाइगर। अब मैमथ तो है ही नहीं जिंदा, तो फिर इस वर्ड को कहां इस्तेमाल करें? जो भी चीज ह्यूज हो, बड़ा हो, उसको हम क्या कहेंगे? इसको हम मैमथ कहेंगे। बेहिमथ, ह्यूमंगस, ह्यूज, एनॉर्मस, और भी कह सकते हो, एलिफेंटाइन, जाइगेंटिक, ये सारे इसके सिनोनिम है। मैं जरा देखूं इसमें लिख पाऊंगी, एक सेकेंड। एलिफेंटाइन, एलिफेंट की तरह, यानी बड़ा भीमकाय, जैसे मैमथ से मैंने बना दिया है ना। जायंट का मतलब होता है राक्षस, तो जाइगेंटिक कहते हैं, राक्षस की तरह बड़ा, जाइगेंटिक, ह्यूज, एनॉर्मस, ये सब क्या है? मैमथ का सिनोनिम है। देखो लेकिन मैमथ अब उस जीव के लिए यूज नहीं होता है, अब तो बेटा सीरियस का मैमथ, अभी आपने सीरियस कहा मुझे अचानक याद आया, बेटा मैमथ सीरियस का क्वेश्चन में आ चुका है, इसीलिए मैं समझा रही हूं आपको बेटा कि इंग्लिश स्पेशल बैच ले लो, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा और कोई एग्जाम नहीं छूटेगा। कुछ लोग कहते हैं मैम एनडीए, मैम सीरियस, मैम एसएससी, कभी कभी सोचते हैं यार इनको डिफरेंस क्या बताऊं, डिफरेंस ही कुछ नहीं इंग्लिश में, तो बताऊं तो क्या बताऊं मैं। चलो आई फेस्ड अ मैमथ प्रॉब्लम, इसका मतलब एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम मैंने फेस किया। आई फेस्ड अ मैमथ ह्यूमंगस प्रॉब्लम, आई फेस्ड अ जाइगेंटिक प्रॉब्लम, आई फेस्ड अ बेहिमथ प्रॉब्लम। देखो यानी कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम फेस किया। द डिमांड वॉज ह्यूमंगस, डिमांड विशाल था, एंड द सप्लाई वॉज इनसफिशियंट, जो अभी हो रहा है वैक्सीन का। द डिमांड इज ह्यूमंगस एंड द सप्लाई इज इनसफिशियंट, है ना, सप्लाई बहुत कम है, ना के बराबर। इनसफिशियंट का मतलब होता है अपर्याप्त, और डिमांड कैसा है? ह्यूमंगस है। क्लियर, समझ में आया? बोलो नेक्स्ट आओ बेटा। स्टैटिक जीके का बैच आ रहा है, और याद रखना जिसका जिसके एग्जाम में जीएस आता है, खासकर आपके एग्जाम्स में बेटा स्टैटिक जीके का एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है। अगर आप वाई ग्रुप ले लो, अगर आप वाई ग्रुप ले लो, और आप बहुत सारे एग्जाम्स में बेटा जितने एग्जाम्स देते हो उसमें अगर आप जीके पढ़ रहे हो, चाहे जितने छोटे एग्जाम्स दे रहे हो आप, है ना, कांस्टेबल का एग्जाम क्यों ना ले लो, या एसएससी सीजीएल का एग्जाम क्यों ना ले लो, इसमें स्टैटिक जीके एक बहुत बड़ा रोल निभाता है। आप स्टैटिक जीके पर ध्यान ही नहीं देते हो, आप जीएस पढ़ते हो। बेटा हम जीएस पढ़ाते हैं, लेकिन जब से ये अभी न्यू पैटर्न में हमने देखा है, वो फिक्स जीके का जो इश्यूज है, जो परमानेंट वैसे ही रह गया है जीके, उसको बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल ट्रिक के साथ, और पूरा कलर्ड पीडीएफ हम लोग आपको लिखवाते नहीं है, हम आपको कलर्ड पीडीएफ देते हैं। सब कहते हैं देखो ध्यान से सुनो, एकदम अटेंशन कहीं डाइवर्ट मत करो, जो चीजें हैं सब लिखा मिल जाएगा, बस वो लिखा हुआ चीज को दिमाग में छापने की कोशिश करो क्लास के समय, ठीक है। और ये बैच आ रहा है 18 जून को। बेटा सारे बैचेस मेरे नजदीक ही आ रहे हैं, मेरा आ रहा है 15 जून को इंग्लिश स्पेशल 18 के बैचेस को सब ले लेना। क्योंकि आप लोग भी तो छोटे बच्चे ही हो, है ना, लड़के कभी भी ग्रो अप नहीं करते। जरा देखो ये क्या है, वाह, एकदम जीभ ऐसे बाहर लटका पहले, फिर उसने पूरा जीभ से अच्छे से चाटा और निकाला वो एक लेग पीस बड़ा सा अपने लिए। क्यों? इसके लिए दिस फूड वाज, द चिकन वाज पैलेटेबल, इट वाज पिक्वेंट फॉर हिम। पिक्वेंट का मतलब मसालेदार, चटपटा, स्वादिष्ट, है ना। लड़कियां देखते हो गोलगप्पे के ठेले के पास, जितना गोलगप्पे वाले का पूछ है बेटा, आप लोग की पूछ नहीं होती, है ना, तुम लोग को उतना कोई नहीं पूछता जितनी लड़कियां गोलगप्पे वालों को पूछती है। क्यों? बिकॉज द गोलगप्पास, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं वाटर बॉल्स, आर पिक्वेंट, they are palatable, but spicy, मसालेदार और pleasant taste, ठीक है। The chili paneer is piquant, piquant का मतलब क्या हुआ, एक तो मसालेदार है और टेस्टी भी लगे, तब बेटा piquant word use करोगे। These dishes are palatable, ये dishes बहुत tasty है, मसालेदार है और बहुत स्वादिष्ट है, इसीलिए ये क्या है, इसीलिए देखो the tandoori chicken is palatable for Tom, देखो बोलो समझ में आया। धीरज डेली चलता है बेटा, लेकिन खाली इंग्लिश नहीं चलता है, आपके जो डिफेंस स्पेशल बैचेस है बेटा वो चलता है। देखो ध्यान से देख लिया, आप देखो जरा इस तरह से। कुछ लोग कहते हैं मैम हेड्स ऑफ, अरे भैया गर्दन काट के थोड़ी हेड ऑफ कर दोगे, हैट्स ऑफ कहते हैं बेटा। याद रखना जब आप कोई अंग्रेज या कोई ब्रिटिश से मिलोगे, तो जो हाई लेवल के हाई क्लास के ब्रिटिश होते हैं ना, उनके पास एक हैट जरूर रहता है, और उनकी नकल में के लोअर क्लास वाले भी होते हैं जो हैट पहनने की कोशिश करते हैं, हालांकि पता चल जाता है कि उस लेवल का नहीं है बंदा, लेकिन जो हैट पहनते हैं अगर उनको ऐसे झुक के नमस्ते करना, तो वो ऐसे जब झुकेगा ग्रीट करने के लिए, अभिवादन करने के लिए, तो टोपी उसका कैप तो नीचे गिर जाएगा, है ना, उसका हैट जो है वो तो नीचे गिर जाएगा, तो वो क्या करेगा, हैट को ऐसे पकड़ेगा, ऐसे हटा के ऐसे झुकेगा और फिर हैट पहन लेगा। इसी को कहते हैं हैट्स ऑफ, इसका मतलब आपका अभिनंदन करता हूं,
ठीक है, इसीलिए किसी के लिए आपको जब सम्मान झलके तो आप उसको जैसे मीडिया में, मान लो फेसबुक में अगर मैंने कुछ ऐसा पोस्ट किया कि हाँ हमने इतने लोगों को खाना खिलाया, इतने गरीबों को मैंने, जबकि लिखना नहीं चाहिए वो, मैं कभी नहीं लिखती हूँ, कुछ करती हूँ, ठीक है गोलगप्पे सही कह रही हूँ एल्बर्ट, तुम लोग की पूछ उतनी नहीं है जितनी लड़कियां गोलगप्पे वालों को पूछती हैं। तो जब आप इस तरह से हैट हटाते हो, तो अगर मान लो मैंने लिखा कि मैंने इतना समाज सेवा मैंने की है, तो आपको अगर कहना होगा कि मैम बहुत अच्छा और आपके लिए मेरे दिल में सम्मान है, तो बेटा एक बात बताओ, सामने रहोगे तो कहोगे मैम रियली में आप बहुत धन्य है, लेकिन अब आप मुझे फेसबुक में कैसे बोलोगे, तो कहोगे हैट्स ऑफ, हैट्स ऑफ मतलब आपका अभिनंदन करता हूं, हैट्स ऑफ टू योर करेज माय डियर, अगर आपने साहस दिखाया है, जैसे मैंने अभिनंदन का नाम लिया है ना, तो जैसे अभिनंदन उस तरह से, जिस तरह से पाकिस्तानियों के यहाँ पे उसकी फ्लाइट गिरी थी और उसके बाद वो संभल के अपने आप को अपना करेज बना के वापस आया, और उनके सामने भी वो गिड़गड़ाया नहीं था, बिल्कुल करेजियस तरीके से खड़ा था, उसको पता था हो सकता है अभी सर कलम कर देगा, लेकिन जिस तरह से उसने साहस दिखाया, तो अभिनंदन को आप क्या कहते हैं, हैट्स ऑफ टू योर करेज मिस्टर अभिनंदन, हैट्स ऑफ टू योर करेज का मतलब होता है कि सही में आपका, आपके साहस को मैं नमन करता हूं। Hats off to Delhi police for catching such a notorious criminal. Notorious का मतलब होता है बेटा कुख्यात, known तो है लेकिन सब नफरत करते हैं, disregarded, है ना? Hats off to Delhi police, भाई इतने खतरनाक क्रिमिनल को दिल्ली पुलिस ने पकड़ा, Hats off to Delhi police, ठीक है, समझ में आया, देखो तो क्लियर। एक बायो स्पेशल बैच आया बेटा, इसको बिल्कुल मत छोड़ना, आकृति मैम बिल्कुल बिजी रहती है और बहुत मुश्किलों से बहुत कहने वाली बैच लेके आती है, और इस बार इनका जो स्पेशल बैच है वो सबसे बड़ी बात है कि वो आपको नीचे से लेकर आईएएस प्री तक के लेवल को कंप्लीट कर देगी, कोई एग्जाम नहीं छूटेगा, और जरा फीस देखो आपको खुद आश्चर्य होगा कि हम क्या फीस लेके आ रहे हैं, देखो 17 मई से शुरू हुआ है, अभी भी आप ज्वाइन कर लो, बहुत ज्यादा मिस नहीं हुआ है, और सारा का सारा जितने क्लासेस मिस होंगे आपके सब रिकॉर्डेड फॉर्म में वहां पे सेव्ड रहता है, ठीक है। देखो जरा स्टैंडिंग ओवेशन देखो तो क्या होता है, जरा स्टैंडिंग ओवेशन देखो क्या होता है, देखा स्टैंडिंग ओवेशन क्या होता है बेटा, स्टैंडिंग ओवेशन का मतलब होता है जब खड़े होकर लोग इस तरह से तालियां बजा रहे हैं, यानी आपने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया कि लोगों को खड़ा होके ताली बजाना पड़ा, राइट right? देखो ध्यान से, हिज परफॉर्मेंस वॉज गिवन, हिज परफॉर्मेंस वॉज गिफ्ट, एक सेकेंड बेटा, हिज परफॉर्मेंस वॉज गिवन अ स्टैंडिंग ओवेशन, ठीक है, यहां पे आप वॉस लगाना, ये ऐसा नहीं वॉस है, हिज परफॉर्मेंस वॉज गिवन अ स्टैंडिंग ओवेशन, इसका मतलब कि उसने ऐसा परफॉर्मेंस दिया कि लोगों ने खड़ी होकर ताली बजाई, द ऑडियंस रोज टू देयर फीट, ऑडियंस खड़े होके अपने पैरों पर, And gave a standing ovation, और उन्होंने खड़े होकर ताली बजाई, so standing ovation होता है जब खड़े होकर आप किसी को ताली बजाते हो। ललिता बेटा हम जीरो से ही इंग्लिश दिखाते हैं, लेकिन आप इंग्लिश किस चीज के लिए सीखना चाहते हो पहले ये बताओगे, अगर आप कहोगे मैम मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती है, एक लाइन पढ़ के भी समझ में नहीं आता है, बोलना तो बहुत दूर की बात है, तो बेटा आप स्पोकन लो, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे बैचेस आते हैं हम उस पर बेसिक से लेकर एडवांस तक चलते हैं, लेकिन अगर आप कहोगे कि मुझे बोलना भी सीखना है तो स्पोकन लो, अगर आपको लिखना बोलना दोनों सीखना है तो अच्छा होगा कंपल्सरी इंग्लिश ले लो, इसमें एसे प्रेसी वगैरह सब कुछ हो जाएगा, और अगर आपको एग्जाम के लिए लेना है तो इंग्लिश स्पेशल का जो लेटेस्ट बैच हो अभी है 18 नंबर, आप उसको लोगे, ठीक है। देखो मेरा एक क्लास नोट्स भी आया हुआ है, जिन लोगों ने वॉल्यूम 1 पढ़ लिया है उसके बाद वो चाहो तो क्लास नोट्स ले सकते हो, वॉल्यूम 1 के ऊपर लेवल क्लास नोट्स, ठीक है, और जिनको बोलना सीखना है वो स्पोकन इंग्लिश का बुक ले सकते हो। बेटा ये सारी किताबें आपको kdpublication.com में मिल जाएगा, अगर आप kd publication का साइट में चले जाओगे kdpublication.com तो आप ये सारी किताबें वहां पर लिस्टेड मिल जाएंगी, ठीक है, kdpublication.com में स्पोकन इंग्लिश का भी बुक आया है, बहुत बढ़िया है, इसमें 93 पेजेस का मैंने सिर्फ और सिर्फ स्पोकन डिक्शनरी दिया है, जो वोकैब आप बोलचाल की भाषा में यूज करते हो, आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू का नहीं, ठीक है। चलो बेटा कितने किताब खरीदेंगे, किताब खरीदना नहीं होता, किताब में आप इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, आप खरीदते हो क्या चीजें, अपनी जरूरत की चीजें जिसके बिना आप थोड़ा बहुत काम चला सकते हो, और बर्बाद करते हो जो ब्रांडेड क्लोथ्स एंड ब्रांडेड शूज खरीदते हो ना इस समय, उसमें आप पैसे बर्बाद करते हो, ठीक है, इसलिए याद रखना किताब हो एजुकेशन हो उसमें इन्वेस्टमेंट होता है, उसमें पैसे बर्बाद या पैसे खर्च नहीं होते। चलो कैप साइज जरा देखो तो क्या हुआ, ये बोर्ड क्या हुआ, ऊपर नीचे हो गया अंदर गया आदमी, है ना, कैप साइज द बोर्ड, कैप साइज देखो, टर्न टर्टल भी बोर्ड कहलाता है, टर्टल जानते हो ना, अगर टर्टल क्या कहते हैं टर्टल को हिंदी में, टॉर्टोइस और टर्टल का थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है, अगर वो उलट गया ना तो उसके पीठ में जो वो बना रहता है जिसके अंदर वो छुप जाता है वो ऐसा बना रहता है इस तरह से, तो वो फिर सीधा नहीं हो पाता अपने आप, फिर उसको कोई सीधा करेगा तभी सीधा हो पाएगा, वरना वैसे ही टॉर्टोइस वैसे ही मर जाता है, ठीक है ना। तो याद रखना कि अगर आप टर्टल टर्न टर्टल कह रहे हो उसका मतलब होता है पलट जाना, यानी कछुआ जैसे होता है ना पलट जाता है ना, तो फिर सीधा नहीं हो पाता है, देखो उलट जाना या पलट जाना, ठीक है। अब बिग वेव कैप्साइज्ड द बोट, एक बहुत बड़ी लहर आई और जो बोट थी वो पलट गई। दूसरा देखो, थ्री विलेजेस वर ऑन बोर्ड व्हेन द बोट कैप्साइज्ड, तीन विलेजेस तीन गांव वाले उस बोट पे सवार थे जिस समय बोट पलट गई, देखो तो पलटना उलट जाना पलट जाना,
बेटा वो कैब की बुक कहाँ ना, मैंने करीबन एक महीना तो लगेगा ही बेटा मुझे, क्लियर। नेक्स्ट आओ, इसी बैच की बात कर रही हूँ बेटा मैं, इंग्लिश स्पेशल 18, जिसमें अगर ले लोगे आपको इतने सारे चीजें हैं इसमें, फिर कुछ बचता ही नहीं है। चलो नेक्स्ट आओ, टैक्सीडर्मी। व्हाट इज टैक्सीडर्मी? देख रहे हो, पहले जब हंटिंग वगैरह अलाउड था ना, लोग शेर चीता बाघ क्या ऐसे ही शिकार करते थे, उसका गर्दन काट के अंदर का सारा मांस वांस सब कुछ निकालने के बाद अंदर भूसा भरा जाता था। पहले उसको एक तरह से ट्रीट किया जाता है, ये ट्रीटमेंट के बाद क्या होता है ना, वो सड़ेगा नहीं, और उसके बाद उसमें भूसा भरा जाता था, आंखों की जगह पे बटन लगा दिया जाता है वैसे कलर का, और दांत वांत वैसे ही लगा दिए जाते हैं वापस। होता क्या है, लोग दिखाते देखो मैं कितना वीर हूं, मैंने इस शेर का शिकार किया है जो यहां पे लगा हुआ है। उस समय हंटिंग अलाउड था, बाद में इन सालों ने हंटिंग ऐसा किया कि पूरा सत्यानाश कर दिया और बाघ चीते गिनती के रह गया, है ना। ब्लैक पैंथर तो दिखाई नहीं कई सालों से। इसका मतलब हुआ क्या, टैक्सीडर्मी ने सत्यानाश किया, क्योंकि टैक्सीडर्मी एक ऐसा प्रोसेस था, द आर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग स्टफिंग एंड माउंटिंग द स्किन्स ऑफ एनिमल्स विद लाइफ लाइक इफेक्ट। लाइफ देखो देखो दिखने वहां जैसे लग रहा है कि जिंदा है, ऐसा इफेक्ट देता था, है ना, स्टफ करके और स्किन को अच्छे से भर के, एनिमल्स के स्किन को, जानवरों की खाल में भूसा भर के उन्हें जीवित कर सा बनाने की कला को टैक्सीडर्मी कहते हैं। बेटा डर्म का मतलब चमड़ा होता है, वही चमड़े में भूसा भर के उसको एक जीवित की तरह बनाना, इस टैक्सीडर्मी। दिस माउंटेड लायन हेड, ये जो माउंटेड लायन हेड है, लायन का हेड है जो, इज अ क्रूअल प्रोडक्ट ऑफ टैक्सीडर्मी, ठीक है ना। ये जो माउंटेड डियर हेड हो या लायन हेड हो, ये बता रहा है कि ये प्रोडक्ट ऑफ टैक्सीडर्मी है। टैक्सीडर्मी वॉज इन डिमांड, टैक्सीडर्मी डिमांड में थी, टैक्सीडर्मी डिमांड में थी जब हंटिंग लीगल था, तब जब हंटिंग लीगल था तब, ठीक है। क्या पूछ रहे बेटा, 2021 के लिए बेटा मैं आपको एक ही गाइड करूंगी कि वॉल्यूम वन तो कवर करो, वो तो हम कवर करा रहे हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट 9 बजे, उसके पीछे के क्वेश्चंस को देख लो। लेकिन मैं आपको एक चीज और सजेस्ट करूंगी कि आप मेरे से एक बैच ले लो, उसके बाद कहीं पर कुछ नहीं अटकेगा, एक कॉन्फिडेंस भी आएगा, एक पता चलेगा आपको पढ़ना क्या है, ठीक है। और एयरफोर्स की अगर बात करोगे बेटा, तो एयरफोर्स हो या एनडीए हो, कोई भी एग्जाम हो, मेरा एक बैच सफिशियंट है आपके लिए। कोई भी आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, केडी लाइव ऐप को डाउनलोड करो, इंग्लिश स्पेशल बैच को ले लो, ऐसे हम लोग जैसे आपका नोटिफिकेशन आएगा वैसे ही एक बैच शुरू करेंगे। लेकिन बेटा तुरंत नोटिफिकेशन के बाद के बैच में आपको वो बहुत जल्दी करना पड़ेगा, जैसे मैं कह रही हूँ अभी आराम आराम से पढ़ो, ठीक है। और आप सबसे पहले केडी डिफेंस ब्रिगेड करके केडी लाइव को तो सब्सक्राइब करो ही यूट्यूब में, केडी लाइव ऐप को डाउनलोड करो और केडी डिफेंस ब्रिगेड को भी सब्सक्राइब कर लो। इससे आपको सारे क्लासेस जो रिलेटेड टू डिफेंस है वो आपको एक अलग से ऐप में, एक अलग से यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा, ठीक है। चलो बेटा लॉकडाउन में प्रॉब्लम है, तभी तो आपको देखो हम लोग कितने क्लासेस फ्री में पढ़ा रहे हैं, है ना। तो इसलिए तुम कह रहे हो, दोनों तरह के बच्चे हैं, जो पे नहीं कर पाते हैं वो अभी बहुत सारी चीजें फ्री में पढ़ रहे हैं, जो पे कर देंगे उसको एक सिस्टमैटिक तरीके से एक बैच चलेगा, 7 महीने 6 महीने में खत्म हो जाएगा, वो अपना चल देंगे, उनको फिर रेगुलर बेसिस पे ढूंढने की जरूरत नहीं होती क्लासेस। तो हम लोग सबके लिए कर रहे हैं, DSSSP के लिए सब कुछ इंक्लूडेड है यार, उसका इंग्लिश मेरे पर छोड़ दो, एग्जाम के बाद बात करना। मैं हमेशा बच्चों से कहती हूँ कि एग्जाम के बाद बात करना, अगर नहीं लड़े तब मुझसे बात करो। चलो, लैपिडरिस क्या होते हैं बेटा, जो नगीनों पे, जो पत्थर कीमती पत्थर पे तराशने का काम करते हैं ताकि वो सुंदर अंगूठी में तराशा जा सके। आपको क्या लगता है जो हीरा निकलता है खान से, वो हीरा वैसे चमकता हुआ हीरा होता है क्या? नहीं भाई, उस पर लैपिडरिस काम करते हैं, उसको कटिंग करते हैं, फिर पॉलिश करते हैं, फिर उनको एनग्रेव करते हैं, वही काटने वाला कटर, पॉलिशर और एनग्रेवर ऑफ पीस प्रेशियस स्टोन यूजुअली अदर देन डायमंड्स। जनरली हम लोग जो नगीनों की बात करते हैं ना, वो लैपिडरिस उस पर काम करते हैं। हालांकि हीरा जो होता है बहुत बड़े पैमाने पे इसका बिजनेस होता है, इसीलिए उनको लैपिडरिस की संख्या में नहीं रखते हैं, उसको लैपिडरिस का नाम नहीं दिया जाता है। लेकिन जनरली जितने प्रेशियस स्टोन पे काम करने वाले लोग होते हैं उसको लैपिडरिस कहते हैं। मणिकार, आई लव द डिजाइन मेड बाय दिस लैपिडरिस, इस लैपिडरिस ने जो बनाया है डिजाइन वो मुझे बहुत पसंद है। एक ने सीरियस का पूछा, एक ने पीओ का पूछा है। बेटा मैंने आपको जो 75 सेट का दिखाया है ना, उसमें पीओ के और क्लर्क के बहुत सारे टेस्ट पेपर, 10 टेस्ट पेपर उसमें इंक्लूडेड है। याद रखना बेटा, कोई भी एक एग्जाम के लिए मैं प्रिपेयर नहीं करा रही, मैं कह रही हूँ। आप कहते हो ना मैम फीस ज्यादा है, मैं आपको बता दूं बेटा, मैं कोशिश करती हूँ कि आप बच्चे जो है जब तक नौकरी नहीं है तब तक तो सब एग्जाम भरोगे, चाहे सीरियस हो, चाहे एनडीए हो, चाहे एयरफोर्स ही क्यों ना है, एफ कैट क्यों ना हो, एसएससी है, सब भरते हैं। बेटा एक बात बताओ, क्या मैं सबका अलग अलग फीस लूँ? और जो कहते हैं नहीं नहीं ये अलग, इसका अलग सिलेबस है, कुछ नहीं है, उबेको बना रहे हैं और कुछ नहीं, इंग्लिश में कोई अलग नहीं है। इंग्लिश का मतलब इंग्लिश, बेटा ये कोई सब्जेक्ट नहीं है कि मैं कहूँगी देखो इसमें एडवांस मैथ्स नहीं आएगा, इसमें ट्रिग्नोमेट्री नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। देखो DSSSP PGT पेपर 1 का हम लोग जो तैयारी करा रहे हैं, एक BOD बैच है जो 1 जनवरी 2022 तक की इसकी वैलिडिटी है, और इसमें मैथ्स पुष्पिंदर सर का है, मोहित सर का रीजनिंग है, हिंदी दीपिका मैम ले रही है, इंग्लिश मैं लूंगी, ठीक है ना। ये VOD बैच है, बीओडी बैच पीओ के लिए, ठीक है जमेल। बट अब क्या है ना, एक चीज मैं बताती हूँ, कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग वीओडी अलग चीज है, हमारा जो बैच लाइव खत्म हो जाता है वही तो वीओडी बनता है, उसमें लाइव क्लासेस नहीं, उसमें वीओडी है, ठीक है। आ जाओ, टॉडल का मीनिंग क्या है, लास्ट वर्ड में मैं आने जा रही हूँ। छोटे बच्चे को देखो एकदम लड़खड़ा के चलते हैं, और कभी देखते हो शराब पी के आदमी लड़खड़ाता है ना, वही तो टॉडल करना हुआ। देखो किस तरह से यहाँ पे एक जिराफ का बच्चा टॉडल कर रहा है, देख रहे हो, है ना। देखो टॉडल का मतलब है अनस्टेडी स्टेप्स, यानी डगमगाते हुए कदम से चलना, जैसे कि कोई छोटा बच्चा चलता है,
माय 2-year-old सन टॉडल्ड अराउंड, मेरा 2 साल का बच्चा इधर उधर डगमगाता हुआ चलता है. टॉडल का मतलब होता है डगमगा के चलना. लेकिन सेकंड देखो कि टॉडल ऑफ फॉर अनदर ग्लास ऑफ वाइन, देख रहे हो, अनदर ग्लास ऑफ बियर, अनदर ग्लास ऑफ वाइन के लिए वो लड़खड़ाता हुआ गया फिर से अपना ग्लास के लिए भरने के लिए. समझ में आया? आज के लिए हमारा यही शीट है और ये पूरा कंप्लीट जो वोकैब था, ये GIF का 4th वोकैब है. 3 ऑलरेडी यूट्यूब में पड़ा हुआ है. ठीक है बेटा, सीरियस NDA, एयरफोर्स, नेवी, जितने भी तरह के एग्जाम्स होते हैं, अगर उसमें इंग्लिश आता है तो वो इंग्लिश में पूरा कंप्लीट कवर कराऊंगी. उसके अलावा जो SSC के बच्चे हैं, याद रखना SSC के सारे क्वेश्चंस तो ऑलरेडी क्लास के जो असाइनमेंट है उसमें रहता है. आप एक बैच ज्वाइन करो, इंग्लिश स्पेशल 18, सब कुछ कवर्ड हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा. ठीक है, और मेरे साथ हमेशा जुड़े रहो. सबसे पहले आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लो. इससे क्या होगा, मैं कभी भी आऊंगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा. और जो बच्चे चाहते हैं कि मेरे से रेगुलर जुड़े रहे, तो याद रखना बेटा ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे मेरा क्लास चलता है Volume 1 का, रात को 9 बजे. आप आज रात को 9 बजे जरूर आना. आप देखना मैं किस तरीके से, कितने आसान तरीके से आपको idioms कराऊंगी, आप कभी भूलोगे ही नहीं. मैं ऐसे लाइव के साथ उसको रिलेट कर दूंगी. लेकिन लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लो और मेरे साथ जुड़ो. लेकिन याद रखना आप KD डिफेंस ब्रिगेड को भी सब्सक्राइब कर लेना अगर आपका टारगेट डिफेंस है तो. हालांकि जो मैं वोकैबुलरी पढ़ा रही हूं बेटा वो सारे एग्जाम्स में आते हैं, क्योंकि इंग्लिश का मतलब लैंग्वेज है. इसका कोई पर्टिकुलर सिलेबस हर एग्जाम के लिए नहीं हो सकता. कुछ PGT में सिर्फ 2 सब चैप्टर्स है, एक है पंक्चुएशन और एक है क्लॉज, जो उनमें अलग से आता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस. लेकिन वो सीरियस में भी आता है ना, SSC में नहीं आता. तो ये भी 2-3 चीजें हैं जो मैं आपको कंप्लीट इंक्लूड करूंगी अपने सिलेबस पे. और UPSC वाले जितने बच्चे हैं कंपल्सरी इंग्लिश आंख मूंद के ले लो अगर हिंदी मीडियम वाले हैं तो, क्योंकि आपको मैं एकदम लिखना सिखा दूंगी. आप कहोगे मैम ऐसे बेटा ऐसे, तो तब लिखोगे जो सेंटेंस बनाने की औकात होगी, है ना. स्पोकन में आपको हल्के हल्के सेंटेंस बनाना सिखाऊंगी जो डेली लाइफ से रिलेटेड है. और UPSC कंपोज इंग्लिश वालों को अच्छे लेवल का, जो इकोनॉमी से रिलेटेड है, जो आपके संविधान से रिलेटेड होगा, है ना, वैसे लेवल ऑफ सेंटेंसेस हम बनाएंगे और उसके बाद हम ऐसे करेंगे. ठीक है, चलो थैंक यू सो मच. आप सबसे पहले KD लाइव ऐप को डाउनलोड करो और डाउनलोड करने के बाद आप अंदर जाके फीचर्ड बैचेस में देखो, आपको आपके काम की चीज मिल जाएगी. थैंक यू सो मच. रात को 9 बजे मिलते हैं Volume 1 के साथ. बाय. लोग इससे बेनिफिटेड हो सके, अपने सारे फ्रेंड्स को बुलाओ और फिर ये सेशन शुरू करते हैं. और हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो वो क्या, सॉर्सरी, नेक्रोमेंसी एंड सॉर्टिलेज, देखो ध्यान से, विचक्राफ्ट, क्या हो रहा है ये, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है क्या, विचक्राफ्ट, सॉर्सरी, मुझे थोड़ा सा रुकना पड़ेगा क्योंकि इसमें अभी मुझे लग रहा है थोड़ा सा कुछ इश्यू हो रहा है आज यहां पर, थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएट भी. सॉर्सरी, नेक्रोमेंसी एंड सॉर्टिलेज, ये 4 वर्ड ध्यान से देखो. आपको महसूस होगा जब आप बचपन में कहानियां पढ़ते थे तो बेटा ऐसे ही कुछ जादू टोना होता था और जिससे लगता था कि कुछ आपको दिखने वाला है, जिसको विचक्राफ्ट कहते हैं बेटा. जो कहते हैं ना, जो चुड़ैल टाइप के लोग होते हैं वो इस तरह से सॉर्सरी करते हैं. सॉर्सरी का मतलब क्या होता है? सॉर्सरी का मतलब होता है जो जादू टोना, या जिसको हम लोग कहते हैं कि जो डायन वगैरह कुछ कुछ चीजें करती है. हम लोग सोचते हैं शायद हम लोग इंडिया में ही इस तरह की चीजें देखते हैं. बेटा इंडिया में इस तरह की चीजें खाली नहीं देखते, इस तरह की चीजें आप कहीं भी देख सकते हो. और जितने फेरी टेल्स है उसमें सॉर्सरी का, विचक्राफ्ट का. बेटा WITCH, विच का मतलब क्या होता है? विच का मतलब होता है डायन, चुड़ैल या जादूगरनी. और क्राफ्ट जो उसका जैसे कोई भी चीज बनता है तो उसको क्राफ्ट कहते हैं, यानी कुछ बनाया गया है. तो विचक्राफ्ट इज वही जादू टोना जो इस तरह से वो लोग करते हैं. याद रखना बेटा, विचक्राफ्ट और सॉर्सरी ये 2 चीजें तो बिल्कुल बिल्कुल हम लोग जानते हैं अच्छी तरह से कि ये 2 वर्ड कई बार आ चुके हैं. लेकिन बेटा एक और वर्ड है
जो मुझे लगता है मैंने टेस्ट पेपर में डिस्कस भी किया है, नेक्रो। बेटा नेक्रो जो वर्ड होता है ना, ये डेड बॉडी से रिलेटेड होता है, याद रखना। नेक्रोक्रेसी मैंने कल क्लास में डिस्कस किया था, आप टेस्ट पेपर मैंने क्लास में डिस्कस किया था। नेक्रोक्रेसी होता है जब मरा हुआ व्यक्ति शासन करता है। जैसे मान लो कोई ऑटोक्रेट जो डिक्टेटर है मर गया और उसका अभी कोई वारिस है जो अभी कुछ दिनों बाद या कुछ सालों बाद ही वो ले सकता है उसकी सत्ता, तो तब तक क्या होता है ना कि वो डेड बॉडी के द्वारा रूल होता है, वो रहे चाहे नहीं रहे, है ना, जिंदा हो चाहे नहीं हो वो रूल करता है, तो नेक्रोक्रेसी कहलाता है। अब मैं कह रही हूं नेक्रोमैंसी क्या है, तो बेटा याद रखना नेक्रो मतलब होता है मृत, नेक्रो इज ऑलवेज रिलेटेड टू डेड बॉडी, रूट याद रखना। क्या कहा मैंने, नेक्रो, क्या कहा, नेक्रो, विच क्राफ्ट, नेक्रो याद रखना, नेक्रो इज डेड बॉडी, यानी मृत लोगों के द्वारा जो चलेगा काम वो नेक्रोमेंसी होता है। और इस तरह की चीजों में आप हमेशा याद रखना नेक्रो में कि आपको जैसे लगेगा कोई जादू टोना कर रहा है, जो भूत प्रेत का काम कर रहा है, ठीक है। एंड सॉटलेज देख लो ध्यान से, कोई इश्यू हो तो बताओ, याद करो विचक्राफ्ट सॉर्सरी नेक्रोमेंसी एंड सॉटलेज, विचक्राफ्ट सॉर्सरी नेक्रोमेंसी एंड सॉटलेज। नेक्रो कहीं भी दिखे हम समझ जाएंगे डेड बॉडी, विच कहीं भी दिखे हम समझ जाएंगे चुड़ैल, ठीक है। बताओ कोई प्रॉब्लम यहां तक, मुझे जरा कमेंट्स दिखाओ, क्लियर। ज्यादा छेड़छाड़ मत करना नहीं तो, क्योंकि थोड़ा सा इश्यू हो रहा है। नेक्स्ट आओ बैकनेल, देखो ध्यान से जरा, बैकनेल सर्चनेलिया डिबॉच एंड स्प्री, बैकनेल, बैकनेल जैसे कहते हैं बच्चों की तरह बैकनेल होता है, बैकनेल जैसे बच्चा लोग बैकनेल कर सकते हैं, जैसे बच्चा लोग अगर मैं कहूं कि बच्चों की तरह हरकत कर रहे हो तो क्या कर रहे हैं, जरा देखो, ठीक है। ये क्या है, शोर शराबा के साथ सेलिब्रेशन हो रहा है, एक तो शराब की बोतल भी खुल रही है, ये शैंपेन है शायद, है ना, इतना तेज जो जाता है तो शैंपेन ही होता है, और सेलिब्रेशन देखो जरा इन लोगों का, आपको महसूस होगा उछल कूद वाइल्ड एंड ड्रंकन सेलिब्रेशन, उछल कूद वाइल्ड एंड ड्रंकन सेलिब्रेशन को हम कहते हैं बैकनल, जैसे पी के बच्चे की तरह बैकनल हो रहा है, है ना, जैसे पी के बच्चों की तरह उछल कूद, ये बैकनल है। बैकनल सेटनेलिया डिबॉच एंड स्प्री, बताइए कोई इश्यू। यस बेटा, रोज वो क्या की क्लास नहीं होती, लेकिन हम दो तीन दिन में एक बार जरूर आ रहे हैं, और इसीलिए आपको कह रहे हैं कि थोड़ा सा ध्यान रखो कि इस चीज का, कि आप लोग को बहुत कुछ फ्री में हम प्रोवाइड कर रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट चीज फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं बेटा, इसलिए कम से कम इसको वैल्यू करो और रेगुलर बेसिस पे आप आओ, ठीक है। क्या है, बैकनल सेटनेलिया डिबॉच एंड स्प्री, याद करो ड्रंकन सेलिब्रेशन, पी के जो सेलिब्रेशन करते हैं लोग उसमें शोर शराबा, वाइल्ड मतलब जंगली की तरह, ड्रंकन मतलब पिया हुआ सेलिब्रेशन, जो 31 दिसंबर को लोग करते थे, इस बार तो हो गया सारा सत्यानाश, है ना। देखो बैकनल सेटनेलिया डिबॉच एंड स्प्री, बताओ याद रहेगा, स्प्री, स्प्री का मतलब बेटा सेम होता है, स्प्री का मतलब भी हो गया उसी तरह से उछल कूद करके, पी के बहुत हल्ला मचा के सेलिब्रेट करना, बताओ कोई इश्यू। विमल इलाहाबाद का सेंटर खुल चुका बेटा, और चलो शुरू करें आगे, नेक्स्ट आओ बेटा। ये मेरा एक फिर से 12 जो नंबर बैच है, कई बच्चे पूछ रहे हैं मैम नया बैच कब आएगा, और वो भी 3499 वाला ही बैच चाहिए, जिसमें 60 टेस्ट पेपर्स और सिलेबस अप टू एनी एक्सटेंट जो पढ़ाया जा सकता है जिसमें। ये बेटा 20 जनवरी को रात को 10 बजे आ रहा है, इसका क्लास मंडे वेंसडे फ्राइडे चलेगा, और इसमें एक फैसिलिटी ये है, क्योंकि आज बहुत बढ़िया पीर आमिर, थैंक यू सो मच, देखो कश्मीर से तो बच्चा आ ही गया, अब ये पूरे इंडिया से लेकर कन्याकुमारी तक बच्चा आना जरूरी है, बीच तक तो हम पहुंचे गए ऊपर से बीच तक, अब नीचे जाना जरूरी है ना। चलिए, ऐसे उन लोग का थोड़ा हिंदी कमजोर रहता है तो सबको लेकर चलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा एक ही बैच में। सुनिए, सबसे पहले बेटा जब बच्चा पेट में होता है तो उसको फीटस कहते हैं, अमेरिका में यानी यूएस में इसका स्पेलिंग होता है FE, लेकिन आप याद रखना हम लोग जो सीखे हैं वो सीखे हैं यूके से, मतलब इंग्लैंड में जो लेटर साइलेंट होता है ना उसको हटाते नहीं है, अमेरिकन हटा देते हैं, तो फीटस में ओ साइलेंट है इसलिए अमेरिकन ने इसको FE कर दिया है, लेकिन हमें स्पेलिंग आया हुआ याद रखना FOE होता है, या फिर हम लोग उसको कहते हैं एम्ब्रियो, इसीलिए जब बच्चा को पेट में ही मार दिया जाता है ना तो फीटिस साइड हो जाता है। ओके, अब आया यहां पे क्या, ये है जो बिल्कुल छोटा सा है जो आपके कह सकते हैं मां के पेट में, जब ये पैदा होता है बेटा तो ये इन्फेंट कहलाता है, इन्फेंट कहलाता है, क्लियर। जब एकदम अभी पैदा ही हुआ है और वो शिशु है तो इन्फेंट कहलाता है। हालांकि एक और वर्ड मैंने सिखाया था आप लोगों को, नियोनेटिसाइड वर्ड एक होता है, जैसे बच्चा पैदा हुआ और देखा अरे ये तो मेरे मन मुताबिक बच्चा नहीं है, जनरली कन्या जो होती है ना, तो उसको अगर मार दिया तो नियो का मतलब होता है बेटा नया, देखो रूट समझो, नेट वर्ड जहां दिखे समझ जाओ जन्म, यानी अभी नए नए जन्मे बच्चे को, और साइड जहां दिखे समझ जाओ हत्या, समझ रहे हो, देखो तो ध्यान से, नियोनेटिसाइड का मतलब होता है अभी अभी जो बच्चा पैदा हुआ है उसको मार देना, अगर वो शिशु को मार रहा है यानी कि कुछ दिनों के बाद भी तो इन्फेंटिसाइड होगा, और अगर बच्चा को पेट में ही मार दिया यानी जब वो एम्ब्रियो है फीटस है तो फीटिसाइड होता है। देखो तीन वर्ड और सिखाया मैंने, भ्रूण हत्या, शिशु हत्या और नए जन्मे बच्चे की हत्या, क्या बताया ध्यान से सुनना बेटा, फीटस भ्रूण कहा मैंने, यानी ये है भ्रूण हत्या, When the child is, when the baby is in the womb, womb मतलब होता है बेटा गर्भ, in the womb of the mother, infanticide is शिशु हत्या,
ठीक है, और नए नए जन्म में बच्चे की हत्या इस नियोनेटी साइड। अब आओ, मैंने क्या कहा, फीटस फिर इन्फेंट हो गया बेटा, उसके बाद इस तरह से बच्चा होगा, मतलब आप उसको बेबी कह दो, चाइल्ड कह दो, उसके बाद हम उसको टॉडलर कहते हैं, ठीक है, उसके बाद वो चाइल्ड कहलाता है, फिर वो 12 साल के बाद क्या कहलाएगा, उसके बाद वो किशोर कहलाएगा, एडोलेसेंट, एडोलेसेंट उसके बाद यानी कि किशोर, जब उसके बाद वो बड़ा हो जाता है, बालिग हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है, बालिग होने पर वो एडल्ट कहलाता है बेटा। और उसके बाद बोलोगे मैम उसके बाद ओल्ड पर्सन, एल्डरली पर्सन, बेटा सुनने में गंदा लगता है ना, ओल्ड एंड एल्डरली, उसे अच्छा सीनियर सिटीजन बोल दो, जो थोड़ा सभ्य लगता है। लेकिन एडल्ट हम कब तक रहते हैं, हमेशा, मरने तक। लेकिन एक समय आता है जब हम थोड़ा सठिया जाते हैं, भूलने लगते हैं, है ना, आके बाल बच्चे, ये बाल बच्चे याद दिलाते हैं कि दादाजी याद है मैं कौन हूं, तो वो चश्मा चाकता, हाँ हाँ ऐसे करता है, मतलब भूल चुका। जब भूल चुका तो बेटा वो सेनाइल कहलाता है। सेनाइल कौन होते हैं, जो उम्र की वजह से बातें भूलने लगते हैं ना, वो सेनाइल हो जाते हैं, ठीक है। देखो कितना स्टेज बता दिया आपको आपके लाइफ का, ये जब पेट में है, पैदा हुआ, चार पैर पे चल रहा है, बच्चा है, किशोर है, और आप युवा हो, और उसके बाद सठिया जाओगे जब, तो सेनाइल कहलाओगे। देखो बता बेटा, टीनेजर बहुत आसान वर्ड है बेटा, ठीक है, बताना पड़ता है, कुछ लोग होते हैं उनको याद दिलाना पड़ता है, और उन लोग की नजर में ना, जब तुम छोटी थी, अरे यार अब मैं भी बुढ़ी होने लगी, तुमको अब ऊपर जाना चाहिए, तो मैं तुम्हारा जबरदस्ती का, यस बेटा, डॉटेज, सेनाइल या सेनिलिटी को बेटा, सेनिलिटी जो अवस्था है ना, उसको डॉटेज कहते हैं, इसलिए मैंने डॉटेज वर्ड लिखा नहीं, ठीक है, क्लियर। देखो बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक, तो टॉडलर इज जब आप चार पैर पर चलते हो। आप चाहो तो इसको जल्दी से फटाफट एक स्क्रीनशॉट मार लो, तो जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लो, तो जल्दी से फटाफट एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, बोलो फिनिश्ड। अब आओ नेक्स्ट, कितने ढेर सारे वर्ड बेटा मैंने लिख दिए, जरा इस लड़की का मुंह देखो और उसको फील करो, इस लड़की के मुंह को देखकर फील करो, तो जरा जल्दी से फटाफट बेटा, आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो आज, आज आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो, जल्दी से शेयर करो, जल्दी से शेयर करो। चलिए नेक्स्ट सुनिए, डिजेक्ट, डिस्पाइस बेटा, सब देखो वर्ब है, लोथ, एबोमिनेट, डिटेस्ट एंड एबोर, तीन तीन छह वर्ड का मीनिंग क्या है, टू हेट, टू डिसलाइक, घृणा करना। आई अबहॉर सच पीपल, गंदा लगता है देख के ऐसे लोगों से मुझे, जो डिसऑनेस्ट लोग होते हैं, आई रियली डिजेक्ट देम, आई डिस्पाइस सच पीपल, है ना, इसका मतलब डिजेक्ट, डिस्पाइस, लोथ, एबोमिनेट, डिटेस्ट एंड एबोर। बेटा एक तो आपको डीई वर्ड जो है ना, हमेशा नहीं लेकिन आपको एक रूट एहसास कराएगा, जो चीज से आप रिपेल करते हो, रिपेल मतलब उससे दूर भागते हो, जरा ध्यान से देखो तो, ठीक है, इसका मतलब डिजेक्ट, डिस्पाइस, लोथ, एबोमिनेट, डिटेस्ट एंड एबोर का मीनिंग होता है टू हेट और डिसलाइक, मतलब घृणा करना। बेटा जल्दी से अपना नाश्ता मंगा लो टेबल पे ही, अपनी मम्मी से कह के, और बैठे रहना, आज 12 से 12 शो 12 घंटे का है, और सारे बिल्कुल एक्सपीरियंस और मस्त पढ़ाने वाले टीचर्स हैं। नहीं बेटा, रिलक्टेंट खाली होते हैं जो आप करने की इच्छा नहीं होती है ना, स्कॉर्नफुल मजाक उड़ाते हो बेटा, स्कॉर्नफुल मजाक उड़ाने का, ठीक है। देखो यस एबोर, देखो डिजेक्ट, डिस्पाइस, लोथ, एबोमिनेट, डिटेस्ट, एबोर, इन सब का मतलब होता है घृणा करना, टू हेट, टू डिजेक्ट, आई रियली डिजेक्ट सच डिसऑनेस्ट पीपल, आई एबोर या आई एबोमिनेट सच रिपल्सिव पीपल, है ना, तो रिपेल भी हो गया, रिपल्सिव मतलब जिससे आप दूर भागते हो, बताओ कोई प्रॉब्लम। एम कुमार बेटा बात क्या है ना, हमारे लिमिटेड है बेटा, एक बार में बुक्स जो छप के आ सकती है, तो उसका भी एक संख्या लिमिटेड होता है, क्योंकि जो हमारे प्रिंटर्स है वो प्रिंटर्स का भी एक है ना, कि इतना ही हम छाप के दे सकते हैं आपको महीने में। तो मैंने कहा कि भाई आपका अगर डिस्ट्रीब्यूटर मेरे बच्चे के गांव तक नहीं पहुंच पाया, तो उसमें स्टूडेंट की क्या गलती है। तब इन्होंने कहा है, हमारे पब्लिकेशन को संभालने वाले हैं अभिनव सिंह, उन्होंने कहा कि मैं काम कर सकता हूं, मैं आपकी जो किताब है उसका लिंक बना देता हूं, जो बच्चा वहां पे पेमेंट कर देगा अभी, मतलब उस लिंक को एक्टिवेट होने के बाद, हम पहला लॉट पहले उनको भेज देंगे, फिर हम डिस्ट्रीब्यूटर्स को देंगे। तो इसीलिए हम लोग कोशिश में यही है कि जो पहले बुकिंग कर ले हम पहले उनको दे दें। बेटा कॉस्ट मैं आपको बता भी नहीं पाऊंगी, क्योंकि अभी प्रिंटिंग में जाएगा तो कॉस्ट पता चलेगा, तो एनीवे अभी जो हम पेजेस देंगे उसके हिसाब से काउंटिंग करके वो डाल देंगे, ठीक है। बेटा हम लोग ऑफलाइन खोल चुके हैं, हम लोग जयपुर में बस अब इस मंथ के बीच में खुल जाएगा, हमारे मौका मत चूकना, बेस्ट फैकल्टी जो है, मैंने यही कहा कि बहुत चला तुम लोग केडी कैंपस की फैकल्टी को लेकर उड़ गई, तो एनीवे मैं चाहती हूं कि एक वहां तक पहुंचने का, यहां तक पहुंचने का, तो जम्मू तक तो पहुंच गए, इसीलिए वो पटना पहुंच चुकी है, और पटना में भी वो बेस्ट फैकल्टी लेके अशोक राजपथ में पहुंच चुकी है। चलिए क्लियर हो गया यहां तक, देखो कोई प्रॉब्लम, यस। नेक्स्ट देखो ध्यान से, ही इज जिटरी, यस ही इज सो नर्वस, सी दिस पर्सन,
He is too nervous. He is jittery. जैसे होता है ना कई बार कुछ नए लोग होते हैं जब नया बिजनेस शुरू करते हैं then they are jittery. तो मैं चाहती हूँ कि मेरे जो स्टाफ हो या मेरे जो सिस्टर्स हो तो जिटरी फील करे लेकिन चार महीने साल में वो इतने एक्सपर्ट हो गए ना कि वो मुझे क्लास में बिठा के मैनेजमेंट में वही लोग माहिर हो चुके हैं. सो दे आर नॉट एट ऑल जिटरी. सो व्हाट इज जिटरी? जब आप थोड़ा सा नर्वस फील करते हो, थोड़ा सा पैल्पिटेशन होता है ना, थोड़ा सा पसीना आता है, जिसको कहते हैं बटरफ्लाई इन द स्टमक. इसका एक idiom है बटरफ्लाई इन द स्टमक, यानी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है अंदर ही अंदर, है ना, वो नहीं है. बटरफ्लाई इन द स्टमक जिसका एक है और जिटरी का, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं बटरफ्लाई इन द स्टमक. क्लियर? बता कोई प्रॉब्लम यहां तक? नर्वस, ओके, बता कोई प्रॉब्लम? क्लियर? सो व्हेन यू आर जिटरी, आप थोड़ा सा नर्वस सा फील करते हो, ठीक है, उस समय आप क्या करते हो? आप फिजेट करते हो, यानी कि जब आप एक, ये तो खैर एडजेक्टिव है, एक वर्ब है फिजेट. इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनना. जब आप नर्वस होते हो ना तो ऐसे ऐसे थोड़ा सा ऐसे ऐसे मूवमेंट करने लगते हो, यानी कि देख रहे हो मुझे मूवमेंट मेरा एहसास हो रहा है आपको, यानी कि शॉर्ट मूवमेंट्स, बॉडी मूवमेंट्स. इसलिए कई बार आपको आपके पेरेंट्स कहते हैं पैर मत हिलाओ. क्यों? क्योंकि आप जब पैर हिलाते हो ना तो शॉर्ट बॉडी मूवमेंट जो करते हो ना उससे एहसास होता है कि आप नर्वस हो. सो व्हेन यू फिजेट इट मींस दैट यू आर नर्वस, इट मींस दैट यू आर इन जिटरी, इट मींस दैट यू हैव बटरफ्लाई इन योर स्टमक. देखो, क्लियर? बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? हो गया? नेक्स्ट. अच्छा, ये हमारा बैच 11 कॉम्बो आ जाएगा बेटा. बैच 10 मेरा जो बैच आने वाला है वो इंग्लिश स्पेशल, जोड़ोगे तो 6700 पड़ेगा आपको. और उसको अपने दिमाग में बेटा फिट करने की कोशिश करो. सबसे पहले आप दिमाग में उसको फिट करने की कोशिश करो, दिमाग में इसको पहले फिट करने की कोशिश करो. क्या कर रहा है जरा देखो, तो देखो किस तरह से हवा में कलाबाजी कर रहा है. ये हवा में कलाबाजी करने वाला व्यक्ति को हम एक्रोबेट कहेंगे. अ पर्सन हु परफॉर्म्स डिफिकल्ट मूवमेंट ऑफ द बॉडी, कलाबाजी करने वाले, हवा में कलाबाजी करने वाले को हम एक्रोबेट कहते हैं. अब याद रखना, जब भी ये एक्रो होगा वर्ड, है ना, ये एक्रो वर्ड जो होता है वो होता है हवा से रिलेटेड. इसलिए जिसको एक्रोफोबिया होता है उनको क्या होता है, उनको थोड़ा ऊपर से नीचे देखते हैं तो उनको डर लगता है. इसीलिए एक्रो क्या है? एक्रो इज रिलेटेड टू हाइट, एक्रो इज रिलेटेड टू एयर. सो एक्रोबैट, हवा में कलाबाजी करने वाले लोगों को हम एक्रोबैट कहते हैं. कुछ लोग कहते हैं कि मैम तब तो जो रस्सी में चलता है उसको भी एक्रोबैट कहेंगे. नहीं बेटा, रस्सी में चलने वाला वर्ड 2-3 बार आया है और उसके ऑप्शन में जानबूझकर ये एक्रोबैट लिखा रहता है. ऑप्शन में जानबूझकर एक्रोबैट लिखा रहता है, इसीलिए वो गलत हो जाएगा. वहां पे होगा देखो क्या, फ्यूनाम्बुलिस्ट. ऐसे लोगों को फ्यूनाम्बुलिस्ट कहते हैं. जरा देखो इस लड़की को कैसे चल रही है, जरा देखो इसका पैर देखो, है ना, क्या कर रही है. देखो, टाइट रोप वॉकिंग कहते हैं जिसको, ऐसे लोग फ्यूनाम्बुलिस्ट करते हैं. वन हु डस टाइट रोप वॉकिंग उनको हम फ्यूनाम्बुलिस्ट कहते हैं. यानी फ्यूनाम्बुलिस्ट का मतलब है जो इस तरह से टाइट रोप वॉकिंग करते हैं, हवा में कलाबाजी करने वाला. वन हु परफॉर्म सम टाइप ऑफ, यू कैन से द आर्ट परफॉर्म्ड इन एयर on height, it is, the person is called acrobat, and the person who does tight rope walking is funambulist. beta ye sara one word substitution mein aata hai, samajh mein aaya? aap kisi tarah ka nahi beta, somersault jo hota hai na wo aap hydra ek janwar hota hai, matlab unicellular animal hota hai wo, nahi unicellular nahi hota hai, hydra padhe hain science mein, hum padhe hue hain bio mein, wo aise jo kalabaji khata hai na, jaise aap sar ke bal ghulakte ho fir pair upar fir pair niche fir sar upar aise karke wo. बेटा आज थोड़ा सा यहाँ इश्यू है नेटवर्क का, थोड़ा सा अगर बफरिंग करे तो पेशेंस रखना. सुनो ध्यान से, एम्बल का मतलब होता है बेटा टहलना, लेकिन देख रहे हो टहलना हो या चलना हो, है ना, यहाँ पे फ्यूनाम्बुलिस्ट क्या चल रहा है आपको, खाली एम्बल ही है जो रूट दिख रहा है, बाकी कोई रूट नहीं होता इसमें. फ्यूनाम्बुलिस्ट इज जो टाइट रोप वॉकिंग करता है. सुमित, वहां पे रंजीत सर है बेटा, रंजीत सर आप लोगों को आगरा में, उनको मैंने जिम्मेदारी दी हुई है, ठीक है, क्योंकि हर जगह हम लोग सेम लोगों को, जैसे क्लास खत्म होगा वैसे ही पहले तो केडी लाइव में लोड करा ही दो, है ना, केडी लाइव ऐप में जाओगे, जरा बताओ तो, हाँ, इतना प्यार से आपको देख के हाथ हिला रहा है, जरा बताइए तो कौन है. जरा पहचानो पहले, फिर पढ़ाऊ मैं, जरा बताओ कौन है. अब बहुत अच्छे आदमी है क्या? हाँ भाई साहब बहुत दयालु है, बताइए तो जल्दी से, क्या कैसा आदमी है ये, कौन है और भाई साहब के चरित्र कैसे है, पहले ये बताइए, बताओ जल्दी. किम जॉन, ठीक है, किम जॉन, अच्छा किम जॉन कैसा व्यक्ति है, हाँ बहुत दयालु है, बहुत अच्छा है, क्या है ऐसा, क्योंकि देखो कितना प्यार से हाथ हिला रहा है, बोलोगे बहुत बदमाश है और ये कैसा आदमी है. तो बेटा ये है ऑटोक्रेट, टायरेंट, डिक्टेटर, ये डिस्पॉट है ना, डिस्पॉट है, यानी यू रियली अबहोर सच टाइप ऑफ टायरेंट. आई डिटेस्ट किम जोंग, यही बोलोगे ना कि आई डिटेस्ट हिम, ही इज अ टायरेंट, ही इज अ डिस्पॉट, बोल रहा है बहुत बुरा, ये लिख रहा है मस्त बंदा, ही इज वेरी डेंजरस. तो क्या कहोगे, ही इज अ डिस्पॉट. बेटा तानाशाही को कहते हैं हम, अगर आप तानाशाही की बात करोगे, तानाशाही की बात करोगे तो हम डिक्टेटरशिप को डेस्पोटिज्म भी कहते हैं. तानाशाही यानी रूल्ड बाय अ डिक्टेटर इज डिक्टेटरशिप,
या डिस्पोटिज्म, डिक्टेटरशिप या डिस्पोटिज्म क्या है? तानाशाही। ध्यान से देखिए, सो ऐसे व्यक्ति को आप क्या कहोगे? डिस्पोट कहोगे। सच पर्सन इज कॉल्ड अ डिस्पोट। तो डिस्पोट से बना है वर्ड डिस्पोटिज्म, डिक्टेटरशिप, यानी कि जो टायरेंट होते हैं, जो यू रियली डिटेस्ट, डिस्पाइज, एबहोर, एबोमिनेट किम जोंग। व्हाई? बिकॉज ही इज अ डिस्पोट, ही इज अ टायरेंट, ही इज अ डिक्टेटर। और बेटा कैसे बना है ऑटोक्रैट, याद रखना। ऑटो का मतलब होता है बेटा स्वयं। जब व्यक्ति स्वयं रूल करने लगता है तो वो ऑटोक्रैट बन जाता है, जिसको हम ऑटोक्रेसी के अंदर लाते हैं। और टायरेंट तो होते हैं बिल्कुल खूंखार, खतरनाक लोग जो होते हैं ना, जो बहुत ही क्रूर लोग होते हैं, क्रूएल लोग, उसको हम टायरेंट कहते हैं। ऐसे लोग बहुत बर्बर होते हैं। क्या बोलोगे? ऐसे लोग बहुत बर्बर होते हैं। बर्बर को ही याद रखोगे ना बेटा, तो आपको बार्बेरिक याद रहेगा। बार्बेरिक बेटा, बार्बेरिक वर्ड बहुत बार आया हुआ है। ऐसे लोग बर्बर होते हैं, तो बर्बर बार्बेरिक, बर्बर बार्बेरिक, बर्बर बार्बेरिक। ठीक है, हो गया क्लियर? लिखा है गौरव कतई जहर इंसान है। ठीक है, सही है, राहुल तो उसको गाली दे रहा है। बेटा बात क्या है ना, कि ये ऐसा बंदा है कि कुत्तों के आगे इसने अपने चाचा को डाल दिया, तो आप समझ सकते हो कि वो कैसा आदमी होगा। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट आओ, जरा देखो वर्ड क्या है, किस तरह से इसका मुंह कैसे बना, देखो इसकी भौंहें देखो जरा। ऐसे भौंहें आप बनाते हो ना जब आप चिढ़े रहते हो तो, है ना? आप ऐसे ही भौंहें बनाते हो जब चिढ़े रहते हो तो, यानी डिसअप्रूव कर रहे हो, यार क्या बोल रहे हो, क्या बकवास है ये, तो क्या बोलूंगी मैं? व्हाई आर यू फ्राउनिंग? आप क्या कहें? अरे क्या बकवास है ये, है ना? देखो चेहरा का एक्सप्रेशन तो बोलेंगे व्हाई आर। एक लड़का कहता है बिमलेश छोटा है। सुनो ध्यान से, यस सुनो, ये क्या है, देखो इसका चेहरे का एक्सप्रेशन देखो। तो मैं बोलूंगी व्हाई आर यू फ्राउनिंग, बेटा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है, ध्यान से सुनना। टू मेक अ फेस इन एंगर, गुस्से में चेहरा बनाना, या जैसे मुंह बनाते हो आप डिसअप्रूवल में, इसका मतलब मुझे पसंद नहीं आ रहा, ये क्या बकवास है। यानी जब आप इस तरह का शक्ल बनाते हो, देन आप क्या कहोगे? सौरभ क्या हुआ बेटा, मैं किसी का मैसेज इग्नोर नहीं करती बेटा। ठीक है, अब एक बात बताओ, तुम मेरा कोई पुराना बॉयफ्रेंड हो जिसको मैं अवॉइड करूं? हाँ ओके, व्हाई डू यू इग्नोर माय मैसेज? हाँ, व्हाई यू इग्नोर नहीं, व्हाई डू यू इग्नोर, इंग्लिश भी तो सही लिखो। चलो, चार चार हार्ट भी बना रहा है बेचारा। चलो समझ में आया, फ्राउन का दैट मींस चेहरा बनाना चिढ़ से या गुस्से में। बताओ कोई प्रॉब्लम? यस, हो गया, यस, भौंहें सिकोड़ना, बहुत अच्छा। हिमांशु तुम लोग यहां गालियों की झाड़ी मत लगा दो किम जोंग को देखकर। चलो आगे बढ़ो, अब आगे बढ़ो। चलिए, ये हमारा बैच है इंटेलिजेंस ब्यूरो का, याद रखना बेटा। ऐसे बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, बहुत सटीक इंफॉर्मेशन मैं दे देती हूँ, और कुछ कुछ ऐसे वैकेंसीज होते हैं जिसके बारे में आपको पता भी नहीं चलता, वो इंफॉर्मेशन भी आपको दे देती हूँ। सब लड़कों ने इसकी खिंचाई कर दी। चलिए आज इसको अपने दिमाग में डालो। डाल लिया? हाँ, समझ में आया? सुनो ध्यान से बेटा, अगर मैं ये कहूँ कि पता है आपको, पता है मुझे, मैंने बार देखो बहुत, सब लड़कों ने इसकी खिंचाई कर दी। चलिए आ जाइए नेक्स्ट में, ये देखो जरा जरा एक बार इसको देखो, जल्दी से एक बार देखो, बहुत अच्छे से एक बार इसको अपने दिमाग में डालो। डाल लिया? हाँ, समझ में आया? सुनो ध्यान से बेटा, अगर मैं ये कहूं कि पता है आपको, पता है मुझे, मैंने प्रैक्टिस क्यों छोड़ दिया लॉ का, मैं LLB ग्रेजुएट हूं फ्रॉम, कौन सा जानते हो, जो सबसे बेस्ट कॉलेज है वो है कैंपस लॉ सेंटर दिल्ली यूनिवर्सिटी, वहां से मैं LLB ग्रेजुएट हूं। लेकिन पता है मैंने क्यों छोड़ दिया? क्योंकि मुझे बहुत अजीब सी फीलिंग आती थी। एक, जब मैं अपने किसी क्लाइंट से मिलती थी तो वो चाहे जो बोलते, मुझे एक वाइब्रेशन आ जाता था उसका, नेगेटिव ऑरा का, उसका नेगेटिव ऑरा का वाइब्रेशन आ जाता था। एक बार ऐसे ही हुआ कि मेरे सीनियर के भाई साहब का केस था, तो मेरे सीनियर ने कहा कि देखो नीतू, इसको बहुत सीरियसली लेना है, और इनको, इनकी दो बेटियां हैं, ये बेचारे परेशान हैं, इनको घर से निकाल दिया जा रहा है। तो आपको नहीं पता मैं कितना जाके एकदम होता ना, तन मन से एकदम, जो मैंने आर्गुमेंट किया था उसके बाद सबने कहा था कि सही में एक बिल्कुल फ्रेश लड़की, मतलब जो अभी किसी ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, उतना अच्छा आर्गुमेंट कर रही है। बाद में मुझे पता चला कि वो जो आदमी थे जिसके लिए मैं इतना जाके मैंने लड़ा था, मैं लड़ी थी वहां पे जज के सामने, आर्गुमेंट किया था, पता चला कि वो आदमी का यही काम था कि घर में जाके फिर हथियार लेना और फिर पैसे लेकर मकान खाली करना, उनका यही काम था। तो एक मुझे हमेशा एक फीलिंग आती थी लोगों से एक ऑरा की, और मुझे कोर्ट में जब भी मैं जाती थी मुझे बहुत घबराहट सी होती थी, मुझे ऐसा लगता था ना जैसे चारों तरफ एक नेगेटिव ऑरा है, क्योंकि वहां पे क्या है, वैसे ही चोर चक्के, है ना, सब वैसे ही लोग आते हैं। आप जज के संपर्क में तो नहीं रहते हो ना, आप कैसे लोगों के संपर्क में रहते हो, सारे क्रिमिनल्स वैसे ही ऑफेंडर्स के संपर्क में। तो एक नेगेटिव ऑरा की फीलिंग आती थी। पॉजिटिव ऑरा की फीलिंग आपको तब आती है जब आप अच्छे लोगों के साथ रहते हैं। व्हाट इज ऑरा बेटा? वो ऑरा दिखता नहीं है, वो एक आभा होता है जिसको वाइब्स कहते हैं, है ना, जिसको वाइब्स कहते हैं, जिसको वाइब्रेशन कहते हैं। जब आप खड़े होते हो ना तो कुछ लोग बहुत खुश होंगे आपके साथ, क्यों? क्योंकि वो पॉजिटिविटी की फीलिंग आती है। सो द पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी जो आप एक्ज्यूड करते हो, यानी जो आप अपने शरीर से, अपने मन से छोड़ते हो ना, जो दिखता नहीं है, दैट इज कॉल्ड ऑरा। सो ऐसा ही ऑरा जो बहुत
महान लोग होते थे उनको चारों तरफ से एक रोशनी की तरह दूर से एहसास होता था लोगों को जब उसके पास जाते थे। इसीलिए आप बुद्ध हो या जैन हो, है ना, महावीर हो, आप बुद्ध और महावीर का पिक में भी आप देखोगे एक ऑरा, और आप कई बार विष्णु का भी देखोगे एक ऑरा, कृष्ण का ऑरा देखोगे। सो व्हाट इज दैट ऑरा? दैट इज द वाइब, द डिस्टिंक्ट क्वालिटी दैट सीम्स टू सीम्स, मतलब आप एहसास होता है बेटा, है ना, सराउंड अ कम फ्रॉम समवन और समथिंग, दैट इज ऑरा, है ना, द लाइट दैट कम्स आउट फ्रॉम अ पर्सनालिटी दैट फील्स दैट यू फील दैट यू फील, इसका मतलब तेज होता है, जिसको हम हिंदी में तेज प्रकाश कहते हैं, इंग्लिश में वाइब्स वाइब्रेशन ऑरा कहते हैं। देखो समझ में आ गया, क्लियर? नेक्स्ट आओ जरा, इस मछली को क्या किया पता, मछली है ना, क्या खाया उसने, उसने बेट खाया है। देखो ये बेट है, इसीलिए कई बार बेट का जो एक्चुअल मीनिंग है वो तो समझ लो क्या है, एक्चुअल मीनिंग है अ पीस ऑफ फूड जो हुक में फंसाया जाता है, और जैसे मछली उसको खाती है फूड को, हुक उसके गले में फंस जाता है या फिर ट्रैप में जो यानी कि जाल में फंसाया जाता है, इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट एंड कैच फिश और एनिमल्स। याद रखना, इसको कहते हैं चारा नहीं तो चुग्गा, ठीक है, इसको बेट कहते हैं। लेकिन बेटा बेट का एक और मीनिंग होता है, वो ध्यान रखना, पुलिस भी कई बार ऐसे ही चारा फेंकती है और क्रिमिनल समझ नहीं पाता कि अच्छा ये हमें फंसाने के लिए किया जा रहा है, इसीलिए क्या होता है, क्रिमिनल को एहसास नहीं होता है और वो फंस जाता है। ऐसे कंडीशन में ये जो बेट है, इसका मतलब जो व्यक्ति, जो सामान, जो चीज है ना, कभी कभी ऐसा होता है कोई चीज ऐसा फेंका जाता है कि लगता है इतना कम रेट में और इतना बढ़िया चीज मिल रहा है, चलो खरीद ले, पता चलता है वहां गया क्रिमिनल और फंस गया। इसीलिए याद रखना, इसका एक और सिनोनिम है, दैट इज नेयर, ठीक है, क्लियर? बोलो कोई प्रॉब्लम? यस, बेट का मतलब बेटा यही होता है कि कोई भी चीज जो चारा फेंकते हैं किसी को फंसाने के लिए, चाहे वो किसी भी चीज को, ठीक है। इसको मैंने कहा कि डाकू हो या कोई क्रिमिनल हो जिसके लिए बेटा चारा, वो लालू से रिलेटेड नहीं है, यहां पे हो गया चुग्गा जिसको कहते हैं, यानी कोई चीज, ठीक है ना, फेंके, क्लियर? बता कोई प्रॉब्लम? बेट क्लियर, बहुत सारे क्रिमिनल्स के लिए ऐसे बेट डाला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आओ, ये देखो, देखो यार ध्यान से इसको, इसको बहुत ध्यान से आप एक बार देखो, उसको अपने दिमाग में डालने की कोशिश करो, ठीक है, इसको बहुत अच्छे से देखकर इसको अपने दिमाग में डालने की कोशिश करो। क्या है ये बेटा? ये बामी है। बामी व्हाट मींस? मींस व्हाट? वार्म, काम, प्लेजेंट, कंफर्टेबल, कोजी, यानी कि वार्म एंड कंफर्टेबल। देखो जरा, है ना बेटा, लड़कियां, लड़कियों का नाम मत लो, लड़कियां ऐसे सिर्फ तुमको घर में दिखेगी, ठीक है, ठंड के मौसम में शादियों में लड़कियों का नौटंकी देखो, एकदम उनको लगता है ठंडी नहीं लगती है, बस घर में लड़कियां ऐसे बैठे रहेगी ठंड के मौसम में, क्यों? यस, ट्रैप भी सही था बेटा, ट्रैप भी था वहां पे, ठीक है, क्यों? क्योंकि उन लोग बिल्कुल एक कोजी, कंफर्टेबल, वार्म, प्लेजेंट क्या एटमॉस्फेयर में बैठना चाहती है, दैट इज बामी, है ना। सो व्हाट इज बामी? इन माय बामी रूम, है ना, इसका मतलब हो गया वार्म, कंफर्टेबल, कोजी, ठीक है। देखो इसका सिनोनिम में चाहो तो आप कोजी लिख सकते हो, एक और किसी शीट में कोजी वर्ड भी है हमारा, ठीक है, वार्म एंड कंफर्टेबल इज कोजी, गर्म और आरामदायक सिनोनिम बामी का कोजी होगा। बताओ आशुतोष, हाँ हाँ मैं बता रही बेटा, पता नहीं ठंड के मौसम में मुझे ठंडी नहीं लगती यार, एकदम बिना बिना स्वेटर के, है ना। चलो क्लियर, नेक्स्ट आओ बेटा, आप लोग को रूट से मैं कराऊंगी, नेक्स्ट क्लास आपका रूट से होगा बेटा, मेरे साथ सर का रीजनिंग आएगा, और ये 22 जनवरी से मैंने कहा ना, मेरे साथ जो आ रहा है कॉम्बो 11, है ना, उसमें बैच नंबर 6 जो है वो है मोहित सर का, देखिए, ठीक है, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, और आज वो भी है हमारे साथ इसी मैराथन में। चलिए देखो जरा, नेक्स्ट आओ, मेरा जयपुर का बस प्लान तो बन चुका है, आप जरा एडमिशन्स वगैरह के बाद हम लोग एक होस्टल वगैरह आप लोग का देख लेंगे बेटा। ऑफलाइन पटना में खुल गया अशोक राजपथ में। देखो जरा, ब्लाइंड और फोल्डेड, कोई भी चीज जब फोल्ड करके बांधा जाता है ना तो वो फोल्डेड रहता है ना, फोल्ड करके, एंड ब्लाइंड मतलब क्या हुआ, अंधा, यानी कि अगर ये कहूं मैं, ही वॉज टेकन टू सम अननोन प्लेस ब्लाइंड फोल्डेड, क्या कहा मैंने, द कैप्टिव यानी कि जो होस्टेज था, यानी जिसको किडनैप कर लिया गया था, द होस्टेज वॉज टेकन टू कैसा जगह, एन अननोन प्लेस, क्यों अननोन, क्योंकि मैं ये कह रही हूं द होस्टेज यानी जिसको किडनैप किया गया था वॉज टेकन टू एन अननोन प्लेस ब्लाइंड फोल्डेड, इसका मतलब है आंख पे पट्टी बांध के। अब जब आंख पे पट्टी बांध दिया तो कुछ दिखेगा नहीं, तभी तो मैंने कहा अननोन प्लेस, कहां ले गया पता नहीं चला उसको, है ना। सो ब्लाइंड फोल्डेड होता है बेटा, विद द आईज कवर्ड बाय अ पीस ऑफ क्लॉथ, With the eyes covered by a piece of cloth is blindfolded. देखो जरा ध्यान से, ठीक है, yes, गांधारी पूरी लाइफ blindfolded रही थी, है ना, और उसके बाद उसमें इतना तेज आ गया था कि उसने कहा था किससे, दुर्योधन से, कि मेरे सामने आ जाना सुबह नहा के बिल्कुल नंगा, और उसके बाद मैं तुम्हें देखूंगी तो तुम व्रज के हो जाओगे। लेकिन कृष्ण बहुत मायावी थे, उसने ऐसा पाठ पढ़ाया इसको कि उसने क्या किया, सोचा कि इतने बड़े होके तुम माँ के सामने नंगा जाओगे, उसने सोचा चलो कोई बात नहीं थोड़ा सा ढक लेते, है ना, बस वही जंघा तो चाहिए था भीम को तोड़ने के लिए, और वही पोर्शन उसका
नहीं व्रज का हुआ, बाकी पूरा शरीर उसका व्रज का हो गया था, है ना, क्लियर, समझ में आ रहा है। सो शी रिमेन ब्लाइंड फोल्डेड थ्रू आउट हर लाइफ आफ्टर मैरिज। देखो बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक, क्लियर, लो हट जाओ मैं, ओके सामने खड़ी मत हो मैम, यार मैंने बनाया मुझे भगा दोगे तुम लोग, चलो सौरभ थोड़ा सा रुको बेटा, जब मैं आऊंगी आने से पहले मैं आपको अनाउंस कर दूंगी। जैसे मैं गई थी इंदौर, मैंने इसलिए अनाउंस करके नहीं गई क्योंकि इंदौर में गई थी एक्जैक्टली जगह वगैरह देखने के लिए, तो पूरा दिन वही समय लग गया था और अभी भी मेरे तीन लोग इंदौर में बैठे हुए हैं वहां पे सारा इंतजाम करने के लिए, जो मेरी अपनी टीम है बेटा, जो बिल्कुल कोर टीम है, बस उन्हीं को इस बार रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया मैंने, कोई बाहरी को नहीं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं जानती हूं ऐसे लोगों के साथ मैं काम अब करूंगी जो विश्वसनीय हो। तभी मैंने कहा पटना मेरी अपनी सिस्टर माया चौधरी गई है, देहरादून में दो लोग हैं, एक मेरी सिस्टर है छाया कौशिक और दूसरा राहुल चौकियाल जो बहुत ईमानदार और बहुत मेहनती व्यक्ति है। बनारस में मेरी अपनी सिस्टर बैठी हुई है मीना शुक्ला, ठीक है, उसके बाद मैं अब इंदौर जो मैंने भेजा है बिल्कुल जिसको कह सकती हूँ मेरा बिल्कुल दाहिना हाथ, मैंने उसको भेजा है, ठीक है। केडी लाइव मेरे अपने लोगों के पास है, बहुत अच्छी टीम है अभिषेक के पास। केडी पब्लिकेशन जबरदस्त काम चल रहा है अभिनव सिंह से, अभिषेक सिंह है केडी लाइव में और अभिनव है केडी पब्लिकेशन में। तो बेटा बिल्कुल एक कोर टीम हमने बना रखा है और इस बार कोरोना काल के बाद हम लोग का जो वर्किंग स्टाइल होगा बिल्कुल डिफरेंट होगा। मैं डायरेक्ट आपके कॉन्टेक्ट में रहूंगी, क्लास भी लूंगी और डायरेक्ट आपके साथ संपर्क में रहूंगी। पर वीक मेरा कोई ना कोई एक सेंटर पर जरूर मेरा विजिट चलेगा ताकि आपको कभी कोई प्रॉब्लम हो डायरेक्ट आप उससे बात कर सको। चलिए नेक्स्ट आओ, देखो जरा ध्यान से, आप लोग देखते हो मिस्टर बीन्स को, देखते हो यार ये एकदम इतना बढ़िया एक्टर है कि बिना कुछ बोले बहुत कुछ बोल देता है। जरा देखो तो इसके गर्लफ्रेंड है, पागल सी गर्लफ्रेंड है इसकी, चश्मा लगा के बहुत ही मूर्ख टाइप की गर्लफ्रेंड है और ये भी टोटली मूर्ख है, दोनों मूर्ख है, ठीक है। जरा देखो तो, देखो देखो जरा ध्यान से, नहीं बेटा बात क्या है, मेरा बहुत बहुत बढ़िया टीम है, बहुत बढ़िया टीम है सिर्फ इसीलिए क्योंकि अब मैं चाह रही हूं कि जितने टीचर्स काम करें सब टीचर्स ईमानदार हो, बच्चों को बीच में छोड़ के भागने वाले टीचर्स की अब नो एंट्री है और मैं सारे टीचर्स के साथ खुद संपर्क में हूं ताकि किसी को कोई भी बच्चा को शिकायत का मौका न रहे। चलिए देख लिया, क्या देखा आपने, आपने देखा बोथ ऑफ देम वर पेट्रीफाइड, बोथ ऑफ देम वर टेरिफाइड, बोथ ऑफ देम वर वेरी फ्राइटेन, एक्सट्रीमली फ्राइटेन। जरा ध्यान से देखो तो दोनों बहुत बुरी तरह से डरे हुए, जानते हुए एक मूवी देखने के लिए दोनों गए थे तो दोनों वो पिक्चर में देख देख के खूब डरे हैं, क्यों जरा देखो उन लोग का चेहरा है ना, वाइल वॉचिंग द मूवी द हॉरर मूवी दे वर पेट्रीफाइड दे वर टेरिफाइड दे वर फ्राइटेन्ड। सिनोनिम बताओ तो, कोई और एक आध और सिनोनिम बताओ तो, जल्दी से सिनोनिम बताओ तो। नहीं बेटा मैं बहुत लिमिटेड जगह पे आऊंगी, हॉरिफाइड वेरी गुड, और कोई, और कोई सिनोनिम हॉरिफाइड और टेरिफाइड हॉरिफाइड, और जल्दी बताओ जल्दी जल्दी, अफ्रेड तो बहुत आसान है बेटा, टेरिफाइड हॉरिफाइड और नहीं नहीं वियर तो विचित्र होता है बेटा, यस मिस्टर बीन है ये, हाँ फ्राइटेंड आसान बता रहे तुम लोग, बस एग्यास्ट हाँ ये भी चलेगा, बिल्कुल सही कह रहे हो है ना, इसलिए इसको कह सकते हैं हॉरिफाइड। एग्यास्ट का मतलब स्टंड हो जाता है, ठीक है ना, शॉक। एडी बेटा भूतिया हो जाता है, ठीक है, फियरफुल स्केर्ड, यस स्केर्ड, यस फ्राइटेंड वेरी गुड, ठीक है चल बहुत अच्छा। नहीं ऑफुल तो बहुत गंदा होता है बेटा, एंग्जाइटी का मतलब चिंता हो जाता है, तो बिल्कुल एग्जैक्ट मुझे चाहिए था जो मुझे बच्चों ने दे दिया, दैट इज स्केयर्ड अफ्रेड फियरफुल फ्राइटेंड एंड टेरिफाइड और पेट्रीफाइड, तो यहां दिया हुआ ही था, ठीक है सिनोनिम स्क्रीनशॉट मार लो, क्लियर हो गया। नहीं बेटा एस्टाउंडेड तो हो जाता है, बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाना, हो गया। नेक्स्ट आओ बेटा, ये जीएस स्पेशल अगेन कॉम्बो 11 के साथ आ रहा है, कॉम्बो 11 और बैच 11 जीएस स्पेशल सेम कॉम्बो कहलाता है, इसीलिए आप सब ले लोगे तो ये तो फ्री हो जाएगा और क्लास कैन भी, इसमें एक फैसिलिटी जो है एक्स्ट्रा वो है कि क्लास ऑफलाइन भी आप वॉच कर सकते हो उसको डाउनलोड करके। बेटा धीरे धीरे हमारे ऐप और बेहतर होता जा रहा है, तो आप जैसे यूट्यूब में कोई भी आप कहीं पर नेट में रहते हो तो आप उसको क्या करते हो डाउनलोड करके रख लेते हो और फिर जब मेट्रो वगैरह में जा रहे होते हो तो उसको देखते जाते हो, वहां पर नेट नहीं रहता है तो भी, वैसे ही हमारा भी क्लास किसी भी जगह पर आप जाओगे जहां पर नेट चल रहा है क्लास डाउनलोड कर लो और फिर ऑफलाइन वॉच कर सकते हो हमारे ऐप पे, इसीलिए फिर आपको ये नहीं कहना पड़ेगा कि मैम यहां पे नेट नहीं चल रहा है मैं आपका क्लास वॉच नहीं कर सकता, है ना। तो जैसे कश्मीर वगैरह के बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती थी वो चीज अब खत्म हो जाएगी, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट, जरा देखो जरा नेक्स्ट पेज पे आओ और बताइए ये जल्दी, नेक्स्ट पेज देखो ध्यान से, दिमाग में इसको बिल्कुल डाल लो, क्या है ये बाफल्ड कंफ्यूज्ड, और मैंने बाफल्ड वर्ड नहीं दिया था वहां पे, याद करो क्या था, एडल्ड मडल्ड बीफडल्ड बैम्बूजल्ड पजल्ड, याद है बिविल्डर्ड, ये सब वर्ड मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था, एडल्ड मडल्ड बीफडल्ड पजल्ड बैम्बूजल्ड कंफ्यूज्ड और बैफल्ड। देखो कंफ्यूज्ड है बेचारा, इसकी शक्ल देखो टोटली कंफ्यूज्ड है, क्या हो रहा है, आई वॉज बैफल्ड आई डिड नॉट नो व्हाट वॉज गोइंग ऑन आई वॉज टोटली बैफल्ड, मुझे पता ही नहीं चल रहा था वहां हो क्या रहा है, आई वॉज टोटली बैफल्ड। बेटा कहीं से मेरा नोट्स या मेरी वोकैब कहीं से भी कॉपीड एंड पेस्टेड नहीं होती है, मेरे लोग बहुत सारे लोग कॉपी एंड पेस्ट करते हैं मेरे से, लेकिन मेरी किताबें या मेरे बुक्स इतने फेमस हो जाते हैं ना कि उसके बाद लोग
उसको करते भी हैं तो प्रॉब्लम में फंस जाते हैं. बेटा इसी का सिनोनिम है एट सी. देखो परप्लेक्स्ड, बहुत अच्छा, एट सी. जल्दी से जल्दी बताओ तो. और परप्लेक्स बी फडल तो करा दिया बेटा मैंने, बैम्बूजल भी करा दिया, बहुत अच्छा. आप लोग को याद है एडल मॉडल बी फडल, ये तो तीनों याद है आप लोग. और बताओ, और जल्दी से. हाँ रिडल कह सकते हो. एल्यूसिव तो होता है बेटा जो भागा रहता है, हमसे दूर रहता है ना. एट सी बिल्कुल, वो तो मैंने आपको जैसे क्या होता है ना, जब आप सी में जाते हो तो क्या होता है, आपको पता नहीं चलता है कौन सा डायरेक्शन है, खाली चारों तरफ पानी, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं. वही है एट सी, इन डिलेमा. यस कंफ्यूज, क्या करूं यार, मैं कॉलेज ज्वाइन करूं कि मैं फैशन इंडस्ट्री ज्वाइन कर लूं, आई एम इन डिलेमा. ठीक है ना, मेरे फादर कह रहे हैं इंजीनियरिंग, मेरी माँ कह रही है मेडिकल, क्या करूं मैं, आई एम इन डिलेमा. डिलेमा का मतलब नहीं बेटा ग्लूमी, मतलब उदास होता है. इसका मतलब होता है एट सी, बैफल्ड, इन डिलेमा, बैफल्ड, मडल, फडल, बी फडल हो गया है ना, एडल मडल बी फडल पजल, ये सब हो गया. हो गया बता कोई प्रॉब्लम. इन डिलेमा और एट सी नया वर्ड था अभी जो आपने हमें बताया, याद कराया, तो मैंने इसको लगा दिया इसमें. चलो फटाफट जल्दी से स्क्रीनशॉट मारो. ठीक है नेक्स्ट देखो, ये देखो कितना ताकतवर हमारा चूहा है ना. देखो जेरी कितना ताकतवर हो गया, ही सो ब्रॉनी है ना. देखो टॉम को कैसे उठा उठा के पटक रहा है. व्हाई? बिकॉज ही हैज लार्ज एंड स्ट्रॉन्ग मसल्स. आर जेरी इज नाउ ब्रॉनी है ना. इट इज नॉट अफ्रेड ऑफ टॉम एनी मोर बिकॉज ही हैज टर्न्ड ब्रॉनी. ब्रॉनी मतलब होता है जिसके अच्छे खासे मसल्स होते हैं और हैविंग लार्ज एंड स्ट्रॉन्ग मसल्स. देखो जब आप लोग जिम करते हो ऐसे बनने के लिए ना, ब्रॉनी चाहते हो लड़कियों के सामने ऐसे मैं उठा उठा के पटकूं सबको है ना. देखो जरा ध्यान से, ठीक है, जिसको रॉबस्ट कहोगे. यस मुझे सिनोनिम ही तो चाहिए था बेटा, रॉबस्ट. यस ठीक है, स्टाउट भी कह सकते हो उसको. स्टाउट जो होता है हट्टा कट्टा को हम स्टाउट कहते हैं, हट्टा कट्टा को स्टाउट कहते हैं. बर्ली, यस बली का याद कर दिया आप मेरे स्टूडेंट होना. ठीक है, जो बली होते हैं वो बर्ली होते हैं, जो बली होते हैं वो बर्ली होते हैं. यस खली जैसे बली है ना. देखो जरा ध्यान से, हमारा चूहा, हमारा जेरी इज नाउ ब्रॉनी, इज रॉबस्ट, स्टाउट एंड बर्ली, और इसीलिए नाउ इट इज नॉट अफ्रेड ऑफ टॉम. देखो हो गया रॉबस्ट. ठीक है, फिट एज ए फिडल का मतलब बेटा हेल्दी होता है, वो अच्छा होता है. मस्कुलर, यस वेरी गुड, मस्कुलर. देखो जल्दी से बेटा शेयर करो, क्यों, आप अगर सब्सक्राइब करते हो, शेयर करते हो, लाइक करते हो, तो आप आज जो क्लास लिए हो उसका पेमेंट मुझे मिल जाएगा. ठीक है, ये आपका पेमेंट होगा. और मैंने कहा इंडिया में ये परंपरा है कि आपको क्या देना पड़ेगा, गुरु दक्षिणा देना पड़ेगा. ठीक है, नहीं बेटा स्टबन का मतलब तो जिद्दी होता है, नहीं प्लंप नहीं, अमर प्लंप नहीं, प्लंप आने वाला है, रुको रुको. सो यहां पे क्या है, स्टाउट, बर्ली, मस्कुलर, रॉबस्ट एंड ब्रॉनी, इसका मतलब होता है बिल्कुल मजबूत. ठीक है देखो हो गया. नेक्स्ट बेटा हरियाणा पुलिस का बेटा बहुत बढ़िया बैच आया हुआ है, और हरियाणा पुलिस में बिल्कुल एग्जैक्टली सिलेबस के अनुसार एक एक चीज करवाएंगे, एकदम निश्चिंत रहो. ठीक है, इसीलिए हमारे कोई भी बैच शुरू होता है एग्जाम के बहुत पहले हम खत्म कर देते हैं, ताकि आप अच्छे से रिविजन भी कर सको. बेटा इसके बहुत सारे फ्री क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल पर भी चल रहा है. ठीक है नेक्स्ट आओ, देखो जरा अभी जो बारबेरिक बताया था, जरा देखो क्या कर रहा है अब. ये चूहे का बदला, चूहे से बदला टॉम ले रहा है. जेरी की अच्छी सी कुटाई हो रही है, उसके बम में देखो अच्छे से कुटाई हो रही है. ठीक है क्लियर, क्या है ये स्टडी, अनुपम से छूट गया बिल्कुल, नहीं बल्कि नहीं नीलेश, बल्कि नहीं. ठीक है देखो, ये देखो क्या है, ये है क्रूर. मैंने कहा था ना बर्बर से बारबरी की याद रखो, सावेज, क्रूएल, यानी कि इस तरह से पिटाई करता हुआ. अब मुझे बताओ रूथलेस. अभिषेक वेरी गुड, अभिषेक ने दे दिया पहला वर्ड, दैट इज रूथलेस, वेरी गुड. क्रूएल का रूथलेस, देखो ऐसे पिटाई जब आपकी होती है तो क्या होता है, ब्रूटल. तो आप कहोगे अपने फादर को, हाउ ब्रूटल यू आर, यानी कि तुम कितने क्रूर हो, है ना. फिंडिश, बहुत अच्छा फिंडिश, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा. ब्रूटल, रूथलेस, क्रूड, क्रूड बेटा थोड़ा सा जाहिल टाइप का हो जाता है. टायरेंट, इसको टायरेंट से रिलेट कर सकते हो आप. ठीक है टायरेंट से रिलेट कर सकते हो, वेरी गुड. बेटा एवेंट का मतलब तो बदला लेना होता है. मर्सिलेस, यस देखो सिनोनिम बच्चों का कितना बढ़िया सिनोनिम देते हैं. मर्सिलेस, क्रूएल का रूथलेस, मर्सिलेस, ब्रूटल, अनसिविलाइज्ड बेटा थोड़ा सा जाहिल हो जाता है, लेकिन ठीक है अनसिविलाइज्ड भी चलेगा. बेटा कैलस का मतलब होता है थोड़ा सा मतलब नहीं रखने वाला रवैया, जिससे को आप क्रूएल से रिलेट कर देते हो, अदरवाइज एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि एसएससी ने क्रूएल और कैलस सिनोनिम में आया है इसलिए आप लिख सकते हो, है ना. यस अनसिविलाइज्ड भी चलेगा यहाँ पे. रफियन बिल्कुल सही है, लेकिन रफियन चलेगा. ठीक है रफियन चलेगा, थोड़ा सा इसको इसमें मिटाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. चलो बोलो कोई प्रॉब्लम, जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो बेटा. एट्रोशियस, वेरी गुड वेरी गुड. एट्रोसिटी तो बेटा नाउन होता है ना, एट्रोशियस कह सकते हो, वेरी गुड. ये सारा है क्या, क्रूएल का है ना. अनटेंट मतलब पालतू जो नहीं होता, वो कोर्स मतलब खुरदुरा भी हो जाता है बेटा. फेरोशियस का मतलब होता है जो बहुत खूंखार होता है ना. यस बेटा आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो.
बार्बरिक, रूथलेस, ब्रूटल, फिंडिश, सावेज, अनसिविलाइज्ड. सावेज जो है ना वो सिनोनिम है अनसिविलाइज्ड का, ठीक है. रफियन, मर्सिलेस, कैलेस, एट्रोशियस, यानी कि सबका मतलब वेरी क्रूएल. बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा कर रहे हो तुम लोग. ब्रूटिश, ठीक है. अनडोमेस्टिकेटेड नहीं होगा बेटा, डोमेस्टिकेटेड होते हैं पालतू, तो जो वाइल्ड होते हैं ना वो अनडोमेस्टिकेटेड होते हैं. हार्टलेस, टॉडरी, मार्वलेस. चलो अब नेक्स्ट चले. जो तुम कह रहे थे ना वो ये वर्ड है बेटा, फैट एंड राउंड. देखो जरा पेट निकला हुआ बच्चे का, कितना खा पी लिया इसने और कितना मस्त और कितना खुश है अपना पेट को सहला के. ये क्या है? ये रॉटेंड है. अब बताओ इसका सिनोनिम क्या होगा रॉटेंड का. जल्दी जल्दी, विट्रियोलिक, ठीक है, हाई स्कूल, बहुत सही था वो भी था. अब जरा आ जाओ इसमें मोटा. देखो जरा ध्यान से, जल्दी से, मेरा टाइम खत्म हो रहा है, दूसरे टीचर इंतजार कर रहे हैं. रॉटेंड, जल्दी आ जाओ. रॉटेंड, रॉटेंड का मतलब मोटा. ओबीस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. ओबीस, जो जो सिनोनिम आपको मुझे देखकर महसूस हो सकता है लिख दो. नहीं बेटा, ग्लटन मतलब पेटू होता है. ग्लटन मतलब पेटू हो गया, ओबीस होगा. फैट एंड ओबीस ये है. ग्लटन मतलब पेटू होता है बेटा, ठीक है. और बताओ प्लम्प. यस, वही प्लम्प वर्ड वहां जो लिखे थे ना आप, वो यहां फिट होगा. यहां फिट होगा प्लम्प, क्योंकि यस चौबी भी कह सकते हो, चौबी भी चलेगा, जिसके चीक्स बिल्कुल फूले फूले हैं, है ना. कहोगे मैडम जैसे आपके, बट अब ये तो मेरे बचपन से थे, बचपन में बहुत पतली थी, तो भी यस अभिषेक लिख रहा है. गुलू बोलू, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है, ठीक है. राउंड, फैट, वेरी गुड, प्लम्प, चौबी, ठीक है. आप देखो ध्यान से, क्या रॉटेंड, ओबीस, प्लम्प, चर्बी चीक्स कहते हैं ना, चर्बी चीक्स. चर्बी चीक्स मतलब फूले फूले गाल, है ना, चर्बी चीक्स कहते हैं. इसलिए देखो चर्बी, फैट एंड राउंड इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है फूला हुआ, मोटा, ठीक है. रोली पॉली भी एक लिखा है, अनुष्का ने लिखा रोली पॉली, बिल्कुल सही अनुष्का. फ्लफी, बेटा फ्लफी का मतलब होता है ना, जैसे उसके फर बहुत फैले हुए लगते हैं तो फ्लफी होता है ना, वो हो जाता है. चर्बी, बल्जिंग, बल्जिंग भी लिख सकते हो, बिल्कुल ठीक है, ठीक है. चले आगे बढ़े बेटा, अब मेरा क्लास खत्म होने वाला है. होप मेरा शीट खत्म हो गया कि नहीं, देखे तो जरा, ये आखिरी है. ओके ये बेटा मेरे साथ इस बार जो आएगा मैथ स्पेशल 18 जनवरी को, वो है मेरे साथ अजय राणा. बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं और क्लास आप ऑफलाइन भी इनका वॉच कर सकते हो. आप क्लास को डाउनलोड करके इस बार बैच 11, मतलब हमारा कॉम्बो 11 से बेटा एक फैसिलिटी आ रहा है जिसमें आप बैच को डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, ठीक है. नेक्स्ट आओ टिप टो. जरा ध्यान से देखो तो कैसा है टिप टो. देखो जानते हो जब आप अपने टो के टिप पर चलते हो, टो का मतलब होता है बेटा पैर की उंगली. आपकी जो आवाज करता है ना वो करता है आपके हील्स खट 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 खट, है ना. तो जो पैर की उंगली होती है ना उसको हम टो कहते हैं. और उसके टिप पर, उसके ऊपर अगर चलते हो तो उसके ऊपर चलते हो तो आप टिप टो करते हो, यानी आप पैर की उंगलियों पर चलना वो टिप टो होता है. वॉक क्वाइटली एंड केयरफुली विथ वन्स हील्स रेज्ड, पैरों की उंगलियों पर चलना. देखो धीरे धीरे, जब रात में लेट आते हो ना घर तो ऐसे पैरों की उंगलियों पर चलते हो, यानी टू वॉक क्वाइटली, जिसका एक और वर्ड कह सकते हो स्नीक. वॉक क्वाइटली, चुपचाप से धीरे धीरे अंदर आते हो, इसका मतलब होता है टू स्नीक इन टू द हाउस. टिप टोड इसका मतलब चुपचाप से धीरे धीरे चलना ताकि किसी को पता ना चले. देखो कोई इश्यू बताओ, देख लिया स्नीक, सिनोनिम याद रखना इसका स्नीक है, ठीक है, क्लियर. बस हमारा ये लास्ट शीट था और हमने वो कैब दो खत्म कर लिया है. हमारे पास दो ऐसे वो कैब खत्म हो गए जो जीआईएफ के हैं. मैं कोशिश करूंगी नेक्स्ट बार आपके साथ आऊं तो मैं आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस लेके ऐसे आऊं जो आपको एकदम दिमाग में फिट कर दूंगी, सिर्फ उसी को विजुलाइज करके, ठीक है. ध्यान से सुनो बेटा, मेहनत करना पड़ेगा. मैंने कहा इस बार सीजीएल पार सैटरडे 12 से 12 हमने क्लास सर्विस रखा है कि आप बहुत अच्छे से आपको क्या करना है, तैयारी करनी है. और हम आपके साथ हैं, हमारी पूरी टीम आपके साथ है और मैं चाहती हूं आपका रिजल्ट आए. बस खाली मेरा बस एक ही स्वार्थ है, मैं चाहती हूं मैं जहां जाऊं, चाहे पुलिस स्टेशन हो या टैक्स डिपार्टमेंट, भगवान ना करे यहां जाना पड़े, लेकिन मेरी किस्मत ऐसी है कि जाना पड़ता ही है ना. कि कुछ लोग होते हैं ऊपर से लिखवा के आते हैं अपने लाइफ में, बिल्कुल जिसको कहते हैं ना करंट, तो वो मैं लिखवा के आई हूं. इसीलिए कहीं भी जाऊं तो मुझे मेरे बच्चे दिखे और मेरे स्टूडेंट्स जब दिखते हैं ना बेटा तो मुझे सच कहें तो मेरा फक्र से मेरा एकदम सीना फूल जाता है. किसी ने मेरे ऊपर, पता है, हमारे ही एक किसी स्टाफ ने जाके वहां कंप्लेन कर दिया पानीपत में, ठीक है, तो मुझे जाना पड़ गया क्योंकि उसमें कोई प्रॉब्लम था जिसमें था कि नहीं एक बार मैडम को बुला लीजिए, तो मुझे जाना पड़ गया. तो जब मैं एंटर किया मैंने, तो जाके मैं बैठ गई जहां पे जो आयो था, तो थोड़ी देर में खबर आई कि एसएचओ साहब आपसे मिलना चाहते हैं. तो मैं गई तो मैं उसको देख रही, वो मुझे देख रहा है, फिर मुझसे कहा मैडम पहचाना, मैंने कहा नहीं. जस्ट इमेजिन करो मेरा स्टूडेंट एसएचओ बन चुका है वहां पे. और वो 2010 के समय में एक वैकेंसी आया था हरियाणा में और उस वैकेंसी को उसने फिल किया था और वो आज वहां पे एसएचओ है. तो मतलब क्या वैकेंसी आता है, कब आता है, किसी को, बहुत लोगों को, इनफैक्ट मैं बता सकती हूँ आप लोगों को पता भी नहीं चलता. और इतने अच्छे अच्छे वैकेंसीज आप मिस कर जाते हो जस्ट बिकॉज ऑफ वन रीजन, कि आप इग्नोरेंट हो. और हर जगह पे, मतलब मुझे जब मेरे स्टूडेंट्स दिखते हैं बहुत बढ़िया लगता है. मतलब आप यहाँ दिल्ली में कहीं भी चले जाओ, हर पुलिस स्टेशन में
मुझे एटलीस्ट मेरी किताब तो जरूर पढ़े होते हैं, और नहीं तो मुझसे क्लास लिए होते हैं, और शायद ये ऑनलाइन तो मुझे और फेमस बना देगा कि मैं किसी भी स्टेट में किसी भी सिटी में जाऊं। मेरा बस एक ही स्वार्थ है, मैं वहां के पुलिस स्टेशन में, वहां के टैक्स डिपार्टमेंट में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, जीएसटी में, एक्साइज में, हर जगह मैं आप लोगों को देखना चाहती हूं, क्योंकि मेरे जिंदगी का ही मकसद रह गया बस कि मेरे जो बच्चे हो, मेरे जो स्टूडेंट्स हो, वो टॉप मोस्ट पोजीशन पे हो। मैं कह सकूं फख्र से, हां मैंने पैदा होकर कोई गलती नहीं की। चलिए खुश रहिए, पहले तो सबसे पहले खुश रहना सीखो बेटा। आप खुद देखते हो मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स, लेकिन मैं बहुत खुश हूं। द रीजन इज लाइफ बहुत मुश्किल से मिलती है, इसको आपने जो कर लिया सो कर लिया, अब आगे के लिए क्या करना है, आगे के लिए इसको संजो के एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाना है बेटा। किसी से ज्यादा पंगा मत लो, क्योंकि आप जो नेगेटिव काम करते हो ना उसमें बहुत एनर्जी वेस्ट होता है, और आपका बहुत बुरा जो होता है ना परफॉर्मेंस होता है। क्योंकि मैं एक चीज जानती थी, मुझे भी कोई बर्बाद करना चाहता था, लेकिन मैं जानती थी कि मैं बर्बाद हूं चाहे नहीं हूं इसकी तो गारंटी नहीं है, किसी ने बर्बाद करने की कोशिश की तो। लेकिन जो बर्बाद करने की कोशिश करता है बेटा, वो श्योर बर्बाद होता है, क्योंकि What goes around comes around। Negative energy मत निकालो, negative energy जो वापस आता है ना, कहते हैं if you sow the wind you will reap the whirlwind। यानी अगर आप पवन, हवा को, हवा जो चलती हुई हवा है उसको बोगे तो जो तूफान है उसको काटोगे। यानी जो गलत काम करोगे ना वो कई गुना मल्टीप्लाई होकर आपके पास वापस आता है। हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में काम करो, इसलिए पॉजिटिव चीज अगर whirlwind की तरह बड़ा होकर वापस आएगा तो और बड़ा चीज आएगा आपके पास। ऑलवेज डू गुड टू अदर्स एंड रिमेंबर स्टे हैप्पी, कोई और चारा नहीं है लाइफ में, ठीक है। गॉड ब्लेस यू। बस मेरे तुरंत बात कौन आ रहे हैं तो करेक्ट कर दीजिए उनको, ठीक है। बस रुकिए, आप तुरंत वो कनेक्ट हो रहे हैं मेरे साथ ही, वो कनेक्ट हो रहे हैं। बस अब क्या होगा, हो गया बेटा, थोड़ा नेट इश्यू आ गया था, जरा एक बार चेक करिए सब कुछ ठीक है ना, जरा एक बार चेक कर लो, ठीक है बेटा। केडी लाइफ के साथ एक थोड़ा सा इश्यू है कि जैसे मैंने टेस्ट पेपर्स कहा मैं फ्री में दूंगी, तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई हम तो सेल करने वाले थे, तो वो टेस्ट पेपर भी शायद जल्दी ही हाइड कर दे। अब उन लोगों ने एक बैच प्लान किया वो कैप का, तो मैंने कहा ना मैं फ्री में पढ़ाऊंगी। इस मामले में वो लोग बहुत स्ट्रिक्ट हो गए, उनका कहना है कि आप जब क्लास लेंगे उसके तुरंत बाद हम क्लास हाइड कर देंगे, बिकॉज दैट इज फॉर केडी लाइव सेल, ठीक है। तो इसलिए बेटा थोड़ा सा ध्यान रखना, बहुत बढ़िया क्लास लेंगे, क्लास के तुरंत आप जो है आपका प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लो केडी लाइव। इसमें तुरंत क्लास के बाद मैं ऊपर रूप से मैं क्लास में कराती हूं, बहुत अच्छे से करा देंगे, सुनो ध्यान से। कुछ चीजें होती है जो बिल्कुल माइंड में फिट हो जाना चाहिए, इसीलिए माइंड में आप फिट करने के लिए शुरुआत करिए इसको जीआईएफ से सबसे पहले। और मैं आपको सबसे पहले चाहूंगी कि आप इस तरह से शुरुआत करो। आइए सबसे पहले मैं आपको 11th नंबर पेज से करा रही हूं, और आपको बहुत अच्छे से सारा सब कुछ कराऊंगी, ध्यान से सुनना बेटा। जब आप किसी के लिए बिल्कुल ललायत होते हो, काश मैं उससे मिल लूं, काश मैं अपने परिवार के साथ होता, काश मैं अपने वाइफ के साथ होता, मैं अभी काश अपने बेटे के साथ होता, दैट मींस यू यर्न फॉर हिज कंपनी, यू यर्न टू बी विथ हिम, यू यर्न टू बी विथ हर। रिमेंबर, देखो जिस तरह से मैंने क्या दिखाया आपको, ये बिल्ली अपने वाइफ के साथ कितने कोजी तरीके से ये लोग आपस में प्यार कर रहे हैं, उस चीज को सोच के ये कितना दुखी हो रहा है, वो फीलिंग जब आप में आए ना बेटा तो आप यर्न करते। दिस इज वर्ब टू डिजायर ईगरली अलोंग विथ रेस्टलेस, रेस्टलेस मतलब होता है बेचैनी या पेनफुल फीलिंग, आपको दर्द का भी एहसास हो रहा है, आप दुखी हो रहे हो। लॉन्ग फॉर, सिनोनिम याद रखना, He longed for his family. इसका मतलब क्या है? He longed for his wife. इसका मतलब आप उसके लिए लालायित हो। कभी कभी होता है ना जब आप डाइटिंग करते हो या कभी अच्छा खाना नहीं मिलता या आप हॉस्टल में रहते हो, देन यू क्रेव फॉर योर होम मेड फूड, यू क्रेव फॉर योर फूड। क्रेव का मतलब क्या होता है? टू डिजायर ईगरली, टू डिजायर अ लॉट, दैट इज टू यर्न। देखो वर्ब है ये, और आप इसको फीलिंग बना के देख लो कि किस तरह से ये अपने गर्लफ्रेंड हो या इसकी वाइफ हो, जो भी हो, उसके लिए किस तरह से दुखी हो रहा है। क्लियर? So when you yearn, verb है ये, you yearn for your family, for your friend, for your girlfriend, for your lover, for your husband, for your son, for your daughter, इसका मतलब है बहुत restless, painful feeling के साथ you long for him, you crave to be with your family, you desire to be with your family, आपकी बहुत तीव्र इच्छा होती है एक दुख या तकलीफ के साथ, that is yearn। बताओ कोई problem, मुझे जरा comments दिखाओ, समझ में आ रहा बेटा? जल्दी से जल्दी आप लोग share करिए फटाफट, ठीक है। आ जा, next आओ, देखो जरा ध्यान से, मैंने कहा तुमने चोरी की है, मैंने कहा तुमने मेरी घड़ी चोरी की है, तो अगले ने क्या कहा? मैंने नहीं की है। अगले ने कहा मैंने नहीं की है। अगले ने कहा कि बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल झूठ बात है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ऐसे कंडीशन में
इस तरह से जब आप रिबट करते हो, रिफ्यूज करते हो किसी बात की सच्चाई से खंडन करना, अच्छा किसी बात की सच्चाई से खंडन करना, दैट इज रिबट और रिफ्यूज। बता कोई प्रॉब्लम, मेरा सब पीडीएफ मिल जाएगा आपको, मैंने कह दिया एक ही बार में, केडी लाइव आप डाउनलोड कर लो, थोड़ी देर में आपको ये पीडीएफ भी मैं लोड कर दूंगी, ठीक है, शेयर करते रहो बस, इतना खाली आपसे रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट नहीं बिल्कुल, मैं कहूंगी ये तो आपका क्या है गुरुदक्षिणा, वो देते रहो, ठीक है। कम ऑन, रिबट और रिफ्यूज ध्यान से सुनना, दो तीन चीजें होती है, पहले सुनो समझो ध्यान से, मैंने कहा प्लीज मुझे हेल्प कर दो, प्लीज मुझे हेल्प कर दो, आपने कहा नहीं कर सकता, आपने रिफ्यूज कर दिया, आपने क्या किया रिफ्यूज कर दिया, मैंने कहा चाय पी लो, आप कहोगे ना मन नहीं, आपने डिक्लाइन कर दिया, ध्यान से सुनना, डिक्लाइन का मतलब होता है बेटा अस्वीकार करना, रिफ्यूज का मतलब होता है मना कर देना। मैंने कहा तुमने चोरी की हो, तुमने चोरी की है, मेरे घड़ी को तुमने चुराया है, आप कहोगे बिल्कुल गलत बात है, आपने डिनाइड कर दिया। लेकिन जब हम कोर्ट चले जाते हैं आपके खिलाफ, तब आप वहां सबूत के साथ आप क्या करते हो, आप रिबट करते हो, रिफ्यूज करते हो, रिबट रिफ्यूज, जब आप खंडन करते हो बिल्कुल साफ साफ इनकार करते हो मैंने नहीं किया है, आप रिबट और रिफ्यूज करते हो। देखो ध्यान से, कोई इश्यू, ठीक है, देख लो, क्लियर, नेक्स्ट आओ, आ जाइए, शक्ल देखो इसकी, इसकी शक्ल देखो, और आपको महसूस होगा कि कितना ये सॉरी फील कर रही है ना, जब आप सॉरी फील करते हो बेटा ध्यान से सुनना, व्हेन यू फील सॉरी यू आर रिमोर्सफुल, यू आर कॉन्ट्राइट, यू आर रिपेंटेंट, रिपेंट का मतलब होता है पछताना, तो रिपेंटेंट इज एडजेक्टिव पछताने का, है ना, यू आर रूफुल, आप जब रूफुल होते हो तो यू आर फुल ऑफ अपॉलॉजी, यू आर फुल ऑफ रिपेंटेंस, यानी आप बहुत ज्यादा ही माफी मांगने के मूड में हो, क्योंकि आपको लग रहा है आपने गलती कर दी है, ठीक है। देखो ये एडजेक्टिव है, अपॉलोजेटिक, रिग्रेटफुल, जरा देखो यहां ध्यान से उसके साथ फिट करो, ध्यान से देखो और उसके साथ फिट करो, ठीक है, जल्दी फटाफट शेयर करिए, ये पीडीएफ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए ताकि आप समझो। और याद रखना बेटा, ये देखो रिग्रेट से बना है, रिग्रेटफुल, एफ यू एल एफ यू डबल एल, किसी के साथ चिपक जाता है ना तो एफ यू एल हो जाता है, ठीक है ना। और ये है क्या, देखो ये एग्जाम में आया था, he was feeling contrite, contrite का मीनिंग पूछा था, और contrite के synonym में rueful आया था, rueful synonym में आया था, बच्चे को ना contrite का मीनिंग पता ना rueful का मीनिंग पता, तो फिर क्या लिखेगा, ठीक है, remorseful, repentant और apologetic, तो बहुत सारे छोटे एग्जाम्स में बहुत बार आ चुका है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट आओ, ट्रिस्ट, बहुत बढ़िया और बहुत मजेदार शब्द है, शायद इसके बाद आप इसका इस्तेमाल करोगे, जरा इसको पहले देखो और फिर आपको समझाते, ठीक है, जरा देखो इसको और उसके बाद आपको मैं अच्छे से समझाती हूँ इसको, सुनिए, ट्रिस्ट का मतलब, जो आप छुप छुपा के मिलने जाते हो अपने इससे, गर्लफ्रेंड से, अपने किसी लवर से, तो उसको हम ट्रिस्ट कहते हैं। ट्रिस्ट याद रखना बेटा, ये वर्ड बहुत फेमस हुआ था जब नेहरू जी ने इंडिपेंडेंस डे, जो हमें इंडिपेंडेंस मिला था, है ना, उसके एक रात पहले, रात को जिसको कह सकते हैं, रात को 14 अगस्त के रात को 12 बजे उन्होंने एक भाषण दिया था पार्लियामेंट में, और उसमें कहा था ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, डेस्टिनी का मतलब होता है किस्मत, और ट्रिस्ट का मतलब क्या हुआ, लवर से मुलाकात, यानी सब भारतीयों का अपनी किस्मत से मुलाकात को उन्होंने ऐसा ट्रिस्ट नाम दिया था, क्योंकि ट्रिस्ट के लिए लोग तरसते हैं और उनको अच्छा लगता है इस वर्ड को, बहुत फेमस वर्ड है ये। ट्रिस्ट का मतलब होता है जब आप अपने लवर से सीक्रेट मीटिंग करते हो ना, उसको ट्रिस्ट कहते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आया हुआ शब्द है, अ मीटिंग विद लवर, अ सीक्रेट मीटिंग विद लवर इज कॉल्ड ट्रिस्ट। देखो मैंने दिखा दिया है, इन लव और दोनों एक दूसरे के साथ लेटे हुए बात कर रहे हैं, है ना, तो रिमेंबर ट्रिस्ट मीन्स अ सीक्रेट मीटिंग विद लवर। उन्होंने ट्रिस्ट विद डेस्टिनी कहा था, इसका मतलब है डेस्टिनी को लवर बना के और दिखाया कि देखो हम भारतीयों की मुलाकात अपनी किस्मत से होने जा रही है, क्योंकि हमें आजादी मिलने जा रही है, ठीक है। ट्रस्ट विद डेस्टिनी था यहाँ पे, ट्रस्ट का मतलब मैंने आपको समझा दिया, क्लियर। नेक्स्ट आओ, कुछ लोग बोलते हैं मैम श्रग का मीनिंग क्या होता है, समझाना मुश्किल होता है, जो कंधे उठा के ऐसे कहते हैं तो समझाना मुश्किल होता है, जरा इसको देखो, आपको समझ में आ रहा है हाँ? अगर मैं कहूं कि भाई आज पता है वो लोग हमसे मिलने आ रहे हैं, कहोगे हु केयर्स, जैसे कहा हु केयर्स, इसका मतलब he just shrugged and left, इसका मतलब क्या कहा, यार भाई कंधे उठा, कहा कि कोई मतलब नहीं, मुझे क्या फर्क पड़ता है, यानी जब आप इस तरह से दिखा रहे हो कि मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूं, या who cares, जैसे कहते हैं ना who cares, किसको फर्क पड़ता है, to lift your shoulders, अपने कंधे ऊपर करना, as a way of showing, इस तरह से दिखाते हुए that you do not know something or you are not interested, है ना। क्लास में आंसर पूछे, लड़के जैसे पूछते हैं इसका आंसर बताना, मैम पता नहीं, जे जस्ट श्रग से पता नहीं, तो दिस मीन्स व्हाट, कंधे उचका के या तो दिखाना कि यार मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, या बताना कि मुझे कुछ पता ही नहीं है। बता कोई प्रॉब्लम, आज मुझे कमेंट्स बहुत कम दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे नेट का कुछ इश्यू है, तो वो बहुत जल्दी ऊपर जा नहीं रहा है कमेंट्स, आप लोगों को कोई इश्यू है तो बताइए, क्लियर हो गया, यस वेरी गुड, लिफ्ट योर शोल्डर्स जस्ट टू शो दैट यू आर अनइंटरेस्टेड, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट ये देखो, आपको लग रहा होगा ना कि मैंने तो आईना देख लिया, अपने आप को महसूस कर रहे होगे, जब भी इंग्लिश पढ़ाओ तो लड़कों का दिमाग, बिल्कुल लड़के मुझे ऐसे ही दिखते हैं,
इंग्लिश के मामले में लड़के मुझे बिल्कुल ऐसे ही दिखते हैं. क्यों? क्योंकि वो टोटली कंफ्यूज होते हैं, है ना. माना मुझे इंग्लिश बिल्कुल समझ में नहीं आता. बच्चों मैं आपको बहुत अच्छे से इंग्लिश सिखाऊंगी. उनको लगता है यार जिंदगी भर तो सीख नहीं पाई, क्या सिखा देगी, है ना. दे आर जस्ट कंफ्यूज. याद रखना बेटा, मैं ऐसे याद करा दूं, addled, muddled, befuddled. addled, muddled, befuddled. तीनों देख रहे जैसा addled, muddled, befuddled और अगला bamboozled. अगला क्या है? bamboozled. इसका मतलब हो गया कि आप एक रिदम में ऐसे याद कर सकते हैं, addled, muddled, befuddled, bamboozled. यानी कि puzzled. अब देखो पांच पांच वर्ड आपको रिदम में दिखेगा, addled, muddled, befuddled, bamboozled and puzzled. यानी कि टोटली bewildered. देखो याद रखना बेटा, इसके सारे synonym याद रखना आपको जरूरी है, क्योंकि ये सारे synonym आए हुए हैं. आज मैं GIF से करा रही हूं, नेक्स्ट क्लास मेरा जो लगेगा मैं रूट से कराऊंगी. क्यों? क्योंकि रूट वाले सारे वर्ड्स बेटा जो रूट से हो सकते हैं मैं रूट से कराती हूँ, जो रूट से नहीं हो सकते मैं कोशिश करती हूँ आपको GIF से याद कराने का. इस तरह का फीलिंग रखो, एक बंदर addled है, he is totally perplexed. The monkey is totally confused and bewildered. He is addled, muddled, befuddled, bamboozled, puzzled. देखो कितना synonym हो गया, bewildered, confused, perplexed, addled, muddled, befuddled, bamboozled and puzzled. आठ हो गया ना. बिल्कुल आपसे मिलता जुलता व्यक्ति भी है ये साहब, आपसे मिलते जुलते हैं और इंग्लिश में आपकी हालत यही रहती है. ऐसे याद रख लीजिए. तो जरा एक बार इसको ध्यान से देखो और इसको दिमाग में फिट करो. देखो और दिमाग में फिट करो फटाफट. क्लियर हो गया? चलिए शेयर करिए. सबसे पहले फटाफट शेयर करो, ठीक है. लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेटा जल्दी से शेयर करो, क्योंकि आपके जो टेस्ट पेपर्स करा रही हूं और ये वोकैबुलरी सेशंस की कोई गारंटी नहीं कब तक रहेगा, क्योंकि मैं जानती हूं अच्छे से इन लोगों को ये चीज था कि हम लोग को इसको एक छोटा पैकेज में सेल करना है और वो चीज मैंने कहा मैं फ्री ऑफ कॉस्ट देना चाहती हूं. आइए देखो जरा ऐसे करते हैं आप लोग. अभी पूरा का पूरा लॉकडाउन सारे मेरे बच्चे ऐसे ही बिताए. अब जब उन्होंने देखा लॉकडाउन ही नहीं खुल रहा है और SSC ने अपना नोटिफिकेशन निकाल दिया और उन्होंने ईयर में भी कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया है, तब सब जागे हैं. अदरवाइज ये क्या है? यॉन. ही इज यॉनिंग. यॉन बेटा, यॉन का मतलब होता है जंभाई लेना, है ना. इसी में एक दो और वर्ड है जो मैं दिखाऊंगी आपके बॉडी एक्टिविटीज जो होते हैं, है ना. जैसे अगर मान लो यॉन कर रहा है तो जंभाई ले रहा है ना. अगर डकार लिया तो डकार का इंग्लिश क्या होता है बताओ तुम? डकार लेना इज बर्प, BURP. डकार लेना इज बर्प, जंभाई लेना इज यॉन. अगर मेरी आंख फड़क रही है, अगर मान लो मैं ये कहना चाहती हूं मेरी बाई आंख फड़क रही है तो कैसे बोलूंगी जल्दी बताओ तुम? मेरी बाई आंख फड़क रही है, जल्दी बताओ कैसे बोलूंगी जल्दी से? मेरी बाई आंख फड़क रही है कैसे बोलूंगी जल्दी बताओ? मेरी बाई आंख फड़क रही कैसे बोलूंगी? यस, बर्प हो गया डकार लेना. वेरी गुड. अगर मैं कहूं मेरी बाई आंख फड़क रही है तो कैसे बोलूं जल्दी से? जल्दी देख लो, ये तो समझ रहे हो यौन का. मेरी बाई आंख फड़क रही कैसे बोलूं? विंक. तो बेटा आंख मारना हो गया विंक. वेरी गुड मनीषा आशीष, बहुत अच्छा. नहीं सबीना, ब्लिंक तो होता है आंख झपकाना, ब्लिंक होता है आंख झपकाना. चलिए आप लोग जो वर्ड बोल रहे हो मैं समझाते चले जाती हूं. बेटा विंक आंख मारना, ठीक है. ब्लिंक जो आंखें झपकाते हो ना, झपकाना, ठीक है. बर्फ हुआ तब वर्ब है डकार लेना. वेरी गुड, बहुत अच्छा. कुछ लोग तो बहुत अच्छे से बता रहे हो, अंकुश एंड ट्विच जितने लोग बोल रहे हैं. आंख फड़कना, जिसको फड़कना कहेंगे, है ना, फड़कना कहेंगे. My left eye is twitching. ठीक है, ये सब काम की चीजें हैं बेटा, क्योंकि आपकी बॉडी की एक्टिविटीज है इसमें थोड़ी. यस, माई लेफ्ट आई इज ट्विचिंग. कुमार विकी बहुत अच्छा बोल रहे बेटा. आखोर दीपक बहुत अच्छा. फ्लिकर नहीं बेटा, फ्लिकर जो होता है ना, जैसे लॉ वगैरह फ्लिकर करता है, किसी दिया का लॉ है ना, किसी मोमबत्ती का लॉ है, फ्लिकर करता है. बहुत अच्छा बोल रहे हो. वेरी गुड, बहुत अच्छा. सुनो ध्यान से, विंग होता है आंख मारना, बर्प होता है डकार लेना, यहाँ पे आप जंभाई ले रहे हो, दैट मीन्स द डॉग इज यॉनिंग. द डॉग इज यॉनिंग, ठीक है बेटा. इस सेशन को जरूर शेयर करो, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी आपको इस तरह से, हाँ ठीक है अब मेरे क्लास के बाद कुछ लोग ये बनाना शुरू कर देंगे, लेकिन इस तरह से कोई आपको वो क्या करा रहा, ठीक है. आपको रूट से कराएंगे, कभी इस तरह से कराएंगे. देखो हम जिस समय मैं देखती थी ना पहले, तो ये एक सीन था जो मुझे याद रह गया था, तो मैंने कहा इसको ढूंढो यार, ये वाला मुझे चाहिए GIF, जिसमें वो बेचारा सेलो टेप से अपनी आंख को ऐसे पकड़ के खींच के पीछे खोलने की कोशिश कर रहा है लेकिन उसकी आंखें बंद हो रही है. क्यों? बिकॉज ही इज ड्राउजी. टॉम इज सोमनोलेंट. व्हाट इज सोमनोलेंट? सोमना बेटा, यहां पे एक रूट है जिसको देख, देखो ध्यान से सुनो. सोमना जो है ना बेटा, ये है रूट ऑफ स्लीप. ये है रूट का स्लीप का. याद रखना दो वर्ड आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, सोमनाम्बुलिस्ट और एक आता है
सोमनीलोक्विस्ट, ये दो वर्ड और आता है जिसको आपको ध्यान रखना है। सोमनाम्बुलिस्ट क्या है, ध्यान से सुनना बच्चे, ये एम्बल वर्ड से बना है और एम्बल जब भी देखे तो समझ जाना ये टहलने की बात है, टहलना, जिसका सिनोनिम है स्ट्रोल, टहलना, ठीक है। एम्बल का मतलब होता है टहलना, इसका मतलब स्ट्रोल, याद रखना। सोमनाम्बुलिस्ट में दोनों वर्ड का मीनिंग समझ में आ गया, नींद में चलने वाले को सोमनाम्बुलिस्ट कहते हैं, नींद में जब आप चलते हो तो आप सोमनाम्बुलिस्ट होते हैं। अब आओ यहां पर एक और रूट है लोक्विस्ट, यहां पर एक रूट है लोकवा, बेटा जहां पर भी लोकवा देखो समझ जाओ स्पीच की बात है। लोक्वेशियस बहुत बोलता है ना, इलोक्वेंट अच्छा वक्ता, तो लोकवा जहां आता है हम समझ जाते हैं बोलने की बात है। कुछ लोग नींद में बोलते हैं, है ना, सोमनी लोक्विस्ट होते हैं, नींद में बोलने वाले बहुत मिल जाएंगे आपको, नींद में चलना बहुत रेयर डिजीज है, तो क्या है सोमनाम्बुलिस्ट, नींद में चलने वाला, सोमनी लोक्विस्ट नींद में बोलने वाला, ठीक है। और बेचारे को देखो इसकी आंखें ही नहीं खुल रही है, क्यों, बिकॉज ही इज ड्राउजी, ही इज सोमनोलेंट, ही इज स्लीपी, ये फील कर रहा है नींद आ रहा है इसे, स्लीपी, देख रहे हो समझ में आया, बोलो ध्यान से, कोई प्रॉब्लम इसमें देखो जरा सा, कोई इश्यू नहीं, क्लियर। चलिए आइए नेक्स्ट में आते हैं हम लोग, ठीक है, आप इसको देखो और इसके साथ फिट करो यार इस वर्ड को, देख रहे हो बेचारे का आंखें कहां जा रही है, देखो जरा फील कर रहे हो क्या हालत हो रही बेचारे की, है ना, जब आपको चक्कर आता है तो वैसे ही फील करते हो ना, क्या बोलोगे, मैम आई एम फीलिंग गिडी, जैसे कहोगे आई एम फीलिंग गिडी, इसका मतलब है कि आपको जल्दी थामना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आपका सर चकरा रहा है, गिडी देखो डिजी, गिडी एंड आई एम फीलिंग डिजी, हैविंग द फीलिंग दैट समथिंग इज गोइंग राउंड एंड दैट यू आर गोइंग टू फॉल, है ना, समथिंग इज गोइंग राउंड दैट मीन्स यू आर फीलिंग डिजी या यू आर फीलिंग गिडी। बेटा ये सारे वर्ड्स आपके शरीर से रिलेटेड है, आपके स्पोकन इंग्लिश में बहुत जरूरी है, है ना। अगर मैं कहूं डोंट वर्प, इसका मतलब यार डकार मत मारो, है ना, दैट मीन्स अगर मैं ये कहूं माई लेफ्ट आई Twitching, समझ रहे हो? He is winking, अरे वो आंख मार रहा है, क्लियर, समझ में आया, and I am feeling giddy, यानी मुझे चक्कर आ रहा है, देखो giddy and dizzy, दोनों का मतलब होता है चक्कर आना, बोलो तो कोई प्रॉब्लम यहां तक। नेक्स्ट आओ, अगर आपको कोई कुछ कहा और आपने नॉड कर दिया, दैट मीन्स आपकी स्वीकृति है, क्या कि आपने नॉड किया, इसका मतलब आपकी स्वीकृति है, राइट, स्वीकृति, अगर आप नॉड करते हो फीलिंग गिडी, बेटा ये सारे वर्ड्स आपके शरीर से रिलेटेड है, आपकी स्पोकन इंग्लिश में बहुत जरूरी है, है ना। अगर मैं कहूं डोंट वर्प, इसका मतलब यार डकार मत मारो, है ना, That means, अगर मैं ये कहूं my left eye is twitching, समझ रहे हो, he is winking, अरे वो आंख मार रहा है, क्लियर, समझ में आया, and I am feeling giddy, यानी मुझे चक्कर आ रहा है, देखो giddy and dizzy, दोनों का मतलब होता है चक्कर आना, बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक। नेक्स्ट आओ, अगर आपको कोई कुछ कहा और आपने नॉड कर दिया, दैट मीन्स आपकी स्वीकृति है, क्या कि आपने नॉड किया, इसका मतलब आपकी स्वीकृति है, राइट, स्वीकृति, अगर आप नॉड करते हो तो अपना सर ऐसे हिलाते हो, व्हेन यू नॉड आप अपना सर ऐसे हिलाते हो, यू मूव योर हेड अप एंड डाउन। अगर मैं कहूं माय फादर माय सिस्टर नॉडेड व्हेन आई आस्क्ड फॉर हिज और हर अप्रूवल, माय Sister nodded when I asked for her approval, जब मैंने उससे approval की मांग की तो उन्होंने सर हिला दिया। जैसे कहोगे nod, अच्छा इसका मतलब है हाँ मैं सर हिलाया, ठीक है, देखो nod, सर हिलाना, burp, wink, ये सारे word बेटा आपके body से related है, you should know this word, है ना, you should know this word and you should know these words, बेटा ये class share करो, ये क्लास कभी भी हट जाएगी, मेरा खाली एक ही इंटेंशन है, ज्यादा से ज्यादा लोग बेनिफिटेड हो जाओ, जो लोग बाई नहीं कर सकते हो, बाकी जो पैसे वाले हैं यार वो बाई करेंगे, है ना, क्या करना तो चाहिए, अब उनकी कमाई से तो हम चलाएंगे ना, ठीक है। यस ही नॉडेड हिज हेड, वेरी गुड, बहुत अच्छा बेटा। कोलैप्स का मतलब होता है बेहोश होके गिर जाना। अगर मैं कहूं, ऐसे कहूंगी मैं, I was feeling giddy and after some time I just collapsed. इसका मतलब हुआ पहले तो मुझे चक्कर आया
और थोड़ी देर में मैं बेहोश होके गिर गई। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आया, बताओ क्लियर? बच्चा कह रहा आई एम नॉडिंग ऑल द टाइम। ये देखो सब लड़कों का यही हालत रहता है क्लास में। बेटा तुम लोग जब लड़कियों की तरफ देखते हो ना, मुझे तुम ऐसे ही दिखते हो। यू नो आई इमेजिन तुम्हारी शक्लें मुझे ऐसे ही दिखती है। कोई नहीं पूछने वाली तुम लोग को, कोई नहीं पूछने वाली, लेकिन जिस तरह से ऐसे जीव लटका के आंखों में बिल्कुल प्यार से देखते हो ना, ऐसे ही लगते हो। देखो दिखा, देख लिया हाँ। चलिए अब आगे बताते हैं ये कौन है। यू आर अ कैसनोवा। अगर मेरे क्लास में आप ऐसी हरकत करोगे तो मैं कहूंगी लुक ही इज अ फिलांडरर, ही इज अ कैसनोवा। सब लड़कियों को मैं समझा देती हूं, मेरे क्लास की सभी लड़कियां जानती है। ये क्या 12 बजे नेट इश्यू रहता है क्या यहाँ पे? बेटा यहाँ पे है ना कुछ नेट इश्यू है। आज मॉर्निंग में क्लास लेने में मैं पूछ रही हूँ कि क्या मॉर्निंग में नेट इश्यू रहता है क्या यहाँ पे। चलिए सुनो ध्यान से बेटा। एक लड़का कह रहा है गजब बेइज्जती है। बेटा बेइज्जती नहीं है, मैं तुम लोग की सच्चाई तुम लोग के सामने बताती हूँ। और तुम लोग इतनी बेइज्जती महसूस कर चुके होते हो ना क्लास में कि वो फिर एक बार एक लड़के ने कहा मैडम इज्जत बेइज्जती तो फील करने वाली बात है, हमें फील ही नहीं होता है। तो वही चीज में आपको एकदम थिक स्किन्ड बना देना चाह रही हूं। चलिए सुनो ध्यान से। एंडर का मतलब बेटा होता है पुरुष, क्योंकि मैंने कहा फ्लावर्स में जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जो प्रजनन अंग होता है पुरुष वाला, वो होता है एंड्रोशियम। तो उससे रूट उठाया है एंडर। और जो महिला का होता है उसमें अंग, उसको गायनीशियम कहते हैं। इससे जहां पे महिलाएं आए उनको हम जीनी या गायनी वर्ड अब देखोगे तो समझ जाना महिला है। अब आइए लव और पुरुष, यानी कि ऐसा पुरुष का, पुरुष जो सिर्फ ऐसे ही बस प्रसाद की तरह अपना दिल बांटता है, उसको कहते हैं फिलांडरर और कैसनोवा, यानी अ मैन हु इज इन्वॉल्व्ड इन कैजुअल लव अफेयर्स। आप कहोगे मैम ऐसी महिला को क्या कहते हैं? तो पहले मैं क्लास में कहती हूं बेटा महिलाएं ऐसा गंदा काम नहीं करती। उसके बाद जब देखते हैं क्लास में विद्रोह हो, ताकि नहीं नहीं मैम आप लड़कियों का पक्ष लेती हो, तब मैं बताती हूं कि ऐसी महिला को हम कॉकेट कहते हैं। ठीक है, ऐसी महिला को हम कॉकेट कहते हैं। कॉकेट का मतलब हुआ दिल फेक महिला। आजकल ऐसी महिलाओं का संख्या बढ़ रहा है ना, तो याद रखना फिलांडरर एंड कैसनोवा आर फॉर मेन जो दिल फेक होते हैं, और महिलाएं ऐसी हो गई तो कैसनोवा तो कॉकेट कहलाएगी। और बेटा ऐसे पुरुष को हम एक और वर्ड है जिसको हम वर्ड लिप से बना के आपको रूप से दिखाएंगे, लिबर्टीन। जहां पर भी लिव आए ना बेटा, लिव से लिबर्टी याद है ना, लिव का मतलब फ्री होता है। जब आपको फ्रीडम मिलता है ना तो कई बार आप लिबर्टीन हो जाते हो, यानी कि मॉरली गलत हो जाते हो। दैट मींस हम दिलफेक को लिबर्टीन भी कह सकते हैं जो मॉरली गलत होते हैं। बाकी दूर से आप ऐसे ही देखते रहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए शेयर करो जल्दी से, क्योंकि हम नेक्स्ट शीट पे जाने वाले हैं। जल्दी से शेयर करिए, जल्दी से शेयर करिए आप, ठीक है, जल्दी से आप शेयर करिए। ठीक है, ऐसी महिला को हम कॉकेट कहते हैं। कॉकेट का मतलब हुआ दिल फेक महिला। आजकल ऐसी महिलाओं का संख्या बढ़ रहा है ना, तो याद रखना जो दिल फेक होते हैं, और महिलाएं ऐसी हो गई तो क्या सुनो तो कॉकेट कहलाएगी। और बेटा ऐसे पुरुष को हम एक और वर्ड है जिसको हम वर्ड लिप से बना के आपको रूप से दिखाएंगे, लिबर्टीन। जहां पर भी लिव आए ना बेटा, लिव से लिबर्टी याद है ना, लिव का मतलब फ्री होता है। जब आपको फ्रीडम मिलता है ना तो कई बार आप लिबर्टीन हो जाते हो, यानी कि मॉरली गलत हो जाते हो। दैट मींस हम दिलफेक को लिबर्टीन भी कह सकते हैं जो मॉरली गलत होते हैं। बाकी दूर से आप ऐसे ही देखते रहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए शेयर करो जल्दी से, क्योंकि हम नेक्स्ट शीट पे जाने वाले हैं। जल्दी से शेयर करिए, जल्दी से शेयर करिए आप, ठीक है, जल्दी से आप शेयर करिए। आइए नेक्स्ट आओ, देखो जरा ध्यान से, जल्दी से शेयर करो और आजा फटाफट आओ। चलिए इसको देखो जरा शक्ल इसकी, और ये सारे वर्ड्स देखो, इसकी शक्ल देखो और सारे वर्ड्स देखो आप, ठीक है। इसकी शक्ल देखो कैसा लग रहा है देख के, एकदम हक्का बक्का, एक्सट्रीमली सरप्राइज्ड,
startled, एकदम startled हो गया, जैसे मैं रूम में मैंने उसे देखा, I was startled, astonished, stunned and astounded. क्या क्या मैंने उसे अचानक सामने देखकर, I was startled when I saw him. When I saw him, I was astonished. I was startled. इस खबर को सुनकर, I was stunned and I was astounded. देखो इन सब का मतलब है हक्का बक्का रह जाना, और आप इसके साथ रिलेट करके सोचो, astonished, startled, stunned, astounded, like this cat. That means extremely surprised. दोनों एक दूसरे को देखा सामने आमने सामने, और क्या हुआ? I was stunned. Okay. लिखा है लड़के, I was stunned when I met the cockatoo. देखो कितना अच्छा सेंटेंस बनाया इसने. Yes, टेलीग्राम में डाल दूंगी बेटा. गैस कभी आ रही है बेटा, रुक जाओ. Yes, very good. बहुत अच्छा. Stunned, surprised, startled, astonished. अभी और है गैस, रुक जाओ सविता, सविना, अभी तुरंत बताने वाली. ठीक है, लड़के ने लिखा, I was stunned when I met the cockatoo. ठीक है, and we get stunned and astonished when we meet Casanova. क्लियर? बोलो कोई प्रॉब्लम? मजा आ रहा है तो शेयर करो, क्योंकि आपसे रात में 9 बजे जो मुलाकात होगी वो हमारा अगला 7th नंबर टेस्ट पेपर के साथ आज होगा. लेकिन बेटा मैंने कहा ना, 2021 में केरी लाइव चैनल सिर्फ एक ही चीज पर है, बस कि इस बार सीजीएल पार. और मैं अपनी तरफ से फुल ट्राई कर रही हूँ. मेरा गला बैठ गया है, क्योंकि बात क्या होता है ना, मैं करीबन 9 घंटे क्लास लेती हूँ और उसके बाद 2 घंटे आपके साथ यूट्यूब पर. अभी रोज 1 घंटे चल रहा था, आज 2 घंटे हो जाएगा. तो कम से कम मैं चाहती हूँ एटलीस्ट आपके तरफ से कुछ सहयोग हो. चलिए, हो गया क्लियर? नेक्स्ट आओ, जरा देखो, जरा इसको ध्यान से, इसको देखो, ये देखो, ये देखो. तुम लोग ऐसे ही करते बेटा. ही सो इंडोलेंट, लेजी पपी. ही सो स्लो एंड लैंग्विड. दिस पपी इज टोटली लैंग्विड. दिस लैंग्विड पपी इज सो इंडोलेंट दैट ही इज नॉट एबल टू इवन सच प्रॉपरली. देखो ध्यान से, द लैंग्विड पपी इज सो इंडोलेंट. द लैंग्विड पपी इज सो लेजी. इट इज अनएबल टू इवन सिट प्रॉपरली. इसका मतलब क्या है कि लैंग्विड का मतलब है लेजी, जिसको कहते हैं हम लोग. एक जानवर है बेटा, याद रखना, एक जानवर है जो है स्लॉथ. ये ऑस्ट्रेलिया की तरफ कहीं पाया जाता है. ये स्लॉथ ऐसा जानवर होता है ना, वो 3-3 दिन तक एक ही करवट सो सकता है. वो इतना आलसी होता है, पेड़ पे जब सोया रहता है तो उसको बहुत मुश्किल से, जब एकदम भूख भयानक सताने लगती है तो बहुत मुश्किल से वो 3-4 दिन के बाद नीचे उतरता है खाने के लिए. इसीलिए स्लॉथ से बना हुआ एक एडजेक्टिव है, स्लॉथफुल. बस इसी का सिनोनिम में आ गया ना, है ना, स्लॉथ जानवर है जिससे बना है स्लॉथफुल. मैं आपको वोकैब स्टोरी से भी कराऊंगी, बहुत सारी ग्रीक स्टोरीज है जिससे वोकैब बने हुए. देखो ध्यान से, ठीक है, लैंग्विड स्लॉथफुल. लेथार्जिक भी सिनोनिम में आएगा. एनर्वेटेड, अब सुनो ध्यान से, एक और वर्ड है बेटा, एनर्जी जानते हो, है ना. तो एनर्जेटिक का मतलब होता है जिसमें एनर्जी होगा वो एनर्जेटिक, यानी इसका एंटोनिम हो गया. अगर मैं इसका सिनोनिम की बात करूं तो एक और वर्ड है एनर्वेटेड. देखो, एनर्जेटिक, एनर्वेटेड. एनर्जेटिक एनर्जी से बना है, एनर्जेटिक एनर्वेटेड. एनर्जेटिक होता है लैंग्वेज का एंटोनिम, तो एनर्वेटेड क्या होगा? एनर्वेटेड एंटोनिम होगा. बोलो, ठीक है. वैसे ही लेथार्जिक भी आप कह सकते हो, लेथार्जिक सिनोनिम हो गया इसका. ठीक है, क्लियर? बताओ कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट आओ, क्लियर? आइडल बेटा, बेकार बैठे हो. स्लगिश, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही हो गया. अब आओ नेक्स्ट, सुनो ध्यान से. गफॉ, आप लोग का कमेंट्स बहुत तेजी से नहीं आ रहा मेरे पास, इसलिए किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो मैं अभी देख ले रही हूं. चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं. यस, मुझे आप लोग बेटा फेसबुक में फॉलो कर लो. आप फेसबुक में फॉलो कर लोगे तो मैं इंस्टेंटली कोई क्लास अगर प्लान करूंगी ना तो मैं आपको बता दूंगी, है ना. ये देखिए हमारे ट्रंप चाचा, है ना, एक ट्रंप चाचा आता था. वो ट्रंप चाचा कहां गया? हाँ, बैच नंबर 12 में आ गया ना, उसके बाद से गायब हो गया. बैच नंबर 12 में पढ़ रहा है अब, नहीं आता. नहीं तो वो आता था ट्रंप चाचा. तो ये हमारे ट्रंप चाचा देखिए, ये इसी तरह से गफ्फा करते हैं जब भी कोई इससे कोई क्वेश्चन पूछता है. बेटा वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होते हैं, वहां पे मीडिया नहीं छोड़ती अमेरिका में. यहां पर तो हमें लगता है पिछले 6-7 साल में सरकार के साथ कोई के प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रहा है ना. तो वेन एवर क्वेश्चन आर पुट, ही जस्ट गफ्फॉस. मतलब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हंस के ठाके मार के हंसना. देखो बेटा, आपके बॉडी से रिलेटेड आज कितने वर्ड याद आ गया ना आपको. ब्लिंक, आंख झपकाना. विंक, आंख मारना. बर्फ, डकार लेना. माई आई इज ट्विचिंग, इसका मतलब वह आंखें फड़क रही है, हो गया. यौन का मतलब जम्भाई लेना. बर्फ मैंने कहा, डकार मारना. एंड गफ्फॉ मतलब ठाके मार के हंस देना. ही जस्ट गफ्फॉस वेन एवर द जर्नलिस्ट ask any question. देखो गफ्फा का मतलब to laugh loudly, ठाका मार के हंसना. ठीक है, yes, हमारे ट्रंप चाचा just गफ्फा. देखो, बोलो कोई problem? Clear? ठीक है, enjoy कर रहे हो. If you like the way, आप मुझे एक बार अपना thumb दिखा दो, अपना thumb दिखा दो, है ना, ट्रंप में thumb दिखा दो. और अगर आप चाहते हो कि मैं ये सेशन कंटिन्यू रखूं तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो. क्योंकि आज भी बेटा किसी और टीचर का क्लास को रिप्लेस करके हमने अपना क्लास रखवाया, कि प्लीज कल तक उनका क्लास प्लान नहीं था. और जब मैंने कह दिया उसके आसपास ही उनका क्लास प्लान हो गया 12 बजे, तो मैंने रिक्वेस्ट करके उनका क्लास उठाया. तो अगर आप लाइक कर रहे हो तो ठीक है, फिर मैं इसको कंटिन्यू रखूंगी. अगर आपकी तरफ से एक अप्रूवल आएगा तब. लेकिन बेटा याद रखना, आप लोग लाइव आ जाना, क्योंकि बाद में आप लोग कहते हो मैम इसे क्या, एक टेक्निकल पूरा डिपार्टमेंट है जो
किसी बात पे नेट इश्यू, ऐसे नेट इश्यू बात, तो हम भी फोन करके भी पूछ लेते कि नेट क्यों नहीं चल रहा, परेशान करते हैं आप हमें, परेशान करते हैं। तो रिमेंबर वन थिंग बेटा, आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट, यू विल हैव टू एप्रिशिएट इट, और मेरा साथ देना पड़ेगा। आइए बेटा देखो ध्यान से, बेटा ये बिड का कई मतलब है, आपको वर्क चैप्टर में पढ़ाती हूं मैं। एक तो मतलब होता है बोली लगाना, यहां पे बोली लगाने का सेंस नहीं है, ठीक है। एक मतलब होता है बिड का मतलब आदेश देना, बेटा यहां पर आदेश देने का भी मतलब नहीं, यहां पे जो मतलब है वो है अभिवादन करना, यानी आई विश हिम गुड मॉर्निंग, ओके विश गुड मॉर्निंग, विश गुड आफ्टरनून भी होता है, लेकिन जब आखिरी मुलाकात होती है ना तो कहते हैं आई बेड हिम गुड नाइट, आई बेड हिम गुड बाई, वहां पे बेड का मतलब होता है आखिरी, आप जब किसी से टाटा बाय बाय करके अलग हट रहे हो तब। रिमेंबर बेटा यहां पे इस बेड का मतलब यही, बेड एड्यू का मतलब होता है गुड बाय करना, वी बेड एड्यू व्हेन वी डिपार्टेड, इसका मतलब हमने एक दूसरे से गुड बाय कहा जब हम अलग हुए, तो वी बेड गुड बाय या बेड एड्यू दोनों का मतलब सेम है। बेड का सेकेंड फॉर्म मैंने क्या कहा, यहां पर अभिवादन करने के सेंस में बेड होता है, बोली लगाने के सेंस में बेटा बेड का तीनों फॉर्म सेम है, आपको वॉल्यूम वन ने भी इसको बहुत क्लैरिटी के साथ बताया मैंने, ठीक है। रिमेंबर बेड एड्यू का मतलब हुआ अभिवादन करना, आखिरी अभिवादन, बेड एड्यू मतलब टू से गुड बाय यानी आखिरी, वी बेड एड्यू व्हेन वी डिपार्टेड, जब हम अलग हुए तो हमने एक दूसरे से क्या कहा, गुड बाय, ओके। चलिए नेक्स्ट आओ ध्यान से देखो, और ये एक बैच नंबर 12 के मैंने थोड़ा सा बताया था, बैच नंबर 12 के डेमो में बताया था, चार पांच शीट्स उसी में से एक है। देखो जब आप किसी बहुत बढ़िया चीज को देखते हो, किसी बहुत बढ़िया बिल्डिंग को देखा, मॉन्यूमेंट को देखा, इट वॉज अ सुपर्ब मॉन्यूमेंट, योर वर्क यार इट इज आउटस्टैंडिंग, द टेम्पल वॉज मैग्निफिसेंट, इट वॉज अ स्टुपेंडस एक्सपीरियंस, स्टुपेंडस मतलब स्प्लेंडेड, देखो स्टुपेंडस एंड स्प्लेंडेड, फिर स्पेक्टिकल का मतलब होता है चश्मा या नजारा, तो स्पेक्टाकुलर बना है स्पेक्टिकल से, स्पेक्टिकल से स्पेक्टिकल कहा मैंने, स्पेक्टिकल का मतलब होता है नजारा, तो ऐसा जो देखने लायक हो वो स्पेक्टाकुलर हो गया, जो देखने लायक है वो स्पेक्टाकुलर हो गया। रुको बेटा थोड़ी देर में मैं बता रही हूं कहां कहां ये आपको मिल जाएगा, किस जगह पे मैं डालूंगी, ठीक है। स्पेक्टाकुलर, व्हाट इज स्पेक्टाकुलर, नजारा से बना है ना, दैट इज आउटस्टैंडिंग, मैग्निफिसेंट, सुपर्ब, स्टुपेंडस, आउटस्टैंडिंग एंड देखो स्पेक्टाकुलर, ठीक है। मैंने मॉन्यूमेंट कहा, मैंने बिल्डिंग कहा, जैसे अगर मैं कहूं कहीं का नजारा है, कहीं का साइट है, सीनरी है, और ये सारे वर्ड जब आप किसी भी लड़की को देखते हो तो बस ये सारे सिनोनिम एक साथ बोल के रिवाइज कर लेना, ठीक है। जैसे कोई भी बहुत सुंदर आपको लड़की दिख जाए, जैसे आपकी एक मैडम है, कौन है यार वो, क्या नाम उसके, हाँ गुरप्रीत के, चलो गुरप्रीत का क्लास चलेगा, उसमें ये सारे सिनोनिम मेरी तरफ से बोल देना, बोला मैम नीतू मैम ने आपके लिए गिफ्ट भेजा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आओ बेटा, ये अभी हाल फिलहाल मैंने टेस्ट पेपर में डिस्कस किया था, और ये बैच नंबर 12 के डेमो में भी मैंने आपको डिस्कस किया था, ठीक है, और अभी हाल फिलहाल के टेस्ट पेपर में था। देखो जरा कुछ चीज को सुन के यार इतनी तेज हंसी आ गई कि जो पी रहे थे वो भी मुंह से निकल गया। सो व्हाट इज दैट, हिलेरियस द जोक, माय गॉड इट वाज सो हिलेरियस, इट वाज सो हिलेरियस दैट आई कुड नॉट कंट्रोल माय लाफ्टर। हिलेरियस का मतलब होता है वेरी फनी, हिलेरियस का मतलब क्या है देखो, वेरी फनी, और हम लोग जो कॉमिकल कहते हैं ना वो भी तो होता है कॉमिक से रिलेटेड है ना, इसलिए कॉमिक या वेरी फनी या हिलेरियस, ह्यूमरस भी चलेगा, यस ह्यूमरस भी चलेगा, बेटा सार्कास्टिक नहीं, सार्कास्टिक का मतलब होता है किसी को मजाक कटाक्ष उतार रहे, ठीक है ना, क्लियर समझ में आ रहा है, बोलो कोई प्रॉब्लम, ओके यस। जोक्युलर होगा बेटा, जोक से बना हुआ वर्ड जोक्युलर होता है, जोक से बना हुआ, जोक जानते हो ना, है ना, जोक से बना हुआ वर्ड जोक्युलर होता है, तो जोक्युलर कह सकते हो इसको, है ना, क्लियर बोलो। नहीं रिडिकुलस भी नहीं होगा, रिडिकुलस होता है जिसको देख के आप कहोगे यार क्या किया तुमने, मजाक उड़ा देते हो ना, वो रिडिकुलस होता है, ठीक है, ओके। नया वर्ड फैंटास्टिक, फैंटास्टिक एंड फैबुलस का सिनोनिम, ये का संधि कर दिया आपने, है ना। चलिए नेक्स्ट आओ, जो आप एगास्ट बोल रहे थे बेटा वही आ गई मैं। देखो बेटा लिखा है अगास्ट, लेकिन बोलते हैं इसको एच साइलेंट, एगास्ट फ्लैबगास्ट डंबफाउंडेड, एगास्ट फ्लैबगास्ट एंड डंबफाउंडेड, वही सेम बेटा, स्टंड एस्टोनिश्ड नहीं था, क्लियर, वही सेम सिनोनिम यहां पे, क्या कहा मैंने, एकदम हक्का बक्का रह गया, हक्का बक्का कैसे, ही इज एगास्ट, और एगास्ट मैंने बोला, जैसे मैंने एगास्ट बोला हमें फ्लैबगास्ट याद आ गया, जब हमने उसे पाया ना, जब वो पाया गया उस समय बिल्कुल डम था वो, डम मतलब गूंगा, भाई मुंह खुला है आवाज ही नहीं निकल रही, मुंह खुला है आवाज ही नहीं निकल रही है, तो यानी कि जब पाया मैंने, भूत देख लोगे ना तो भूत देखे तैसे ऐसे हक्के बक्के रह जाओगे, है ना, भूत देख लिया अब ऐसे ही हक्के बक्के रह गए, मतलब यू आर कंप्लीटली dumbfounded, बोलो क्लियर। बेटा मेरा एक नया बैच है, बैच नंबर 12, ठीक है, और एक बैच नंबर 11 है, जिसके लिए भी कंफर्टेबल होगा, या
कब इस तरह से आपके हक्के बक्के रह जाओगे? जब आप इस तरह से जूते खाओगे ना, तब वैसे ही हक्के बक्के रह जाओगे। दिस कैट वॉज अर्ट, है ना, शी वॉज मिप्ड, शी वॉज एनॉइड, एंड देन शी किक्ड द पपी, शी किक्ड द पपी बिकॉज शी वॉज अर्ट मिप्ड एंड एनॉइड, एंड देन द पपी वॉज अगेस्ट एंड फ्लैबरगेस्ट। सुनो ध्यान से, द पपी वॉज, पपी जब मैं याद करती हूँ तो मुझे लड़की याद आते हैं, और जब भी मैं कैट देखती हूँ तो मुझे लड़कियां याद आती है, ठीक है। देखो ध्यान से, द कैट वॉज अर्ट एंड मिप्ड, शी वॉज एनॉइड, she was picked, she was upset, and she was a little angry, and then she kicked the puppy, and this left the puppy aghast, flabbergast, dumbfounded. Okay? So, irked ka matlab kya hua? Irritated. Annoyed. Theek hai? Miffed. Upset. Aur ek aur word yaad rakhna, picked. Ye sab hone ke baad wo kya ki? She just kicked the puppy, and this left the puppy, kya hal mein? And this left the puppy aghast and flabbergast. He was dumbfounded. He was extremely surprised. When he was kicked by the cat. Clear? अपने आप को याद कर लो, अगर लड़कियां आपको ऐसी जूते मारेगी तो यू विल बी aghast, flabbergast, and dumbfounded. Okay, लड़का कह रहा नहीं, I will be furious. बेटा बदमाशी करोगे तो kicked out होगे ही, ठीक है। Now see, ये हरकतें होती लड़कों की। देखो, why was that cat miffed? Why was the cat miffed? Because you winked, and ध्यान से देखो, the dog ने क्या किया? Dog winked, ठीक है। फिर द कैट वॉज अर्क्ड एंड शी किक्ड द डॉग एंड देन द डॉग वॉज फ्लैबरगास्ट। देखो फ्लैबरगास्टेड, बताओ कोई प्रॉब्लम? द डॉग विंक्ड, द कैट वॉज अर्क्ड, यानी कैट को गुस्सा आ गया, एंड शी किक्ड द डॉग एंड द डॉग वॉज फ्लैबरगास्टेड। देखो कोई प्रॉब्लम बताओ, है ना, क्लियर? बोलो एक लड़का कर रहा ई, मतलब ऐसा लग रहा है कि तुम्हें ही जूते पड़ गए, हाँ क्लियर, बताओ कोई प्रॉब्लम? देखो तो जरा, क्लियर? इस तरह से बेटा वर्ड यूज करो ना। द डॉग विंक्ड, दिस अर्क्ड द कैट, द मिफ्ड एंड एनॉयड कैट किक्ड द, ही वॉज डंबफाउंडेड, ही वॉज एक्सट्रीमली सरप्राइज्ड व्हेन ही वॉज किक्ड बाय द कैट। क्लियर? अपने आप को याद कर लो, अगर लड़कियां आपको ऐसी जूते मारेगी तो यू विल बी अगेस्ट, फ्लैबरगेस्ट,